रोयलिप नाम के मुफ्त ई लाइब्रेरी HTTP /royalip.com से किताब डाउनलोड करने खातिर धन्यवाद। लेखक के सब किताब HTTP://royalip.com/author/billing_g.html यह किताब औरी प्रारूप में HTTP://royalip.com/billing_g/pinkwo_res_region_pod_round_1941.html पढ़े के मजा ली। सर्गे बाइलिनिंग के नाम से जानल जाला। फोर्ट्स के नीचे टिंक लड़ाई बिल्कुल 1941 में भयल। परिचय। महान देशभक्त युद्ध के पहला हफ्ता में जब सेना समूह सेंटर उत्तर के जर्मन टिंकरेज मींस के लगे पिंसर बंद करके स्मोलेंस्क आपको मास्को लेनी नगर के निशाना बना के हमने के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा पर भाग गयी। जर्मन सेना समूह दक्षिण के झटका के दर्शावत एगो भव्य टिंक लड़ाई खुलल। दूसरा विश्व युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा महान देशभक्त युद्ध के पहली टिंक लड़ाई 22 जून 10 जुलाई 1941 के भैलाई सोवियत सैनिक सब के उच्चाक्रामक गतिविधि के साफ सबूत रहल। इनके इच्छा के कुश्ती के दुश्मन के हाथ से पहल जवना के अप्रत्याशित हमला के नतीजा में जब्त कर ले। ये लड़ाई के संस्मरण में बहुत कम जानकारी दिहल गयल बा। सैन्य इतिहास की रचना सब में एकरा के आमतौर पर विरोधी के लगी लड़ाई बा खाली सीमा के लड़ाई कहल जाला। हालांकि ये कौनो तरह से कौनो साधारण घटना न रहे आना कौनो निजी संचालन। ये लड़ाई यूक्रेन के कई गो पश्चिमी इलाका सब में भयल। लुट्स्क, रिज्ने, उस्ट्रुग, कामेनिच, ब्रो आदि शहर सब के बीच एको विशाल पंचकोण में जेकर केंद्र दुबनो में रहल। सामने से होके वाला लड़ाई में लगभग 2500 सोवियत आ जर्मन टैंक मिलल। एकर नतीजा के बहुत असर दक्षिण में ला सेना के बिजली से कुचल देवे के जर्मन कमान के योजना में बाधा पहुंचावे पर पड़ल। कील के रास्ता पर जर्मन सैनिकन के सफलता नाकाम हो गयी। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के सैनिकन के घेराबंदी आटा यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा समय पर न भयल। एक पत्र में ए लड़ाई के सोवियत आ जर्मन हाई कमान के शुरुआती फैसला के नजरिया से विचार किल गयल बा जवना से पहला टैंक लड़ाई के रास्ता आ परिणाम तय भयल। हमनी के चाहत बानी जाके जहाँ तक संभव हो के लड़ाई के सामान्य कोर्स विचार आयोजना के तकर ऑपरेशनल टैक्टिकल फैसला आ लड़ाई में भाग लेबे वाला फॉर्मेशन आ यूनिट के सोवियत आ जर्मन कमांडरन के पहल देखावल जाओ। विचार योजना फैसला के बारे में बतावल गयल बा। जर्मनी के सोवियत संघ पर हमला की योजना और सोवियत पक्ष के रक्षा की योजना लगभग एक साथ काम की गई। अंतिम संस्करण में मंजूरी दिहल गई लाई कौनो संजोग नहीं थे। समय के संजोग के कारण दुनिया में लगातार बढ़ तनाव बा जबन दूसरा विश्व युद्ध के शुरुआत में जर्मनी के सफलता के चलते भयल रहे। दिसंबर 1940 देश जनवरी 1941 के बीच भयल। मास्को में सोवियत नेतृत्व सैन्य नेता लोग अपरिचालन खेल के साथ बैठक के लसाइक रासे चुड़ी पहले बर्लिन में जर्मनी के नाजी नेतृत्व द्वारा भी ऐसने बैठक का खेल भयल। ऊपर बतावल योजना वो लोग के नतीजा रहे। जर्मन योजना बाढ़ भरोसा निर्देश संख्या 21 में सामान्य लक्ष्य के रूपरेखा बनावल गिल। पश्चिमी रूस में स्थित रूसी लोग के मुख्य सेना सब के ऑपरेशन में नष्ट करे के परी टैंक के पचर सब के गहरा तेजी से आगे बढ़े के माध्यम से रूस के इलाका के व्यापक विस्तार में लड़ाई खातिर तैयार दुश्मन सैनिकन के पीछे हटे के रोके के परी। जर्मन रणनीतिकार लोग के सैन्य सिद्धांत के अनुसार इनका मशीनी फॉर्मेशन के इस्तेमाल पर मुख्य दांव लगावल। प्रिप्या दलदल के दक्षिण में काम करे वाला सेना समूह दक्षिण के एक काम भी हल गयल रहे। गाढ़ हमला के माध्यम से मुख्य बल के पार्श्व भाग पर रखे यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकन के बाद वाला के नई पर पहुंचे से पहले भी नष्ट कर दी। एक रखातिर मुख्य झटका लुबलिन क्षेत्र से कीव के सामान्य दिशा में पहुंचावल जाला। कुउत्तात्रेउन मारक योजना के लेखन में से एक गो ए बैठक में भाग लेबे वाला आखेलन के प्रमुख हिटलर के मांग रहे कि रूसी लोग के उत्तर से कवरेज से घेरल जावा हालडर टीम के पचर लगावे के आदेश दिले ताकि रूस के पीछे हटके रोकल जा सके आने पर के पश्चिम में रक्षा न बनावल जा सके। इन निर्देशन के आधार पर आर्मी ग्रुप साउथ के मुख्यालय कमांडर फील्ड मार्शल वो अनुंडस्टेड एगो आक्रामक योजना योजना एक बंदवलस योजना एक प्रिप्या दलदल के उत्तर सेना समूह केंद्र दक्षिण सेना समूह दक्षिण में जर्मन आक्रमण की योजना उनकर योजना प्रिप्या दलदल से किले एगो लिफाफा माज के आखिर नीपर के साथ दक्षिण मुड़ के दक्षिण पश्चिम मोर्चा के मुख्य सेना सब के घेर के दक्षिणी मोर्चा के संचार के काट के आलगो आगे यूक्रेन के दाहिना किनारे एगो रिंग में सोवियत सैनिकन के बंद करे खातिर कील से बाहर निकले के योजना 3 से 4 दिन में घेराबंदी के योजना 7 से 8 दिन में बनावल गयी।
मुख्य हमला के दिशा में तिंपौरी मोटर 40 डिवीजन खातिर आक्रामक क्षेत्र के विशेष सावधानी से चुनल गई जर्मन जनरल लुट्स्क दुबनो के इलाका से आकर्षित भई, जहां नदी के किनारे जंगल गुड़िंग के बीच बीच में समतल खेत रहे आ मैदान दक्षिण पश्चिम दुबनो से आ उत्तर पश्चिम में लुट्स्क ले फैलल रहे। दक्षिण से देखल जाए तब इलाका जे काफी खुला आतिम संचालन खातिर काफी उपयुक्त रहल, जंगल सबसे सुरक्षित रहल। उत्तर में पुलिस काया या प्रिप्यात दलदली तराई के इलाका द्वारा लगभग पूरा तरीका से दुर्घटना के साथ। एमे कोनो आश्चर्य के बात नहीं थे कि जर्मन के मुख्य हमला जवन मूल रूप से वो खातिर योजना बनावल गयल रहे जोन में ले जायल गयल। सीमा से नो ब्रादोलिनस की रोवनो आगे जाए रोमिर अकेले मुख्य सर्क एक रेसात से गुजरे ली। सेना समूह दक्षिण लुबलिन के लाइन के साथ तैनात डेन्यू 780 किमी के मुहाना लोदावा प्रजेमिसल के मोड़ पर फील्ड मार्शल रही चेनाव आ जनरल स्तुलपना गेल के 6वें आ 17वें फील्ड आर्मी के साथ साथ जनरल क्लेस के पावला मेजर ग्रुप पर अल्ला तीन ग्रुप भी रहे। हंगरी के कोर से को स्लोवाकिया आ हंगरी के सीमा पर आगे बढ़ तीन गो और सेना 11वीं जर्मन 3000 रोमानियाई डेन्यूब नदी के किनारे एगो लाइन पर कब्जा कर ले। योजना 2 छे नौ सेना अखिलेश के अल्लाह तीजी आर के काम दिहल गयल की उलोडावा से लेके क्रिस्टिनोपोल ले रूसी लोग पर हमला करे। आ 17वीं सेना के सहयोग से व्लादिमीर वोलिनस की सोकल दुबनो के रास्ता से द्नीपर तक घुसे। ऐसे रुंडस से उस तिलक सोकल क्रिस्टिनोपोल से अब शो अतिम का मोटर 40 डिवीजन के केंद्रित किए। जरना से यहाँ 5वीं आज 6वीं सोवियत सेना के जंक्शन पर बला साधन में 3 यहाँ तक की 5 गुना श्रेष्ठता पैदा भयल। जर्मन 6वें फील्ड आर्मी में 12 गो डिवीजन रहे। क्लेस पिंक समूह देश 3 गो मोटर 40 को तीसरा 14वां 48वां जर्ना में 5 गो टैंक डिवीजन 9वां 11वां 13वां 14वां 16वां 4 गो मोटर 40 16वां 25वां 16वां शामिल रहे। एसएस वाइकिंग एसएस लाइफ स्टैंडर्ड एडोल्फ हिटलर कुल मिला के आर्मी ग्रुप साउथ में 57 गो डिवीजन रहे। इनके जनरल दौड़ के 4वां एयरफ्लीट 1300 विमान द्वारा समर्थन मिलल। 18 जून के रात में रुंडस स्ट्रीट डिवीजन के वेटिंग आस्था तिंग इलाका में ले जाए लगले, जवन पैदल सेना के डिवीजन खातिर सीमा से 7 से 20 किमी दूर रहे। आतंक डिवीजन खातिर देश 20 से 30 किमी। प्रमोशन 21 जून के खत्म हो गए। शुरुआती पोजीशन सीमा के नजदीक रहे अवूरी 22 जून के रात में कब्जा हो गए रहे। जर्मन लोग सवेरे 3 बजे तक ओलो तक पहुंचे में कामयाब हो गए। 21 जून के सांझ के तिया जर्मन फॉर्मेशन के कमांडरन के एगो सशर्त पासवर्ड मिलल की हीरोज के किदंती वोटन के है नेकर 15 देश हमला के संकेत सवेरे 4 बजे संचारित। 21 से 22 जून के रात में 48वीं मोटर 40 कोड के कमांडर रुंडर स्टेट के रिपोर्ट कई ले सोकल अनहार में खे रूसी लोग अपन गोली के डिब्बा पूरा रोशनी में लैस करेला लागत बाकी उ लोग कुछ करत नहीं खे। जर्मन सैनिक 22 जून 1943 के गैलिसिया में सोवियत सीमा पार कर ले। 22 जून 1943 के सुबह 4 बजे रुंडस्टे देख साथ तोपखाना और हवाई हमला के लिए आ सुबह 4:15 पैदल सेना के डिवीजन सब के ले गिले। 9 बजे के आसपास क्लेस लड़ाई में टैंक डिवीजन के प्रतिबंध करे लगले। 22 जून के हालदर अपना डायरी में लिख ले रहे कि हमने के सैनिकन की हमला दुश्मन खातिर पूरा आश्चर्य के बात रहे। यूनिट सोवियत देश बैठक की स्थिति में आश्चर्यचकित हो गई। विमान हवाई अड्डा पर खड़ा हो गई। दिरपाल से धमकलवा उन्नत यूनिट अचानक हमला के लस कमान से पूछ लस की कब किल जाओ। शुरुआती टिपनस के बाद दुश्मन दुश्मनी के उड़बड़ एफ हालदर सैन्य डायरी खंड 3 किताब 1। सोवियत नेतृत्व के पूरा भरोसा रहे कि जर्मन फासिज्म के साथ सैन्य तक कर 1930 के दशक के बीच से ही अनिवार्य बा 1939 में जर्मनी के साथ भयल गैर आक्रामकता समझौता के बावजूद एकरा के बरकरार रखल गए। जिसे जिसे हिटलर के आक्रामकता बढ़ सोवियत सरकार सोवियत संघ के रक्षा क्षमता के मजबूत करे के उपाय किलस दुगो समस्या के समाधान करे के कोशिश किलस। आक्रमणकारी लोग के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति में सोवियत संघ के लड़ाई में घसीटे से रोके के आफिर से ला सेना के आधुनिक हथियार से लैस करे के बाद ऊपर बतावल गए दिसंबर जनवरी के बैठक में एगो रणनीतिक 1943 के राज्य सीमा के रक्षा खातिर योजना बनावल गए। अब से रक्षा योजना कहल जाए। शुरू में एक योजना में प्रतिक्रिया खातिर दो गो विकल्प मानल गए रहे। पहला में मुख्य झटका के उम्मीद रहे केंद्र में पोलिशे के उत्तर में मिंस्क स्मोलेंस्क मास्को पर, दूसरा में पोलिसिया के दक्षिण में लिवकीव के लिए। आई वी स्टालिन के जिद पर दूसरा विकल्प के मंजूरी मिल गई। सोवियत संघ के नया 1939 सीमा पर अधूरा प्रबलित कंक्रीट के बंकर
1941 ले पुरान सीमा के किनारे किलाबंदी सब के लाइन तथा कथित स्टालिन लाइन निहता हो चुकल रहे। आनया सीमा अभेन तैयार न भेल रहे। स्टालिन के मानना रहे कि हिटलर यूक्रेन के औद्योगिक संसाधन पर कब्जा के लिए बिना लंबा युद्ध न कर पिए। सामान्य तौर पर पूर्वानुमान सही रहे, लेकिन बारबारोसा योजना के अंतिम संस्करण में जर्मन लोग अपन मुख्य हमला दक्षिण से केंद्र में ले गए ला सोवियत खुफिया एपल के पकड़े में नाकाम रहल। सोवियत रक्षा योजना पहला विश्व युद्ध के अनुभव से आगे बढ़ला। युद्ध के घोषणा के बाद मुख्य सेना सब के जुथान एकाग्रता के काफी लंबा समय 15 या 21 से ढेर दिन तक के प्रावधान किए गए। पहले ही से कुल दूसरा विश्व युद्ध के अनुभव के ध्यान में न रखा गए। हालांकि जर्मनी के आक्रामक कार्यवाही से साफ साबित हो गए कि अब लड़ाई बिना घोषणा के शुरू हो सकेला। पहले से जुटावल गयला पहले ही से तैनात मुख्य दुश्मन सेना सब के अचानक आभारी हमला के साथ सम्मूहीकरण में बा। यह नवाचार के क्रमांक जून 1941 में पहला लाइन के सैनिकन के परिचालन तैनाती में हमने के घाट देरी के पहले से तय कर दिलस रक्षा योजना में आक्रमण के आगे के इकाई के भगावे के काम सेना के कुंवर करके सीमा के सुरक्षा के प्रावधान कई गए रहे। फिर मुख्य सेना के जुथान के बाद ओकरा के अपना इलाका में हरावे के रहे। जमुना के सोवियत सैन्य सिद्धांत के बिल्कुल सही व्याख्या कई गए रहे। बाकी जिसन के दौरा सभी जानत बानी युद्ध शुरू होके से ठीक पहले हरियंग के सोवियत कमांडरन पर एगो का तरमांग लटकल रहे। जवन ओलो के पहल के बाद जगरत रहे उकसावे के सामने मर झुकी। युद्ध मत भड़काए देश गोली बाड़े पर रोक तक आक्रमणकारी दुश्मन पर बा। ए बेतु का नुस्खा के व्याख्या उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति से मिलत व जमुना में सोवियत संघ हो गए अपना के पाले ले रहे। 1939 से 1941 में सोवियत संघ के प्रति इंग्लैंड अमेरिका के रवैया कौनो तरह से गठबंधन न रहे बल्कि दुश्मन तक रहे। 1940 में सोवियत फिनिश युद्ध के दौरान ब्रिटिश लोग भिन्न लोग के हथियार के आपूर्ति के आकाकेशस में सोवियत तेल क्षेत्रन पर बमबारी करी के योजना बनवलस। हमनी के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बयान भी याद बा जवन जर्मनी भा सोवियत संघ में से कौनो एक के मदद करी वाला रहले। ये बात पर निर्भर करत रहे कि के केकरा पर हमला करी अबूरी ओकरा पर काबू पाई। सोवियत पक्ष के निर्णायक सैन्य तैयारी के हिटलर जर्मनी के खिलाफ आक्रामकता के रूप में पेश कर सकेला। ओगरी के अंतरराष्ट्रीय जनमत एचारा के आसानी से निगल सकट रहे। जवना से जर्मनी आउकरा सहयोगी देशन के आक्रामक मंशा का सुझा सोवियत संघ पूरा तरह से अलगा हो गए। हालांकि स्टालिन के ज्यादा राजनीतिक सावधानी से भी कौनो फायदा न भई। दूसरा विकल्प के अनुसार की विशेष सैन्य जिला को 22 जून से दक्षिण पश्चिमी मोर्चा कमांडर कर्नल जनरल एमपी किरकुंडोस सैन्य परिषद के सदस्य कोर कमिश्नर नेन वार्तिन चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमपी पुरकाय के अधिकतर फंड के बा लोदावा से लेप कायाले की सीमा 940 किमी चार गो सेना सब द्वारा कवर की गई। पांचवा जनरल एम पोतापुआ 22वीं मशीनी कोर लोदावा से क्रिस्टिनोपोल 170 किमी ले। छवीं जनरल आई मुसिनको 4वीं मशीनी कोर के रादिमनो 170 किमी तक ले। 26वीं जनरल एफ होस्टिनको 8वीं मशीनी कोर के टोरिलिया 130 किमी तक पहुंचे। 12वीं जनरल पी पुन देलिना 16वीं मशीनी क्रीत कोर चेहरी से लेके नीज दर के मुहाना तक 500 किमी के पत्ती के कवर खिलस। गठन के दौर में 9वीं 15वीं 19वीं मशीनी क्रीत कोर आपाज को एंटी टैंक तोपखाना ब्रिगेड रिजर्व में रहे। रक्षा 6 गुगढ़ वाली इलाका यूआर पर निर्भर रहे, लेकिन 22 जून तक एक निर्माण और हथियार बंदी पुराना भैल सेना के तैनाती मुख्यालय के जवाबी हमला करे के योजना से मेल खात रहे। सबसे मजबूत मशीनी कोर 4 और 8 के 6 सेना के जॉन में ले आवल गए। मुख्य सेना लोवलेज में केंद्रित रहे ठीक 42 तो में जयपुर यहाँ से SWF के कमान लुबलिन से लोवले जर्मन लोग के मुख्य झटका मान के दुश्मन के हरा के जवाबी हमला करे के इरादा रहे। दुश्मन के लुबलिन से मुहिकरण के पार्श्व में एक साथ ही मुख्यालय के योजना के अनुसार पश्चिमी मोर्चा के एक साथ 42 तो अक्से अपना उत्तरे पार्श्व में हमला करे के चाहे ऊपर लटकल ले। सोवियत सैनिकन के ऐसा मौका देत रहे बाकी जर्मन लोग के अचानक हमला के हालत में वो लोग के काट के मौका भी मिलला। हमनी के सैनिकन के बे में झटका देबे के मौका मिलल जिसन के बाद में पश्चिमी मोर्चा पर 42 तो अक्का लगे भइल। कोवो के कमांडर कर्नल जनरल एमपी 1941 में कीव में मई दिवस परेड के दौरान किरकुंडोस कोहो मशीनी कोड के तैनाती के योजना के संगे खराब तरीका से जोड़ गए रहे। इस सीमा से 200 से 400 किमी दूर अवूरी एक दूसरा से 100 से 150 किमी के दूरी पर रहे। अवूरी एकड़ डिवीजन मोर्चा अवूरी भीतर 50 से 100 किमी के दूरी पर रहे गहराई। ऐसे कम समय में सम्मूहीकरण में एकता के बहुत मुश्किल हो गयी। मई में देर से जिला में ले आवल गई जनरल स्टाफ के परिचालन निर्देश के मुताबिक पहला एशेलो में राइफल कोर
दूसरा शेलों में मशीनी कोड के तैनात होके के चाहिए, जवना के पीछे सीमा से 20 से 30 किमी दूर होके के चाहिए, जहां चार मशीनी कोड के होके के ढेर लग जा सकेला। चार सेना में से हर सेना खातिर एक रक्षा के कुल गहराई 50 किमी से ज्यादा ना रहे। मोर्चा के कमांड पोस्ट एनुकल में तय कैल गल रहे। बाकी सब आंदोलन जनवरी आयुक्त के विशेष आदेश से ही करे के अनुमति रहे। जर्मन लोग के एकाग्रता देखे वाला कोवो के कमान से कुछ फॉर्मेशन के पहले से सीमा तक यू आर के लाइन तक ले जाया की कोशिश के मास्को तुरंत दबा दिलस काहे की टकराव भड़कावे के डर रहे। 15 जून के ही जब जर्मनी अपन शुरुआती जगह पर कब्जा करे शुरू कर दे ले रहे, तब एमपी परिवहन के कमी के चलते कोर 22 से 30 जून तक ही अपना गणतव्य क्षेत्र तक पहुँच सकत रहे। 22 जून के सवेरे 2:30 बजे कोवो के मुख्यालय के संभावित हमला यानी एकरा से 1.5 घंटा पहले के बारे में चेतावनी तार मिलल। हमने के लगे एकरा के सब कनेक्शन में ट्रांसफर करे के समय ना रहे। आतेनुकल के रास्ता में खुद स्टाफ को अलंग पर बमबारी हो गई। सोवियत सैनिकन के तैयारी अपरिचालनात्मक गठन के समय निराशाजनक रूप से गवा दिहल गई। अचानक झटका से दुश्मन लाइन तैनात कब्जा करे खातिर 1 घंटा भी ना छोड़लस। एक बेर फिर उसे ध्यान दी कि रणनीतिक रूप से युद्ध अप्रत्याशित ना रहे। वो लोग एकर इंतजार करत रहे, एकर तैयारी करत रहे अप्रत्याशित जैसे किसी के झुको बाद में लिख ले रहे। पूरा तरीका से जुटावल जर्मन सेना के ओर से हर दिशा में एगो बहुत बड़ झटका रहे। आश्चर्य के सार एवा समय पर हमने के सैनिकन पर रक्षा के लाइन पर कब्जा कर ली। सीमा लड़ाई के नतीजा अलग हो सकेला। 22 जून 1943 के सुबह 4 बजे जर्मन लोग एक साथ तोपखाना के गोलीबारी हवाई हमला 400 किमी तक के गहराई तक बैठ का हवाई अड्डा सब पर कर खास तौर पर मशीनी कोड के शहर और हवाई अड्डा सब पर जहां नया किस्म के विमानन के पता लगावल गए। मकसद रूसियन के सबसे पहले मोबाइल फोर्स हवाई भाल से वंचित किल। पहला दिन लगभग 180 सोवियत विमान लगभग दंडहीनता के साथ जमीन पर नष्ट हो गए। कौनो जवाबी हमला न भेल। जवना में ऐसे शामिल बाकी सभी कमांडरन के चेतावल गए रहे कि उकसावे के सामना न करे के चाहिए, बिना विशेष आदेश के कौनो दूसर उपाय मत करे के चाहिए। जर्मन सैनिकन के एगो मशीनी स्तंभ सोवियत इलाका के गहराई में तेजी से आगे बढ़ रहा बा। जून 1943 के भेल फॉर्मेशन के कमांडर लोग आदेश मिलत सोचत रहे कि उकसावे की युद्ध को 41 के गुप्त लाल पे के देश जिला कवर प्लान खोल के लोग अपना उड़ से बतावल रास्ता के पालन कर सामने से आवे वाली लड़ाई में प्रवेश कला मनमाना तरीका से घटना के बवर में खींच लिहल गए। 22 जून के 10 बजे मास्को से निर्देश संख्या 2 मिलल, जवना में दुश्मन के इलाका में नष्ट करे के आदेश दिहल गए। जहां सीमा के उल्लंघन कई ले रहे अवूरी फिर चेतावनी दिहल गए की जब तक आगे के सूचना न हुई जमीनी सैनिक सीमा न पार कर रहे। कॉमर युद्ध शुरू होके के पहला घंटा में दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मुख्यालय के सेना से संपर्क टूट गए। स्थिति के पता न रहे ठीक उस जईस से मुख्यालय के पता न रहे। 23 जून के रात और बाद में ही इसाफ हो गए कि जर्मन मुख्य हमला कहां और कौना ताकत के साथ ठेकर रहल बा। विकल्प 2 के अनुसार जनरल स्टाफ के दक्षिण में मुख्य झटका के उम्मीद है। SW1 के मुख्यालय रावारुस्काया के रास्ता से वो तक एकर इंतजार करत रहे और तिलक और सोकल क्षेत्र से दुबनो लुक्स्क तक हमला कई ले और तुरंत तैनात हो गए। 37 गो डिवीजन के बा खाली हमने के बाद में सेना के खिलाफ के डर को पैदल सेना और 4 गो टैंक डिवीजन फेंक ले और सफलता के विकास खातिर तत्परता में टैंक 2 पैदल सेना और 4 गो मोटर 40 डिवीजन रख ले। सीमा के लगे पास सोवियत डिवीजन के खिलाफ 20 से ज्यादा डिवीजन मुख्य हड़ताल क्षेत्र में हमने के पूरा समूहीकरण के जल्दी से तैयारी करे के समय न मिलला। एकर संख्या करीब 1 लाख लोग 2000 बंदूक का मोर्टार रहे, 3 लाख लोग 5500 बंदूक का मोर्टार ओ लोग पर निशाना बनावत रहे। जनशक्ति में 3 गुना श्रेष्ठ का अथोप खाना में 2 गुना से अधिका। एकरा अलावा जर्मनी पूरा तरह से हवाई वर्चस्व पर कब्जा कर लेलस। 22 जून के रात 11 बजे एगो नया निर्देश नंबर 3 मिलल, जवना में मोर्चा के 23 से 24 जून खातिर एगो जाहिर तौर पर असंभव काम सौंपल गए। 5वीं के ताकतन द्वारा लुबलिन के सामान्य दिशा में गाढ़ा प्रहार आ 6वीं घेराबंदी अनिष्ट दुश्मन से मुही घर पर आगे बढ़त व्लादिमीर वोलिनस्की मोर्चा के विमानन के साथ क्रिस्टिनोपोल मोर्चा 24.6 के अंत तक लुबलिन क्षेत्र पर कब्जा। न जनवरी आयुक्त न जनरल स्टाफ के पता रहे कि द्वारा दिन के अंत में सैनिकन के उजागर इलाका के माध्यम से 48 सोकल से ज्यादा कोर तक पहल ही से बरस कैल रहे और लुट्स 3 जर्मन मोटर 40 कोर तक घुसे के कोशिश कई ले रहे। पश्चिमी यूक्रेन में सड़क पर जर्मन बख्तर बन गार्डियन के एगो स्तंभ गाड़ी सब पर अक्षर पर वाला मेजर ग्रुप वो अंकलेस के नाव हवे। जून 1943 के भेल
दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के सैन्य परिषद में दुगो असमंजस के राय में टकराव भेल। तुरते हमला करे बचाव करे के चीफ ऑफ स्टाफ पुरकाए उन्हें तर्क के संगे स्थिति के आकलन गंभीरता से कैले। दुश्मन एगो मजबूत पर अल्लाह चलन तैनात कैले, दूसरा मजबूत हुए। पहला स्तर के हमने के सैनिकन के समय न रहे की उन्हें तब पोजिशन में आ जासना पलट जास। हमने के दूसरा शेलोन के कोड कुछ दिन बाद ही आगे बढ़ पाई। 9वीं 19वीं मशीनी कोड के 2 से 3 दिन में आपात से 6 दिन में राइफल, 1-2 दिन में खाली चार्जिंग। 8वीं 15वीं मशीनी क्रीद कोड ही आगे बढ़ पाई। आई सब लगातार बमबारी असंगठित एरिया का तहत बा। कम समय में समूहीकरण आए साथ हड़ताल के आयोजन के मुश्किल बा। कोर अलग अलग प्रतिकूल आमने सामने के लड़ाई में शामिल हुई। निष्कर्ष, मास्को से कहल जाओ कि अब जाहिर तौर पर असंभव आक्रामक काम के बदल के पुरान सीमा पर यूआर के लाइन के साथ रक्षा में बदल दिया जाओ। दूसरा स्तर के रायफला मशीनी कोर के यहाँ केंद्रित करे असीमा गठन के वापसी के बाद यहाँ मजबूत जवाबी हमला करे। बिमेला और जवान वापस तीन तुरंत हमला के वकालत के पुरकाए के दांत रहले की ऊ राजनीतिक क्षण के कमांग कले आक्रामक भावना में पलल बल सैनिकन के नैतिक नुकसान पहुंचवले। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमांडर एमपी किरपुनो से बात पर जोर दी हलन के आदेश के कड़ाई से पालन करे के पड़ी। हम भले ही 24 जून का आखिर ले लुबलिन के लेबे के काम शायद संभव बाबा के जबरदस्त झटका लगावल जरूरी बा। मुख्य बात ई बा की मशीनी क्रीद कोड के जल्दी से अपना एक साथ हड़ताल खातिर एकाग्र कर दिया जाओ। काम तय हो गई रहे कमांडर पांच पोता पुआ 22वीं मशीनी कोड जर्मन लोग के लुत्फ तक पहुंचे से रोके ले आ कमांडर 6 मुसिचेन को 4वीं 8वीं मशीनी कोड के साथ जर्मन पचर के आधार के नीचे दक्षिण से हमला के आयोजन करे। 11वीं 3डी से जर्मन टीम के गुजरत सोवियत B3 से गुजरत बाड़े। 22 जून 1941 सुदेन गाँव के पास ओहिजा फ्रंट लाइन 15वीं मशीनी कोर से हड़ताल के निर्देश दी हलजा। 9वीं 19वीं युद्ध के मैदान में आगे बढ़े में तेजी ले आवेला। सैन्य परिषद में मौजूद ऑपरेशनल विभाग के प्रमुख आए पुरका एवं खाली चुपचाप मुरी भिला दिले आए बग्राम्यन एक फैसला के निम्नलिखित सफाई देत बार की जाहिर बा की किरपुनोज के मानना रहे की कठिन बड़ खतरा वाला स्थिति में मुख्य बात सैनिकन की निष्क्रिय रक्षा खातिर बर्बाद ना किरना होला। ब्लुक विचार आकाम के एकता के क्रम में बना के राखल होला तो हेल्प द हाई कमांड इम्प्लीमेंट द प्लेन। कहे की ना खाली हमने के बल्कि अन्य मोर्चा की भी स्थिति पर निर्भर रहे। 23 जून के सांझ के मोर्चा मुख्यालय पहुंचल जनरल स्टाफ के प्रमुख जी के चुकू किरपुनोज के फैसला के मंजूरी देले अवूरी एगो मजबूत हड़ताल समूह के निर्माण में तेजी ले आवे के मांग कैले। ऐसन तनावपूर्ण हालात में पहला फैसला टीम के लड़ाई खाती भेल। जर्मन लाइट टीम पीजेवज के मामला में हमने के बीती और 3-10 से बेहतर रहे लेकिन हथियार के मामला में उलोग से नीच रहे। मशीनी कोर को वो दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के बाद मशीनी कोर सबसे पहले ला सेना में मार्शल एमिन तुखाचेव की अंतर समर्थकन के पहल पर आये रहे जिगरा उलोग के प्रतिरोध से पार पावे के पर जे लोग मोटराइजेशन के प्रभावशीलता पर संदेह करत रहे आजिसन की मार्शल लिख लेबा नया चीजन के पढ़ाई आलेखा जोखा पर भरोसा करत रहे कौनो संभावित दुश्मन के हाथ में हथियार लेकिन सिर्फ गृह युद्ध के सबक पर सोवियत संघ में सैन्य विज्ञान सैन्य कला के नया सिद्धांत विकसित करे सशस्त्र बल सब के संरचना में सुधार करे में बाकी देश सबसे पीछे न रहल। खास करके दुश्मन के ऑपरेशनल जोन में घुस के ऑपरेशन रेखा तेर मोबाइल मशीनी सैनिकन के इस्तेमाल से गहरी मुकाबला ऑपरेशन के सिद्धांत के विकास कैल गयी। 1932 में दुगो मशीनी कोड के गठन भेल। 2 साल और बाद जर्मन रणनीतिकार खुल के मान ले ले कि अपन टैंक फोर्स बनावे में और अपना हरकत के रणनीति बनावे में उलोग बहुत हद तक सोवियत अनुभव के इस्तेमाल कई ले। लेकिन 1939 में कई तरह के और हमेशा ना सोचल गई कारण से मशीनी क्रीद कोड के भंग कर दिहल गई। हालांकि ज्यादा समय तक ना दूसरा विश्व युद्ध के शुरुआत के अनुभव खास तौर पर पोलैंड और पश्चिम में जर्मनी की सफलता से नया रूप के जरूरत के साथ पता चलल। डी जी पावलो जे बढ़न टैंक फॉर्मेशन के विरोधियन में शामिल रहले। 1940-41 के दिसंबर जनवरी के बैठक में बेबाक तरीका से कहले रहले कि टैंक के इस्तेमाल के संबंध में विचार सबसे सही निकलल अवूरी एकर पुष्टि जर्मन के कार्यवाही में भेल टैंक के गठन के बारे में बतावल गयल बा। जर्मन लोग कुछ आविष्कार न कैले हमने के लगे जवन रहे उले लेले सैन्य नेता सैन्य नेतृत्व के लगे अले जवन सैन्य मामला के विकास के नया रुझान के समझले आ सिद्धांत के नींव रखले जैसे कि मार्शल एस के युद्ध में किल जाला। टैंक सैनिकन खातिर पुनर्गठन के अगला चरण शुरू हो गए लेकिन अब पहले से ही बेढंगा दुश्मन के पकड़ जरूरी हो गए रहे और युद्ध के शुरुआत तक पुनर्गठन पूरा कैल संभव न रहे। युद्ध से पहले के कीमती समय के नुकसान के दुखद असर युद्ध के शुरुआत में भई।
सोवियत संघ की पीपल्स कमिश्नर परिषद के फरमान संख्या 1193 से 464 एसएस 6 जून 1940 के प्रविष्ट 5 पर निर्धारित की गयी रहे कि लाल सेना में 8 मशीनीकृत घोड़ा दो अलग अलग 3 डिवीजन होके के चाहे कुल 8 निदेशालय के मोटरसाइकिल रेजिमेंट अकोर यूनिट के साथ ही मशीनी कोर 18 गो टैंक डिवीजन 8 गो मोटर 40 डिवीजन 8 ना 9 भवन बने लागल। मार्च 1941 में आई वी स्टालिन के सुझाव पर लोग इगो और 21 कोर बनावे के योजना की मंजूरी दे दी है। इनमे से हरेक में युद्ध के समय के राज्य में 2 गो बख्तर बंदा इगो मोटर 40 डिवीजन शामिल रहे। जमुना में भारी स्ट्राइक पावर रही मशीनी कोर में 36,000 लोग 1031 इंक 120 भारी 420 मध्यम 333 हल्का 152 केमिकल 358 बंदूक अवूरी मोर्टार 268 बख्तर बनगाड़ी एक एयर स्क्वाड्रन संचार बटालियन अवूरी एगो इंजीनियर होके के रहे। उनका के एको एयर ब्रिगेड भी हल गई। जवना में बम वर्षक अवूरी लड़ाकू रेजिमेंट शामिल रहे। मोटर 40 डिवीजन के स्टाफ में शामिल रहे 2 गो मोटर 40 रेजिमेंट 4 गो बटालियन 250 वीटी टैंक 17 गो टीडल टैंक हल्का टैंक एगो रेजिमेंट 51 गो बख्तर बन गाड़ी 4 गो 76 मिनी बंदूक के तोप खाना बेकरी आ एकरे अलावा 12 गो 169 मिनी आ 16 गो 122 मिनी होवित जर 16 गो 76 मिनी के तोप 30 गो 45 मिनी के बंदूक 82 गो 50 आ 82 मिनी के मोर्टार 8 गो 37 मिनी के एंटी एयरक्राफ्ट बंदूक 12 गोड़िया साइज के मशीन गन 447 गो भारी हल्का मशीन गन 1587 गो कार 159 गो मोटरसाइकिल 128 ट्रैक्टर के बाद 1940 में मशीनीकृत कोर के सोवियत डिवीजन के संगठन के योजना 11,343 लोग 413 टैंक जमुना में से 105 देश के वी 200 देश तिधन 26 देश बीतिल 18 देश चिदर 54 देश रासायनिक बख्तर बंद वाहन देश 91 बंदूक का मोर्टार देश 58 ऐसा संगठन के मशीनीकृत कोर के स्वतंत्र रूप से हर तरह के लड़ाई चलावे की अनुमति देवे के रहे और पैदल सेना और तोपखाना से बातचीत करे के रहे। आधार टैंक डिवीजन से बनल रहे जवन कई मायने में जर्मन डिवीजन से बेहतर रहे। हमने के तीदी में जर्मन ने 2 टैंक रेजिमेंट 375 टैंक जमुना में 63 भारी 210 मध्यम 41 हल्का 54 ज्वालामुखी शामिल रहे के योजना रहे। 1 टैंक रेजिमेंट 135 टैंक हमने के तिदी में देश 273 भारी मध्यम टैंक में आज जर्मन में देश 88 मध्यम जर्मन के लगे 1943 के शुरुआत तक भारी टैंक न रहे। जर्मन मोटर 40 डिवीजन में बिना टैंक के 2 गो रेजिमेंट हमने में तीसरा टैंक रेजिमेंट 275 लाइट रहे। बाकी इस अग्रे फायदा 1943 में खाली सिद्धांत रूप में रहे। देश राज्य के हिसाब से भाव 1942 देश 43 खातिर परियोजना में बाकी असलियत में 22 जून 1941 ले 8 गो मशीनी कोड में से कोव में एक पूरा तरीका से सुसज्जित कोड ना रहे। नया मॉडल के टैंक के भी आती धन देश के 5 गो कोड में स्प्रे किल गए। टैंक के बढ़ोन हिस्सा तीदर अबीती के रहे। 16 गो टैंक डिवीजन में से 4 गो के भी आती धन टैंक से लेस रहे। 4वां एमके 8वां 32वां तीदी 88% 8वां एमके 21वां तीदी 60% 18वां तीदी 15वां एमके 57% से के बाद सामान्य रूप से कोवो के टैंक बेरा लगभग 5,500 टैंक बा जवना में 3,836 देश तीदर अवूरी बीती शामिल बा जवन की पहले से अप्रचलित गाड़ी रहे। अवूरी आधुनिक युद्ध खाती बहुत उपयुक्त न रहे। बीती अतीदर के एको महत्वपूर्ण हिस्सा पुरान संशोधन बंद हो गयी रहे। बीती ना ट्विन टरेट तीदर या फिर मोटर संसाधन खत्म हो गयी रहे। एकरा के बल्कि लड़ाकू प्रशिक्षण वाहन मानल जाए। सोवियत टैंकर अभ्यास के बाद तीदर के धोवेले परिष्ट भूमि में जुड़वा बुज वाला चीदर सबके अप्रचलित संशोधन लुकेला। देश 1943 ले इन्हन के प्रशिक्षण के श्रेणी में साफ साफ स्थानांतरित का दिहल गयल रहे। तालिका एक आदो में दिहल बढ़न संख्या में स्पष्टीकरण के जरूरत बा। अभिलेखागार के स्रोत परस्पर विरोधी बाड़े। साहित्य में विविधता दिहल गयल बा। खास तौर पर नया मॉडल सबके उपलब्धता के भी अति धन देश इन्हन के लड़ाई के तत्परता और संख्या में पतवार के हिसाब से सैकड़ टैंक का कुल हिसाब से हजारन के हिसाब से अंतर होला। अर्क में खाली बा अल्लाह आदसरा श्रेणी के टैंक सब के लड़ाकू खातिर तैयार मने के ऑपरेशन में नए के आफिट बाकी वर्तमान सैन्य मरम्मत के जरूरत के रूप में वर्गीकृत की गई बा। लेकिन कोव मशीनीकृत कोर जमुना में तकनीकी प्लायर अवूरी बे के 30% आपूर्ति रहे। इतना संख्या 3664 टैंक के समय पर मरम्मत न कर प्लस वह छूट टैंक ऐसे दो श्रेणी के गाड़ी के लड़ाई खातिर उपयुक्त भी सशर्त आयुक्त के बहुत पहला दिन में सैकड़ लोग सड़क पर रह गए।
लड़ाई की स्थिति में न पहुंचल। नतीजतन भरोसेमंद तरीका से लड़ाई में प्रवेश कई संभव रहे। केवल तिंपा वाला खेत देश 1124 इकाई के बा आंशिक रूप से ही दूसरा स्थान पर बा। उभरत मशीनी को देश 9वां, 19वां, 24वां के जुलाई के 20 से नया नमूना से लेस करे की योजना रहे, लेकिन डिलीवरी से 3 हफ्ता पहले रहे। 1941 तक बीती टिंट लाल सेना के बख्तरबंद सेना के हथियार के आधार बन गए। फोटो भी 3 में सब भवन में परिवहन के बहुत कमी रहे। मोदी प्लान के मुताबिक युद्ध शुरू होकला के संगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से डिलीवरी की योजना बनावल गई रहे। पहला लड़ाई खातिर एक गाड़ी ना चहु पर आमोतर 40 डिवीजन पैदल निकलल। जिला में कमी रहे, कार देश 8750, मोटरसाइकिल देश 4899। 19वीं आ 22वीं के टैंक डिवीजन में जवना में 1307 गाड़ी के मानक मानदंड रहे। स्टाफिंग औसतन 27% रहे। आमोटर 40 डिवीजन में देश 24%। टीडी में 380 मोटरसाइकिल के आदर्श के साथ 5% से ज्यादा ना रहे। आमोटर डिवीजन में 159 के आदर्श के साथ लगभग 3%। सबसे बढ़िया स्थिति कर्षण के साधन से ना निकल। 2500 ट्रैक्टर अट्रैक्टर 3600 ट्रेलर गायब रहे। युद्ध के मैदान से तिनके खाली करे के कौनो साधन ना रहे। केश ट्रैक्टर सीएचूरी के पैदल सेना के गति छिकमी घंटा रहे। हर टीडी में 84 ट्रैक्टर अट्रैक्टर के 9 अन के साथ स्टाफिंग 25-30% से अधिक ना रहे। मोटर चालित पैदल सेना तोपखाना गोला बारूद ईंधन आ चिकनाई आदि की आपूर्ति गतिशीलता से वंचित रहे। तालिकायक में दिहल गए 22 जून 1941 के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोर के लड़ाई अताकत 22 जून 1941 तक 16वीं और 24वीं MK के गठन के शुरुआती दौर में रहे। उलोक टीम के जवाबी हमला में भाग ना ले रहे। 4वीं MK 8वीं और 32वीं TD 81वीं MD देश जी एम के कमांडर एवलासोव डिसला के बा वो देश शिवसेना के हिस्सा के रूप में 8वीं MK 12वीं और 34वीं TD 7वीं MD देश जी एल डी आई रियाभिषेक द्रोगोबिस देश 26वीं सेना के है। 9वीं MK 20वीं और 35वीं TD 131वीं MD देश जी एम के रुकोसोवस्की जिला मोर्चा के बा 15वीं MK 10वीं और 37वीं TD 212वीं MD देश जी एम आई आई कारपजोरो अदी जिला मोर्चा के बा 19वीं MK 40वीं और 45वीं TD 213वीं MD देश जी एम एन वी फेकलेन कुबेरचे जिला मोर्चा के बा 22वीं MK 19वीं और 41वीं TD 215वीं MD देश जी एम एस एम पूर्ण से रोनो देश 5वीं सेना के बा 16वीं MK 15वीं और 49वीं TD 240वीं MD देश जी एम एडी सोकोलो कामेनेट्स देश 12वीं सेना के बा 24वीं MK 45वीं और 49वीं TD 216वीं MD देश जी एम जी एम चेस्ता को जिला मोर्चा के बा तालिका दो के बा 1 जून 1941 के लाल सेना के टैंक बेरा के मात्रात्मक आगुनात्मक संरचना के सारांश बयान से कोवो पर अंश एयर कवर फ्रंट लाइन एवेशन के दिहल गई रहे। जबकि खुद कोर के लगे सिर्फ 437 मिनी बंदूक कवूरी 20 से 24 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन के बेहतरी रहे। पश्चिम में अभियान में टैंक के भारी इस्तेमाल के चलते टैंक विरोधी रक्षा के मजबूत कैल जरूरी हो गए। 16 मई 1941 के जनरल स्टाफ के निर्देश से MOU SSR 38 आपस 30425 52L4 से 7 में निर्धारित की गई कि मशीनी कोड के टैंक मिले से पहले 76 आ 45 मिनट तो दीते से हथियार बंद मिल जाए। मशीन गन के इस्तेमाल एंटी टैंक रेजिमेंट का डिवीजन के रूप में करे के चक्कर में गणना भी कैल गई कि हर रेजिमेंट में 45 मिमी के बंदूक होके के चाहिए देश 18, 76 मिमी देश 24, मशीन गन देश 80। लेकिन सिर्फ जुलाई में होके के रही मशीनी खरीद कोर के साथ मिल के काम करया वो लोग के कवर रेखा तिर इन पीओ अप्रैल 1942 में मोबाइल तोपखाना अतिंक विरोधी ब्रिगेड एक्टवर बनावे के फैसला के लिए जवना में दुगो तोपखाना रेजिमेंट 120 बंदूक विमान विरोधी मशीन गन 28 इकाई शामिल बा कॉमर एगो माइन सैपर बटालियन 4800 एंटी टैंक 1000 एंटी पर्सनल माइन आईगो ऑटो बैट उलो 10 बनावे के योजना बनवले रहे। लेकिन जुलाई तक मात्र 3 के समय रहे। मेजर जनरल के मोस्कलेमको के पावला एंटी टैंक ब्रिगेड को वो में रहे और उकरा लगे 76 मिनी बंदूक देश 48 85 मिनी बंदूक देश 72 37 मिनी बंदूक रहे देश 16 DSH के मशीन गन देश 72 PC के बा
युद्ध से ठीक पहले मशीनी कोड के गठन के अधूरापन के दू को वस्तु निष्ठ कारण बा पुनर्शस्त्रीकरण खातिर बेहद कम समय उद्योग के सीमित क्षमता इंधन के पूरा पूर्व आय 99 से 29 हो रहे खातिर खाली नया किस्म के 16603 के जरूरत रहे अखाली 32000 के जरूरत रहे जिकरा के सोवियत उद्योग अपना क्षमता के सीमा पर भी पुराना का प्लस साथ ही साथ विशेष उपकरण सब के आपूर्ति भी न कर सकल। पुनर्गठन से तुरंत कर्मी लोग के साथ दिक्कत पैदा हो गई। आने जी लोग के लड़ाकू प्रशिक्षण कमांडर मुख्यालय सेवा के परिचालन प्रशिक्षण में भी मशीनी कोड के निर्माण मुख्य रूप से घुड़सवार डिवीजन के आधार पर भेल रहे रचना बिल्कुल नया प्रकार के सैनिकन में बदल गए। टैंको ड्रोम में पढ़ाई रात में भी न रोकल लेकिन 22 जून तक लोग कंपनी बटालियन लिंक में ही आक्रामक भावना में प्रशिक्षण में महारत हासिल करने में कामयाब हो गए। कार्यक्रम में रक्षा के प्रावधान न रहे बार बार मोटर संसाधन के स्थानांतरण आखबत के कारण ए लोग के एक साथ हथौरा मारे पैदल सेना तोपखाना अभिमानन के साथ बातचीत के समय न मिलल। प्रबंधन के बहुत मुद्दा के समाधान नहीं के भय चेक में बढ़न टैंक हमला के भगावे में असमर्थता के नोट कैल गए। हिटलराइट नेतृत्व सोवियत टैंक फोर्स के पुनर्गठन के शुरुआती दौर के पकड़ लीलस और अपना योजना में इकारक के ध्यान में रखलस। हिटलर ए हमला के जल्दी में रहले 1940 में वापस एक योजना बनावत रहले सोवियत संघ के बढ़ शक्ति के लेके चिंतित रहले काहे कि 1942 में ही 1941 के अंत के और करीब लाल सेना के कवच ढाल खातिर दुर्गम हो सकेला वेरमा के नाम से जानल जाला। कोहो मशीनी क्रीत कोड के खिलाफ सेना समूह साउथ वाला मेजर ग्रुप वो अंकलेस के मैदान में उतालस जवना में 3 कोड शामिल रहे जवना में 5 टैंक अवूरी 4 मोटर 40 डिवीजन 16वां 25वां SAS वाइकिंग अवूरी SAS लाइफ स्टैंडर्ड एडोर हिटलर शामिल रहे। सोवियत जर्मन टैंक सब के संख्या में बढ़न अंतर औपचारिक अनुपात 9:1 बासे पाठक की भ्रम न होके दी। कई गो सैन्य तकनीकी परिचालन रणनीतिक संकेतक सब में मोबाइल जर्मन गठन सब के कोवो के सोवियत मशीनी क्रीत कोर सब पर काफी गुणात्मक श्रेष्ठता रहल। दुश्मन के लगे मूल रूप से एक ही प्रकार के टैंक रहे बढ़िया से प्रशिक्षित अलगाई के अनुभवी चालक दल मजबूत हवाई कवर पैदल सेना तोपखाना अभिमानन के साथ बढ़िया से विकसित बातचीत रहे। सोवियत संघ पर हमला के शुरुआती जर्मनी न खाली अपन उद्योग के सैन्य आधार पर स्थानांतरित कर चुके रहे बलुक सैन्य तकनीकी स्तर के मामला में भी कई मामला में सोवियत संघ से आगे निकल गए रहे। लाल सेना के अधिकारी एकेडमी ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज VMM में फिर से प्रशिक्षण ले बढ़े मास्को 1940 में भयल। जर्मन टैंक भले ही हथियार और कवच के मामला में हमने से नीच रहे लेकिन इकरा बावजूद गहरा ऑपरेशन और टैंक में सफलता के रणनीति के अनुरूप ज्यादा रहे। जर्मन टैंक सब में बेहतर दृश्यता नियंत्रण क्षमता रहे लंबा मार्च खाते बेहतर अनुकूल रहे ट्रांसीवर रेडियो स्टेशन सबसे लैस रहे जिले राय में लगातार संचार आलचीला नियंत्रण सुनिश्चित करे। एक राउलत हमने के टैंक के अंदर कैरिज लंबा संक्रमण के सामना न कर पावत रहे दृश्यता अंधता की सीमा में रहे रेडियो स्टेशन खाली कमांड वाहन पर उपलब्ध रहे आतंक भी सब पर न एक कमी के असर न सिर्फ पुरानी ती अवूरी तीधर गाड़ी पर परिवालों नवीनतम के भी अवूरी तीधर गाड़ी पर भी पड़ ली। बंदूक चलावे आस्थिति के निरीक्षण के बीच फाटल सोवियत टैंक कमांडर लोग लड़ाई पर काबू पावे खातिर संघर्ष किल झंडा से कमांड देवे के परी जोड़ा खातिर साथ ही साठ बेहतर दृश्यता खातिर उलो टावर से उठ के गोली अवूरी शराब पेनल के सामना करत रहे। सोवियत संघ के पीपल्स कमिश्नर ऑफ डिफेंस मार्शल SK तिमोशेन को 11 जून 1940 के वोरोशिलो के संबोधित एक चिट्ठी में नोट कर ले बार की टैंक मशीनी क्रीत सैनिकन के प्रयोगात्मक अभ्यास से पता चलल की टैंक यूनिट के प्रबंधन के मुद्दा बेहद मुश्किल बा कॉमर आत भयो तमाम कमी गलत गणना पुनर्गठन के अधूरापन आदि के बावजूद कोवो मशीनी क्रीत को एगो गंभीर सन्मा मुट्ठी के प्रतिनिधित्व करत रहे। मुख्य सामरिक और तकनीकी आंकड़ा के अनुसार सोवियत टैंक नीच न रहे और जर्मन टैंक से भी आगे निकल गई। हमने के भारी के भी 1941 के जर्मन टैंक विरोधी हथियार खातिर पूरा तरीका से अभेद्य रहे मध्यम तीधन लगभग अभेद्य रहे और सोवियत टैंक बेरा के आधार हल्का तीधर और बीती कुशल रणनीति के साथ वो लोग काफी प्रभावी ढंग से कर सकट रहे। मध्यम जर्मन PZ के 60 में अपना 45वें बंदूक से निपटे के बाद II और PZ चतुर्थ के बाद लेकिन जैसे कि आप लोग जानता नहीं कि टैंक के लड़ाई के नतीजा हमेशा टैंक के द्वंद्व युद्ध के नतीजा पर निर्भर ना हो खेला तालिका 3 में दिहल गई बा 22 जून 1941 के एक टैंक समूह अंकलेस की रचना हथियार बंद TGR के समर्थन II असलतगन के 3 डिवीजन से मिलल 1800 से 1800 रूपेलगन कुल 54
रिजर्व में सफलता के विकास खातिर गठन रहे, नुकसान की भरपाई करने खातिर तैयार इकाई रहे। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमान के फैसला अत्यंत लड़ाई के सामान्य कोर्स टेस्टून के साझले आखिरकार मोर्चा मुख्यालय दाहिना पार्श्वा केंद्र में 5वीं आ 6वीं सेना के जंक्शन पर स्थिति की जानकारी लेवे में कामयाब हो गयी। चित्र 2, ल्यूबोम के इलाका में 45वीं आ 82वीं डिवीजन जिकरा लगे अपना मूल स्थिति में पहुंचे के समय न रहे। दुश्मन के रोग दिलस व्लादिमीर वोलिनस की आमिलिया के इलाका में 87वीं आ 124वीं डिवीजन घेर लेलस लड़ाई लड़लस भी नतियार लाइन पर कब्जा करे के समय मिला से। रुंड स्टेट के मुख्य झटका को 41 योजना के गलत गणना होके वाला रहे। जवना में लुबलिंग वो दिशा के अधिक आकलन खिल गया, लुबलिंग लुत्स दिशा के कम आकलन खिल गये। दूसरा प्रिप्या दलदल के किनारे से चलत रहे और दुश्मन खातिर एक आकलन न हो सकेला। बाकी रिहा से ही क्लिस्ट तू को टेन को अलंग के साथ है। राधे को व्लादिमीर वोलिनस्की में हमने के सेना के जंक्शन में घुस गए। दबनो ब्रो री लुक्स के निशाना बना के जहाँ 15वीं आ 22वीं मशीनी क्रीत कोड के साथ साथे पर अल्लावी टैंक विरोधी ब्रिगेड मुस्कलेम को लो से लड़ाई लड़ी। तत्काल रिक्रूटिंग की जरूरत रहे। तत्काल टैंक जवाबी हमला के मुद्दा पर फ्रंट कमान के विचार के एकता न रहे। 22 जून के सांझ के योजना बना व घरी वाशुबिन अपूर्णकाय के बीच फिर से विवाद में झड़प हो गयी। पहला तुरंत हड़ताल के खिलाफ वकालत कई ले। दूसरा के प्रस्ताव विवेक से निम्नलिखित तक उबल गए। चूंकि चादी 15वीं आ 22वीं मशीनी क्रीत कोर पहले से भारी लड़ाई में लागल बा आ नुकसान के सामना करे के पड़ल बा। अनाथवी 9वीं आ 19वीं लगातार बमबारी के तहत मार्च पर बा। फिर 2 से 3 दिन में हमला के लाइन पर सिमूर बदरूप से सबके इकट्ठा करी असफल हो जाए। अलगा से लड़ाई में फेंके के मतलब होला दुश्मन के मांच से उजागर कर आकुन बहावल। कालो 24 जून के खाली 15 आ 22वीं हमला करती है आ तभी अपना सजी ताकतन का साथ ही नई जवाबी हमला खातिर बहुते कम बा। पर अल्लाह TGR के कमांडर कर्नल जनरल वुवन क्लिस के है ऐसे निष्कर्ष बाकी घेराबंदी वाला डिवीजन के अपना दम पर तूरे के आदेश दिहल जाओ। आ मशीनी कोड के राइफल मैन के साथ मिल के 2 से 3 दिन के भीतर पुरान सीमा के UR के लाइन पर दू में केंद्रित कैल जाओ। समूहन के आउकराबाद जर्मन पचर के ताकतवर तरीका से माज दे लसी। कमांडर MP के पुनोज के तर्क अलग अलग ही टैंक फोर्स के पीछे हतला आ निष्क्रिय इंतजार के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती गठन खातिर गंभीर परिणाम हो सकेला। जोन दुश्मन के दबाव के कई गुना बेहतर रोक देला। कब तक लोग एकरा के झेल सकता रे। 15वीं आ 22वीं मशीनी कोर दुश्मन के पचर पर लड़ाई में प्रवेश कर चुका बा। हमने के पर अल्लाह तियर है। 4वीं, 8वीं, 9वीं आ 19वीं के नजदीक आते हमने के लगे रोगा हो जाए। ऐसे अब 24 जून के लड़ाकू मिशन बा कमांडर पाश पोता पो 22वीं मशीनी क्रीत कोर 135वीं डिवीजन के ताकत के इस्तेमाल करत व्लादिमीर वोलिनस्की पर हमला करत दुश्मन के यूनिट के हरा के जवल लुट्स दिशा में टूट के घुसल बा ओकरा से जुड़ बा घेरल 87वां डिवीजन के बा। 15वीं मशीनी कोर के कमांडर कारपेजो राधे को अबादी में रक्षा करे खातिर बल के हिस्सा आ मुख्य लो जेबेरेज टेको पर हमला करे। दुश्मन के तिनका मुतर चालिप यूनिट सब के नष्ट करे। आघेरा बंदी वाला 124वीं डिवीजन से जुड़ कमांडर 6 मुजिनको के लड़ाई से 4वीं मशीनी कोड के वापस ले आवे खातिर आवे रिस्टेको पर हमला में 15वीं के समर्थन में घुमावे खातिर 22वीं, 9वीं आ 19वीं मशीनी कोड के कार्यवाही के समन्वय जनरल पोतापो 4वीं, 8वीं आ 15वीं के सौंपल गेलबा मोर्चा मुख्यालय के कमांडर बैठक के भारी समापन करत कहले की एकरा से निकले के कौनो दूसर रास्ता नहीं। हमनी के सब कोड के एकाग्रता के इंतजार में पीछे नहीं की हट सकत। पूर्का एव उदास हो के चुप हो गिलन किरपुनोज के तर्काश्वस्त कले वाला लागर रहे। वतुतिन बिना कौनो संकोच के सेनापति के साथ देले ऑपरेशन के शुरुआत 1-60 आक्रामक से मुहिकरण के निर्माण के साथ लेके परे। जब मोर्चा के दूसरा चलन के राइफल और मशीनी क्रीत कोर भी फ्रंट लाइन से 200 से 400 के मी दूर रहे और दुश्मन सीमा कवर के तोड़ के निकल गए रहे। 40 से 50 के मी के अंतराल के टोरे में कामयाब हो गयी। मोर्चा के मुख्य ताकतन के कवर करे के धमकी देहलस आए कदम पर कीव के सफलता के धमकी देहलस। प्रेसली परिस्थिति के आधार पर किरपुनोस्थिति रक्षा अत्यंत जवाबी हमला के साथ क्लेस के टीम को अलंग के आगे बढ़े में देरी करे के फैसला किले। आ फिर लोग के घेर के इसराइल लोन कोड के सेना के साथ नष्ट कर दी ले। युद्ध से पहले के एगो फोटो में सोवियत लीडर के चालक दल के अपना लड़ाकू गाड़ी के सामने फॉर्मेशन में कैद कैल गयी रहे। इतने से योजनाबद्ध एक जवाबी हमला के दो चरण में बांध तल अनिवार्य रूप से भयल। पहला में 4वीं आ 22वीं शामिल रहे। दूसरा में देर 7वीं, 9वीं आ 19वीं मशीनी कोर 9वां लुट्स 19वां रोवनो 8वां दक्षिण से बदी के उड़बड़।
मशीनी कोड के हड़ताल राइफल कोड के साथ ही मिलके खड़े के रहे देश शिवसेना से 37वें आ रिजर्व से 31वें आ 36वें इंधन के क्रेमिनेट्स लुट्स दुबनो जिला में प्रमोट की गए। शुरुआती स्थिति सबके बहु समय के तरीका अलग अलग लड़ाई में इंधन के प्रवेश के पहले से तय किलस सामने से होके वाली लड़ाई सब में मांच के बर्बाद कर दिलस बाकी बड़ खतरनाक से ऐसा फैसला करे के मजबूर कर दिलस। इतना पूर्ण अधिनियम में मुख्य बात ई रहे की रुंदर स्टेट के सदमा से मुहिकरण मुख्य रूप से तिनका मुतर 40 डिवीजन के रोकल पहल पर कब्जा कर लिया। जर्मन लोग के नीपर तक पहुंच के 60 ऑपरेशनल स्पेस में टूटे से रोकल सोवियत सैनिकन के फिर से सिमूद बकरे असामान्य हमला में संक्रमण खाते समय खरीदन जरूरी रहे। 25 से 26 जून के तिंक लड़ाई के पहला चरण में सामने से आवे वाली लड़ाई बढ़कर वाहत के साथ खुलल खास तौर पर 5वीं आ 6वीं सेना के पार्श्व भाग के जंक्शन पर भयंकर उसकी लग सोकल सेक्टर जहां रुंडर स्टेट पर वाला क्लेस टिंक समूह के लेके लिए आ 6वीं फील्ड डिवीजन रही चेनाओं के सेना के भी जर्मन खुफिया विभाग के मालूम रहे कि यहां पूरा रूसी समूहीकरण में सिर्फ 3 डिवीजन अवूरी दो मशीनी कोर देश 15 अवूरी 22 देश बा अवूरी कुछ खंड सैनिक के कुंवर नहीं खे। 5वीं आ 6वीं सेना के कमांडर पोता पुआ मुजेन को देश 22 जून के पहला घंटा में कवर प्लान के अनुसार फ्रंट कमानियर काम के लिए आ सेना के मशीनी कोर के झटका से क्लेस के मोटर को अलम सब के हरावे के कोशिश खेले। 22 जून के रात के अलर्ट कैल गई 4वीं मशीनी कोर पर शहर में ना मालू क्या नोवरी क्राकोवेट्स में सीमा पर जाया के मार्च पर बमबारी भरेल एक रन में 430 धनवूरी के लिए तिंक रहे। सबसे मजबूत 32वां टीडी कर्नल जी पुष्किन में 325 तिंक रहे। जवना में से 49 के वी 173 टी धन बाकी 162 हल्का भी ती अवूरी तीदल अवूरी तीदल तिंक रहे। पहला लड़ाई में हमने के 32वां टीडी 125वां जर्मनी इन्फैंट्री डिवीजन के पीछे रख के देहलस जवन की चलत फिर अत्यानो और क्राकोवेट्स के माध्यम से लोग तक पहुँचे के कोशिश करेलस। 32वीं टीडी के रेजिमेंट कमांडर एवीए गुरु के अनुसार ये लड़ाई सब में जर्मन लोग के 30 गो टैंक 40 में से 25 गो बख्तर बनगाड़ी 9 गो भारी बंदूक दर्जनों मोटरसाइकिल आकार के नुकसान भैला रेजिमेंट तक ले मारल गए। यहाँ शायद पहला बेर जर्मन लोग के तीन और केवी के श्रेष्ठता महसूस भैल सोवियत इनके खिलाफ जर्मन बंदूक शक्तिहीन रहे। 15वीं मशीनी क्रीत कोर के कोर कमांडर कार्पजो जमरन ने अग्रिम टुकड़ी के रादे को तक आगे बढ़ावे में कामयाब हो गिले लैंडिंग फोर्स के नष्ट कर दी ले आज जर्मन अवांत गार्डे के रोक दे ले रादे को हाथ से हाथ में गुजरत रह ले। अंत में तोपखाना के गोलीबारी केवी आके धन हमला के पीछे लुका के दुश्मन के तिनका मुतर 40 पैदल सेना के खटखटा के टुकड़ी कई घंटा ले रादे को के तबले रोक लेलस जबले की कोर के मुख्य सेना नजदीक न आ गए। योजना 2 22 जून से 24 जून 1943 तक दक्षिण पश्चिमी मोर्चा पर लड़ाई 22वीं हुंजसेव के कमांडर अभी तक ये न जानत रहे कि दुश्मन मुख्य झटका पास में सेना के क्षेत्र पर निशाना बनावत रहे। 19वां तिनकवूरी 215वां मोटर चालित लेकिन असल में पैदल डिवीजन के ऊपर उठावे में सक्षम रह ले 41वां तीदे संपर्क खो दे ले। ए घड़ी में एक स्थान रही अनजान कोर के साथ हेमिल के पलायित बर्मा स्कलन को उके संचालन भयल मोटर चालित पैदल सेना वाला जर्मन 14वें टीडी एकरा सामने आ गई। सामने से आवे वाली लड़ाई में अंके दरेटा के भेद रहे व्लादिमीर वोलिनस के लुत्स्क राजमार्ग पर दर्जनों टिंका बख्तर बनगाड़ी दर्जनों बंदूक असैकरण जर्मन लाश बच गिले। जर्मन एडवांस यूनिट के कमांडर लोग जिकरा एक तरह के टुकड़ा के उम्मीद न रहे रूस के जिद सोवियत इनके जवाबी हमला के रिपोर्ट कई ले सुदृढ़ीकरण के मांग कई ले लेकिन एकरा जवाब में आगे बढ़े के गठी के तेज करे के आदेश मिलल। रुंडर स्टेट के मुख्यालय भी हाल दर निहन सोवियत कमान के तिपन सवरी लगवा के उम्मीद करत रहे लेकिन पहला भ्रम जल्दी बीत गए। सोवियत पक्ष से 23 से 25 जून की लड़ाई परस्पर विरोधी आदेश और फैसला के प्रभाव में भयल कुछ कमांडरन की लैंडिंग डर रहे। जवन इतना तक पहुंच गए कि जब जर्मन ब्रांडनबर्ग रेजिमेंट शोर आ पर्यावरण की नकल खाते छोट छोट पैराशूट समूह अवूरी मोटरसाइकिल सब मशीन गनर के हमने के पीछे फेंक ले राइफल यूनिट के जगह लोग फेंक ले टैंक इकाई के खत्म करे खातिर वो लोग के अभिमानन से मऊ एस 239 आपस 3780 डीचे एल 119 रादे के सोकल पर हमला कमांडर छे मुजिंको के फैसला से कमजोर हो गए जे उनके खाते खाली 3 को बटालियन आवंटित ले एक रेसात 74वीं एमके के डंकोविट्स इलाका सेना के बायोर में हमला करे के आदेश दिले जहां वहां कोनो गंभीर खतरा न रहे। इतरे से मशीनी क्रीत कोड मुख्य जर्मन हमला के दिशा से बहुत दूर रहे जी के चुको जे 26 जून तक दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मुख्यालय में रहले ब्रो अडी इलाका 4वां
पंद्रह आठवां एम के में एगो मजबूत समूहीकरण के मांग कई ले जवन की रोनो बाईसवा नौवावरी उन्नीसवा के संगे मिल के एम के पर अल्लाह तीजी आर क्लेमिस के हरावे के रहे। लेकिन चार पंद्रह एम के लड़ाई से वापस ले आवल मुश्किल निकले। एक बाज को 15 तारीख के एक्शन के जॉन के कंपनी के फैसला कई ले अबूरी चार एम के से अथवा मेजर डिवीजन के संगे एकरा के मजबूत करे के फैसला कई ले जवन की देरी से भयल देश 25 जून तक आठवां तिथि के निर्धारित क्षेत्र में पहुंचे के समय न रहे। एगो जर्मन टैंकर एगो पे आई टैंक बुज के साइड गेट से बाहर देखत रहे। क्लेवो में अपन टैंक मोटर 40 समूह के मजबूत किले जिकरा से 15वें मशीनी कोर पर श्रेष्ठता आदबा बढ़ गयी। जर्मन के दू को टैंक डिवीजन कोर पर दबाव डाल दिलस आ हमने के चार आठ मशीनी क्रीत कोर के नजदीक आवे में देरी हो गयी। आ तभियो 15वें रुक के जर्मन आक्रामकता के रोक दिलसी। एक अलावा 24 जून के कारपेजो एगो साहसिक जवाबी हमला से दुश्मन के जगह से बाहर कर दिलसी आगे बढ़ गयी। बाकी सफलता बाकी हमला के सफलता नियर जर्मन लोग के फ्रंटल पीछे धकेल के आओ लोग के काफी नुकसान पहुँचावे से खत्म हो गयी। बाकी दुश्मन के हारना भयल ई तबे हासिल कैल जा सकट रहे। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के तीन या सब मशीनी कोर के मजबूत संयुक्त हमला से 15वें एम के फ्रंटल हमला से लगातार बचत जर्मन पीछे हट गयी और उकरा मोर्चा में कमजोरी मिला के बाद टैंकियों ने तुहां फेंक दिलस जवना से संचार के रोके के धमकी दिल गयी। 24 जून के हालदर अपना डायरी में लिख ले बार के युद्ध में रूसी फॉर्मेशन सबके जीत पर ध्यान देवे के चाहिए। 25 जून के जाइटोमाइर की दिशा में निर्णायक घटना के विकास होके लागल जहां मुख्य दुश्मन से मुहीकरण आगे बढ़त रहे। यहां क्लेस के तिनकारी सेनाओं के पैदल सेना 5वीं आ 6वीं सेना के जंक्शन पर 50 किमी के अंतराल के इस्तेमाल करत सीधा लाइन में की जाए की कोशिश के लस जैसे बाद में 17वीं सुल्पनेगल सेना के उड़मुर के सैनिकन के काट दिहलस केंद्र आपास भी सेना से SW1 के पूरा बाया विंग मोर्चा के सैन्य परिषद जर्मन से मुहीकरण के हरावे के कोशिश कई लस। लेकिन 25 जून के उकरा खिलाफ एगो मजबूत झटका असफल हो गयी। मुजीचेनको के आदेश से 25 जून के 4वीं मशीनी कोर के मुख्य जर्मन हमला से दूर या वो इलाका में आगे बढ़े के रहे। 15वीं मशीनी क्रीत कोर जवन के एगो चौड़ा मोर्चा पर हमला करत रहे और उकरा लगे पर्याप्त परिवहन न रहे अपना मूल स्थान पर अपना सब सेना के संगे समूह न बना सकत रहे। 8वीं मशीनी क्रीत कोर फोर्स मार्च जारी रख लस और 25वीं के सांझ तक ही 500 किमी के रन बना के अपन मोटर संसाधन बहुत खत्म कर चुका। बॉडी के नजदीक आ गई लुनकर 40% से अधिक लड़ाकू वाहन आतोप खाना के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा सर पर रह गयी। 26वीं फिर 6वीं फिर मोर्चा के मुख्यालय के आदेश से कुर के कई बेर काम बदल गयी और ओमे से भरते हुए पिछला सेना के रद कर दिलस। भारी लड़ाई में 22वीं मशीनी कोर और APTBR क्लेस के 13वीं और 14वीं पैजर डिवीजन के दबाव के रूप के अपन टीम के खटखटा दिलस। लेकिन खुद के भारी नुकसान भयल स्थिति के आधार पर जी के झुको और MP के पुनोस कोर के समन्वित हड़ताल के 26 जून तक ताल दिले। 25 जून ले 9वीं और 19वीं मशीनी कोर के एडवांस यूनिट रोवनो इलाका में पहुंच गए रहे। 26 से 30 जून के जाइटोमाइर की दिशा में निर्णायक घटना घटित टैंक लड़ाई के दूसरा चरण स्कीम 3 मार्च से के हमनी के 20वां तीरी दुगनों तक टूट के शहर से 10 किमी दूर रहे। 131वां मोटर 40 डिवीजन लुट्स क्षेत्र में घुस के नदी के ऊपर के क्रो असिंग के कवर कई लस स्टायर के बा एक साथ ही एनफील्ड लेंको के 19वीं मशीनी कोर नदी के ऊपर के क्रो असिंग के अपना मोटर 40 इकाई से ढंकल स्टायर जर्मन पचर के दक्षिणी दिशा में मारलस। दुश्मन के तीन का मोटर 40 पैदल सेना के कुचल दिहलस आरोनो से 25 किमी दक्षिण में तोड़ दिहलस। जर्मन कमान खाते ये हमला अपना अप्रत्याशित रहे कि जिसे की बर्लिन के रुंडर स्टेट के रिपोर्ट मोटर 40 कोर के जनरल एंट्री हालडर के डायरी गवाही देत बा। क्लेस तारी चेनो डिवीजन में घबराहट आतिन के दर पैदा हो गयी। रूसी टीम के सफलता के अफवाह फैल गए लोस्त्रोक और बेरेस्ते को आ आगे बढ़ स्तंभ सब सड़क पर जाम में घुल मिल के स्टोजानो पर अव्यवस्था में पीछे हट गिले। जर्मन टीम मोटर 40 कोर के एगो मजबूत झटका मिला के बाद हार के कगार पर रहे। लेकिन दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमान ए सामरिक सफलता के पूरा इस्तेमाल न कई लस 9वीं और 19वीं को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ी। उनका प्रयास एकजुट न रहे दोनों के बीच वनवाद आबाद जीत के आयोजन न भयल। राधे को अधिक के कोर देश 8वीं आ 15वीं वो दिन आगे न बढ़ पावला। ओ लोग के अप्रस्तुति के चलते हड़ताल में पूरा दिन देरी हो गयी। सवेरे ही दक्षिण आ उत्तर के सभी मशीनी कोर दोनों जर्मन वेज के खिलाफ सामान्य हमला के लस आपन सेकोन में लुत्स क्रियो ने उस अधि दुग्नो में दोनों ओर से 2000 से ढेर टैंक गुंज उठल। योजना 3 हालदर 26 जून के अपना डायरी में लिख ले रहे की
सेना समूह साउथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहल बा। दुर्भाग्य से काफी नुकसान हो रहल बा। दुश्मन के नेतृत्व में मजबूत अवरी ऊर्जावान बा। दुश्मन लगातार गहराई से हमने के तिन के पचर के खिलाफ नया ताजा ताकत लेके आ रहल बा। आपसे वॉल्यूम 3 बुटीक पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाए वाला जर्मन मध्यम टैंक PZII पर हमला 1941 के गर्मी में भेल। सोवियत खुफिया जानकारी के गलती से लड़ाई के दूसरा चरण के शुरुआत और रिकॉर्ड जटिल हो गए। फ्रंट इंटेलिजेंस कर्नल गुंडारी के मानना रहे कि जर्मन के राधेकों के लगे मात्र 2 से 3 डिवीजन बा, जबकि जर्मन के जनशक्ति तोपखाना और पूरा विमानन में दुगुना श्रेष्ठता बा। एक साथ ही 27 जून ले सोवियत खुफिया अधिकारी कमांडर पांच पोतापुर के ब्रेस्ट से कोवे ले एक बढ़न टीम को अलंग के आगे बढ़ावे के बारे में चेतवले और उत्तर से चक्कर लगावे के दर से कोवेल के लगे 22वीं मशीनी कोड के आगे बढ़ा दे ले। सामने के मुख्यालय यहाँ विमानन के फेंक देहलस। एक बारे में जान के जुकूफ पोतापुर के दाहिना पार्श्व मोर के कोवेल के धन के आदेश दे ले। लेकिन धन की झूठ निकलल। ये गलती महंगा रहे कहे कि ऐसे हमने के बाद में आछेवी सेना के जंक्शन पर स्थिति के समय पर समझल संभव न हो पावला। सेना के गलत दिशा में मुड़ देहलस। 26 जून के पोतापुर दुश्मन के नष्ट करके 36वीं राइफल कोर के सहयोग से 9वीं 19वीं मशीनी कोर के हमला से दुगनों पर कब्जा करने के फैसला के लिए सेमो USSR F-229 आपस 3776 G7 L5 हालांकि लुप्स्क दिशा में आगे बढ़ जर्मन लोग के उन्नत हिस्सा एक पार्श्व पीछे के हिस्सा पर खतरा पैदा किलस। फेकलीन को आरो को सोस की बिना वो लोग के साथ ही लड़ाई में शामिल भी क्लेस पिन के पचर के उत्तरी पार्श्व पर मजबूत प्रहार के लिए जर्मन कर्नल आई सिबिन 19वां के 45वां मेजर डिवीजन के हमला के बैराज से रोकने के कोशिश के लिए बाकी डिवीजन के टैंकर के भी आती धन के आगे ढकेले अपन टैंक विरोधी रक्षा और जर्मन पैदल सेना के तोर दिले अपन उपकरण छोड़ के बीच ढंग से पीछे हट गए ले। जर्मन घात लगा के गोली बाज के हमने के तीन के अग्रिम के रोके में नाकाम रहल देश 19वीं कोर के मुहरा हमला करके दुश्मन के पीछे से भगा दिलस। साथ ही दुश्मन के अलग अलग फायदेमंद लाइन तक हमने के तीन के रोके के कोशिश भी नाकाम रहल। जर्मन के पीछा करत 19वीं कोर शाम के दुगनों के पूर्वी बाहरी इलाका में घुस गए। जर्मन लोग अपना पीछे के पुल के उड़ा दिहल और बस यही से सोवियत टैंकर के शहर में घुसे के मौका न मिलल। जर्मन के नुकसान 30 टैंक 50 बख्तर बनगाड़ी 4 एंट्री टैंक बैटरी एगो पैदल सेना रेजिमेंट तक के मौत टूटल अबूरी छोड़ दिहल गए। मोटर वाहन हमने के नुकसान 17 टैंक 128 आदमी मारल गए लबूरी घायल। दाहिने और दुगनों के दिशा में रोको सोस्की के 9वीं मशीनी को दुश्मन पर हमला कई लस। हिजोन में 13वां 14वां टैंक अखिलेश के 2 गो मोटर 40 डिवीजना 3 गो पैदल सेना रही चेना पर आगे बढ़ दुश्मन के बहुत श्रेष्ठता के बावजूद रुकोसोवस्की के कोर कई किलोमीटर आगे बढ़ी लेकिन तेज हवाई हमला के चलते उनका रुके के पड़ लगातार बमबारी के साथ जर्मन 20वां मेजर डिवीजन के पिंसर क्रिय में कामयाब हो गए। लेकिन रात के जवाबी हमला से ओहलो से बच गए। कर्नल टेलिनिन के 131वीं मोटर 40 डिवीजन लुप्स्क क्षेत्र में रक्षा करत जर्मन टीम के कई को हमला के भगा दिलस। दुश्मन के नदी के जबरन क्रिय के कोशिश के भगा दिलस। स्टायर के बाद योजना 3 दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी क्रीत कोर के जवाबी हमला आरो अड्डी दुगनों के पास लड़ाई ठीक 26 से 29 जून 1941 फिर सामरिक सफलता के फायदा न उठावल गई। 19वीं MK के 45वां टीडी के सफल कार्यवाही के अनिवार्य रूप से एबा से बेकार कर दिहल गई की कोर के और गठन के तरह डिवीजन में भी कब्जा कई गई। लाइन पर मजबूत होके के ताकत और साधन न रहे चिकनी घंटा के रफ्तार से ट्रैक्टर से खींचा जाए वाली कोर के तोपखाना टीम के संगे न चल पवलस। एक अलावा पड़ोसी फार्मेशन सबके कार्यवाही में असंगति जे 45वां टीडी के पार्श्व भाग सबके उजागर किलस। कमांडर फेकलीन को के दुगनों पर रात के हमला के बजाय डिवीजन के रोनो वापस ले जाया के मजबूर किलस। राधे को अवलोदी में 15वीं 8वीं मशीनी कोर बेरेज टेको के दिशा में दक्षिणी पचर के झटका देहलस। 15 तारीख के एगो कठिन स्थिति पैदा हो गए। नुकसान उठावे के चलते सिर्फ एगो 212वां मोटर 40 डिवीजन के संगे हमला करे में कामयाब हो गए ले। मदद खातिर आवंटित 4 MK से 8वां तिथि 26 जून के लड़ाई के अंत के ओर ही पहुंचे। आतंकियों कुछ इलाका में 15वां MK आगे बढ़ जमीन पर हमला के सामना न कर पावे वाला जर्मन लोग अपन हवाई श्रेष्ठता के इस्तेमाल करत सोवियत मशीनी कोर के खिलाफ विमानन फेंक दिहल। कमांडर आई कारपजो के कमांड पोस्ट पर गंभीर गोलाबारी के झटका लागल। उनकर जगह कर्नल जी इरमोलाइव के जगह ले ली ले। दक्षिणी पचर पर मुख्य झटका लेफ्टिनेंट जनरल दीप लिया बिशेव के 8वीं मशीनी कोर द्वारा किल गए।
योजना 4A5 उनकर विरोध जर्मन 16वीं पेजर आ 57वीं इन्फेंट्री डिवीजन आ 48वीं मोटर चालित कोर के मोटर यूनिट खिलस आक्रामकता खातिर इलाका मुश्किल रहे। एकरा के 10 से 30 मीटर चौड़ाई आ 2 मीटर ले गहराई के 5 गो नदी सबसे काटत रहले आ 2 किमी ले दल दिल्ली बाढ़ के मैदान रहले। तैयारी खातिर समय कम रहे देश 5 रात के घंटा हवाई सपोर्ट न रहे। सवेरे 9 बजे 8वीं मशीनी कोर 2 गो टैंक डिवीजन देश 34वां कर्नल आई वासिलियव और 12वीं जनरल टी मिशानिंग के साथ दुश्मन पर हमला कैलस 7वां मोटर 40 डिवीजन बाई ओर से टैंक हमला कैलस कमांडर के लिए टैंक से लड़ाई के नियंत्रित कैले। दूसरा हमला के साथ 38वां टीडी दलदली इलाका के 20 सिलो अड्डे के पार करके दुश्मन के एगो टैंक को अलंग के पूरा तरीका से हरा दिलस और रियर टैंक लुचेव इलाका में घुस गई जहां जर्मन जल्दबाजी में टैंक विरोधी रक्षा के आयोजन कैले। ए लड़ाई में 34वीं टीडी 3 गो बैटरी 2 गो मोटर 40 बटालियन के नष्ट कर दिलस 2 गो बटालियन के रचना पर कब्जा कर लिलस। 12वीं टीडी 8वीं एमके नदी के मोटर 40 पैदल सेना पर काबू पाके स्लूनो का लेशनेव पर कब्जा कर लिलस जबकि 12 गो जर्मन टैंक 3 गो एंट्री टैंक बैटरी 1 गो मोटर 40 बटालियन के नष्ट कर दिलस आ जर्मन डिवीजन के पीछे के हिस्सा पर कब्जा कर लिलस। कर्नल गिरासिमोव के साथ वातीदी नदी पर 1 गो पुल के सिर पर कब्जा कर लिलस। स्टायर अजवाबी हमला के प्रतिबिंबित कर दुश्मन के 15 गो टैंक तक के नष्ट कर दिलस 2 गो पैदल सेना के बटालियन तक के नष्ट कर दिलस ओकरा पर कब्जा कर लिलस। 25 किमी आगे बढ़े वाला 8वीं एमके के हमला से जर्मन कमान घबरा गए। रुंडस्टेदाक्लेस तुरंत टैंक अब पैदल सेना के रिजर्व के बेरेज टैंकों तक खींच ले ले। 48वीं मोटर 40 कोर के सभी टैंक विरोधी तोपखाना के एक साथ खींच ले ले। 1941 में सबसे ताकतवर जर्मन टैंक पीजेडाईवी रहे। 175 मिमी के तोप 500 मीटर पर 50 मिमी के कवच में घुस गए। जर्मन विमान लगातार आभारी मात्रा में आगे बढ़ सोवियत इकाई सब पर बमबारी किलस पहली बेर यहाँ वो ज्वलनशील मिशन के इस्तेमाल किलस। 8वीं मशीनी कोर के कमांड पोस्ट बम के नीचे गिर गई। कई गो मुख्यालय के कमांडर के काम ठीक न रहे लेकिन कोर सवेरे अपन हमला जारी रखे के तैयारी में रहे। 26 जून के अंत में मोर्चा के सैन्य परिषद जवाबी हमला के नतीजा के संक्षेप में बतौलस पता चलल की अलग अलग अवरी अक्सर पैदल सेना तोपखाना अवरी विमानन के सहयोग के बिना लड़ाई में शामिल मशीनी कोर दुश्मन के रूप के अलग अलग दिशा में फेंक दे ले दुश्मन के काफी नुकसान पहुँचावे ले लेकिन खुद के भारी नुकसान हो खेला। दुश्मन श्रेष्ठता आगतशीलता के इस्तेमाल कर दूसरा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा बा लुक्सक्रोवनो आरा देखो ब्रोदस की दिशा में तिनके स्तंभन के आक्रमण के खतरा बा। सोवियत 31वें 36वें और 37वें राइफल कोर के नजदीक कैला से एगो और ताकतवर से मुही क्रम बनावे के मौका खुल जाला। इन पूर्व के विक्रा के स्टोहोद स्टायर नदी अदुबनो क्रेमिनेट्स जोलोचेव शहरन के लाइन पर बनावे के प्रस्ताव रख ले आ मशीनी कोर के एसीमा से बाहर ले जाए जाओ। इन पी किरपुनो से बात के एहसास करत के रक्षा में अस्थाई संक्रमण अनिवार्य बा वापसी के आदेश दे दिलन लेकिन मास्को एकरा पकड़ा प्रतिक्रिया दिलस की मुख्यालय वापसी पर रोक लगा दे लेबा अवूरी जवाबी हमला जारी रखे के मांग करता। किरपुनोज के चुकू से बातचीत बाद वाला के आदेश से खत्म भइल की 27 जून के सवेरे आक्रामकता पर जाए आलुस्का दुगनो तक पहुँचे वाला दुश्मन के हराए। जुको दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मुख्यालय की योजना और हड़ताल के आयोजन में कठिनाई के पूरा तरह से समझत रहले लेकिन रक्षा में संक्रमणों घरी जब मशीनी क्रीत और सफलता देखौलस आ जर्मन लोग के गंभीर कठिनाई में रहे ओकरा लागल की सबसे खराब विकल्प बा ओगरी के हालात में कवान फैसला हड़ताल रोके बाजारी रखे के सबसे समुचित रही कहल मुश्किल बा। बाकी जब जनरल स्टाफ के मशीनी कोर के नुकसान के जानकारी मिलल था वो लोग अचरज में डूब गयला हमनी के सोचे पर मजबूर कर दिहल। टैंक के नुकसान के मुख्य कारण टैंक विरोधी तोपखाना और दुश्मन के टैंक के कार्यवाही न रहे बल्कि हवाई हमला और कई गो उपकरण के खराबी रहे। पहले ही से 2 दिन बाद स्टाफ का दक्षिण पश्चिमी मोर्चा से पुरान राज्य के सीमा पर आर के लाइन तक सैनिकन के वापसी के निर्देश तैयार करे लागल। 27 जून के रात में 8वीं आ 15वीं मशीनी कोर के आदेश मिला के बाद वापसी होके लागल लेकिन एगो नए आदेश वो लोग के पकड़ ली लस वापस लवत के अपना पहले के दिशा में हमला जारी रखे के जिस ही कमांडर लोग के वापसी करे वाली यूनिट सब के हिरासत में लेबे के समय मिलल एगो नए आदेश मिलल। 8वां सीधे दुगनो पर आगे बढ़े के जुड़ा जर्मन लोग के रिंग में बंद लेके आ 15 तारीख के बेरेज टेको के पूरा ताकत से मारे खातिर
आदेश के क्रोसियर जर्मन जनरलों के भी भ्रमित कर दिले सोलो के इना बुझाइल की दिन में सफल हमला के बाद आठवीं को रात में अचानक पीछे काहे हट गए और सावधानी से आशंका के साथ कारूसी लोग जाल तैयार कर रहा बा। 16वीं पैदल और 57वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कुछ हिस्सा उनका पीछे चल गई। हालडर के बारे में भी अंदाजा लगा ले ले। 27 जून के लिख ले। क्लेस्ट समूह के दक्षिणी पार्श्व पर हमला करने वाला रूसी गठन सब के भारी नुकसान भयलो केला आपसित सोवियत लाइटिंग बी तिल के बा इन्हन के 45 मिमी के तोप के चलते इन्हन के मध्यम जर्मन पी जेदाई वी से भी लड़ाई लड़े के मौका मिलल। तमाम परेशानी के बावजूद जवाबी हमला जारी रहल। 27 जून के 9वीं 19वीं मशीनी को लुट्स कारोनों के बीच दुश्मन पर हमला के लसा ओकरा के मीनोसी नदी के उपार वापस भगावे के काम देलस। इकवा के बा सहायक 36वीं राइफल को दुबनों पर हमला के लस। यही दिन जर्मन डिवीजन सब के विदुबनों आरोहनों पर आगे बढ़े के आदेश में लला 27 से 30 जून के इजट दोनों ओर से हमला रक्षा आजवाबी हमला के साथ सामने से आवे वाली भयंकर लड़ाई में बदल गयी। 19वीं मशीनी क्रीत कोर जर्मन यूनिट के पलब देहलस और फिर से दुबनों तक घुस गए लपटी बेट दक्षिण ओर से। एक साथ ही 36वीं राइफल इन्फेंट्री के पैदल सेना उत्तर पूर्व से दुबनों खाते निकल नौवीं रोकोसोस की रक्षात्मक लड़ाई में जर्मन लोग के टैंक मोटर से चले वाला स्तंभ के हरा देहलस से रोनू जाए वाला राजमार्ग के किनारे रेलवे के किनारे फाड़ रहे। 8वीं मशीनी कोर के कमांडर या विशेष कोर के मुख्य सेना के दक्षिण पूर्व से दुबनों ले जाए के तैयारी करत रहले। लेकिन कोर के मोर्चा के सैन्य परिषद के एक सदस्य के हस्तक्षेप से इकरा की रुकल गयी। जवन के उपहुचले हड़ताल योजना के विकास के दौरान कोर के कमांड पोस्ट पर रिया विषेव पर भी मापन के आरोप लगावट गोली मारे के धमकी दे को बिना तैयारी कैले तुरते एगो मोबाइल ग्रुप बनावे आदुबनों में जाए के आदेश देलन। टैंक रेजिमेंट से मजबूत 34वीं टीडीआई वासिल के जल्दबाजी में एमए शामिल कर दिहल गयी। ए समूह के मुखिया पर 8वीं एमके के कोर कमांडर के राजनीतिक अधिकारी एन पोपल के रखलेवाशुगिन के जल्दबाजी में आदेश और ये कोर के विखेदन के दुखद परिणाम भई। हालांकि कर्नल वासिली के कमांडर के निर्णायकता के बदौलत समूह के कार्यवाही की शुरुआत सफल है। 27 जून के साथ जर्मन टीम और पैदल सेना के यूनिट के कई गोलराई में हरा के जल्दी से दुबनों में घुस गयी जबकि हमने के 19वीं मशीनी और 36वीं राइफल कोर शहर में घुस गयी। हालांकि ये सफलता सब के बारे में मोर्चा मुख्यालय के जानकारी न रहला। जर्मन 48वीं मोटर चालित कोर के काट के रखे के अनुकूल पर सोवियत कमान के फिर से चूक गए। उस युग में जर्मन मोटर चालित यूनिट 54वीं टीडी के लोग ही समूह द्वारा भारी लड़ाई में रोकल गए। 16वीं सेना के यूनिट से बनल रही जमुना के आदेश पर स्मोलेंस खातिर रवाना होके के समय न रही मुख्यालय कमांडर जनरल एमएफलुकिन के है। 28 से 30 जून के मशीनी क्रीत कोर के लड़ाई टैंक लड़ाई के सबसे उच्च बिंदु रहे। योजना चे जर्मन सदमा तीर क्लेस के एक टैंक समूह जेकर मकसद शुरू में नीपर के जाए में विधि सफलता के लक्ष्य रहे। सीमा क्षेत्र में 8 दिन तक इधर उधर दूरी एकर तीर 48 मोटर चालित कोर आगे बढ़ अपना के गंभीर स्थिति में पा गए। सबसे बड़ मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण के निहोरा मिलेला खास कर टैंक का मोटर वाहन में ऐसा नुकसान के रिपोर्ट मिलल जवना से अब मास्को में न बर्लिन में अचरज पैदा हो गए। खिंचाव वाला पचर पर मिखाइल फॉर्मेशन पर रूस के जवाबी हमला अक्सर जर्मन लोग के युद्ध के मैदान से अव्यवस्थित पीछे हटे में बदल दे रहे। सोवियत लाइटिंग टी दरमो अब के बा 1933-37 के बेलनाकार टावर पर हैंड्रेल एंटीना के साथ हालदर 29 जून के नोट कई ले रहे की सेना समूह दक्षिण के मोर्चा पर अभी भी भारी लड़ाई चलता। दाहिना और 8वीं रूसी कोर के एक टैंक ग्रुप हमने के पोजीशन में गहरा घुस गई और 11वीं टैंक डिवीजन के पीछे के हिस्सा में घुस गए। दुश्मन के इवेजिंग जाहिरबा ब्रो आदुबनों के बीच के इलाका में हमने के रियर में एगो बढ़हन गड़बड़ी पैदा की लस। 11वीं 16वीं टीडी 16वीं एमडी के साथे साथे 44वीं 11वीं 299वीं आरडी में भी काफी गंभीर हस्तक्षेप भेल। डायरी खंजेद किताब एक परिष्ट थावन पर बा जनरल स्टाफ के ऊंचाई से देखल जाओ तो बड़ गंदगी गंभीर असफलता के सुचारू रूप से आकलन है। कई को तथ्य बेशक हालडर के मालूम रहे के नाम न लिहल गए। कई यूनिट के हार के बारे में मुख्यालय डिवीजन में नुकसान के बारे में डुगो डिवीजन कमांडर के मौत के बारे में 11वीं टीडी के कमांडर के उड़ान के बारे में जमुना के जिक्र ओ समय भयल रहे। जनरल मिल्ची हल्का विमान में युद्ध के मैदान से एगो और दस्तावेज स्थिति के और यथार्थवादी तरीका से दर्शावत बा। क्लेस के आदेश जवना में सैनिकन में चरम उपाय के इस्तेमाल के जरूरत बा। सोवियत इनके घुसे के अफवाह से पीछे के सेवा में अफवाह पैदा हो गई। हम आदेश देत बानी जरूरी शिक्षा आदेश आसज्जा के धमकी से घबराहट के परिणाम के उड़ा इशारा करें।
घबराहट की हर भड़कावे वाला फील्ड कोर्ट के नीचे अपहसरण के हथियार के इस्तेमाल देके परी अलार्म की स्थिति में तीन टूट गए शब्द के इस्तेमाल से हमलावरता ने हिटलर के मुख्यालय पर उलो पूरा तरीका से समझत रहे कि आर्मी ग्रुप साउथ खातिर जवान स्थिति पैदा भेल रहे उकरा के कितना खतरा बा उत्तर से एकरा के सेंटर समूह से दलदली पॉलिसिया द्वारा फाड़ दिया गया। दक्षिण से कार्पेथियन से एकर एगो खुला 400 किमी तक पार्श्व भाग ही जवना पर जर्मनी के सहयोगी देश हंगरी और रोमानियाई सैनिकन के कब्जा न रहे। अगर सोवियत कमान कार्पेथियन से हमला करे तो आर्मी ग्रुप साउथ की स्थिति बहुत गंभीर हो जाए। स्टेट के तत्काल रिजर्व के साथ मजबूत किल गए टैंक यूनिट, 6 पैदल सेना डिवीजन, तोपखाना रेजिमेंट, टैंक विरोधी डिवीजन, आम मोटर वाहन की हस्तांतरित कर दी हल गए। 28 से 30 जून के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमान दुश्मन के दुगना उस समूह के हरावे खातिर सामान्य हमला करे के फैसला कई लस एक रापति नूर से हमला होके के रहे। उत्तर पूर्व से 9वीं और 19वीं मशीनी क्रीत कोर, दक्षिण पश्चिम से 10वीं और 15वीं मशीनी कोर, 36वीं और 37वीं राइफल, पूरब से देश लुकिन के समूह पर हमला की लस। लेकिन स्थिति सामने के मुख्यालय के जवान लागत रहे उकरा से ज्यादा जटिल निकलन। योजना 3 और 4 आधुनिक टेम्पटी दर आर आर के बाद 1938-40 में शंक्वाकार बुर्जा 15 से 20 मिनी के कवच के प्रबलित किल गए। रिजर्व से मजबूत भेल के स्तारी चेनौजदी तरीका से संघर्ष के लिए असोवियत सीमा पर गढ़वाली इलाका सब के लाइन के टोरे खातिर जल्दी बाजी के लिए देश स्टालिन लाइन से परे जिसे की जर्मन लोग इकरा के कहत रहे। आए समय तक हमने के मशीनी कोड के हड़ताली शक्ति गंभीर रूप से खत्म हो गई रहे। 9वीं और 19वीं के हवाई हमला से भारी नुकसान भेला बेहतर ताकतन के दबाव में उरोनो के उरा पीछे हट गए। 15वां जर्मन हमला के शायद रोक दे लसी। 8वीं मशीनी कोर जवान अपना मोबाइल समूह के साथ डूबनों में टूटल रहे जब बाकी सेना के साथ आगे बढ़े के कोशिश करत रहे तब मजबूत टैंक विरोधी रक्षा से टकरा गई जर्मन सड़क के रोके में कामयाब हो गई। जवना से अग्रिम समूह के मुख्य सेना से काट दी हल गई। रोहनो के लगी 6 डिवीजन से अवरुद्ध भई लो 6 दिन तक लड़ाई लड़ी अबूरी सफलता के दौरान लगभग सबके मौत हो गई। 22वीं मशीनी कोर भारी लड़ाई के संग कोवेल पीछे हट गई। लेकिन ग्रुप जमुना के लगे खाली एगो टैंक रेजिमेंट रहे उस ग्रुप के बहुत नोट पर दुश्मन के शायद रोक सकत रहे। बीती जंगल सड़क के किनारे के पोजीशन पर आगे बढ़ जाला। मुख्यालय दुबनो रोहनो में जर्मन समूह के तोरे के मांग कई लस। 5वीं सेना के मोर्चा के क्रम में काम 1 जुलाई के सुमन स्टावस क्लेवन के इलाका से उत्तर से हमला करे के रहे और मोटर चालित मशीनी समूह के काट देवे के रहे। दक्षिण से उस्तरों से रक्षात्मक पोजीशन से जवाबी हमला से खाली लुकी समूह ही ए झटका के समर्थन कर सकट रहे। विमानन के मकसद 3 गो काम के हल किल रहे दुबनो रोवनो उस्तरों के इलाका में दुश्मन के खिलाफ हमला ओलो के मशीनी कोड के एकाग्रता के कवर किला दुश्मन के तीन के पचर पर हमला बिहार थक चुकल 4, 8 और 15 मशीनी कोड के फ्रंट रिजर्व में वापस ले आवल गए। सीमा के लगे घेराबंदी में अभी ओलर 87वीं और 124वीं डिवीजन के मुख्यालय के आदेश दिहल गए के उपकरण छोड़ के गार्दी आहत के हथियार से कोवेल तक घुस आए। इतने से आदेश में अनजाने में स्वीकार कैल गए की मशीनी क्रीत कोर के आक्रामक क्षमता के साथे साथे समग्र रूप से दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के सैनिक भी खत्म हो गए बा। सोवियत मशीनी क्रीत कोर के हमला ओलो के सामरिक सफलता असफलता के तार्किक अंत न भेल के स्पेन समूह के घेराबंदी आहार। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमान में जवाबी हमला के स्पष्ट संगठन के कमी रहे और ऐसे टैंक में संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद पर्याप्त बल या रिजर्व न रहे। लेकिन दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोर के कार्यवाही इतने खत्म न हो खेला। 9 जुलाई तक मुख्यालय मोर्चा के सैनिकन के पुरान सीमा 1947 तक पर गढ़वाली इलाका के लाइन में वापस जाए के आदेश देलस। इतने से 27 जून के एमपी के पुनोस जवन मंगले रहले उभय सैनिकन के एगो विशाल विमान के वापसी जवना में दुश्मन के मोबाइल सैनिकन के घेरा अपना आदेश में घुसावल जाला एगो सबसे जटिल पैंतराबाजी है। जुलाई के बीच ले मशीनी कोर दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के सेना सब के पीछे हटे खाते कवर उपलब्ध करावत रहे। पहले मध्यवर्ती ले आखिर मुख्य पोजीशन कोरोजन नोवो ब्रादोलिनस्की शेपेतोका स्टार फोर्स टेंटिनोस्की प्रोस्कुरो तकले। 9वीं मशीनी क्रीत कोर लुट्सक्रिम ने राजमार्ग पर जर्मन हमला के भगा दिलस। 19वीं नदी पर दुश्मन के रोक देलस गुरिन अरोनोवोलिनस्की राजमार्ग के साथ आगे बढ़े के कोशिश के भगा दिले। 15वीं में 26वीं सेना के रिट्रीट के कवर किल गए। जायतोमायर में 4 और 8 कीव के दिशा कवर किलस तीथन मुअब के बाद 1940-1941 के गर्मी में नुअब आउट हो गए। पहला अंक 73 मिमी L11 तोप से लैस रहे
दो जुलाई के रात से शुरू भई LSWX के सैनिकन के वापसी कठिन परिस्थिति में भई। यही दिन रूम 10 के 11 जर्मन 3000 रोमानियाई सेना आ हंगरी कोर के लड़ाई में ले आये। दक्षिण से पीछे हितत सोवियत सैनिकन के पार्श्व में ई झटका क्लेस रही चे नौ समूहीकरण में मदद ले के रहे। जल्दी से जाइटोमायर की दिशा में टूट के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के सैनिकन के घेराबंदी के उड़ले जाया के रहे। बाकी हालडर के डायरी में 3 जुलाई के एगो प्रविष्टि गुवाही देत बाकी जर्मन कमान के योजना लगातार नाकाम रही। पीछा दुश्मन के जिद्दी प्रतिरोध से लगातार देरी हो खत रहेला। अलग अलग समूह लगातार जवाबी हमला के उर्जाला। अधिकतर सैनिकन के आगे बढ़ावला नियम के रूप में तीन के समर्थन के 60% वॉल्यूम 3 बुकिक 77 जमना समय विरमा कमान ए बात पर अचरज में रहे की योजना पर लक्ष्य के हासिल करे खातिर हड़ताल के आयोजन कई से कई जाओ। हिटलर के साथ भई एगो मुलाकात में के इटल और जो दल तय करत रहने की कारण स्टेट के पुनोज के सेना के घेर सकेला। हिटलर ए बिथर के समापन एक निष्कर्ष से किलन के रूस ही विमान आतंक बल पहले ही से हार चुका बा। बस वो लोग के कराही में कटम करे के बाद चल बा। जितना जांग का हालदर रूस के ठोस नीत रही तो अवरी मजबूत जवाबी हमला के हवाला दे सावधानी पूर्वक संदेह जब मिले। आदित्य देखत हिटलर के रणनीति कारण के जल्दी जीत के बारे में अपन धारणा के भ्रम के बारे में आश्वस्त हो गयी। 6 जुलाई के रुंडरस्टेट क्लेस के 3 मोटर चालित कोर के साथ नवो ब्रादोलिनस्की के रास्ता से किले आगे बढ़े के आदेश दिले। 48वीं बर्दी चेवले बाकी सुप्रीम हाई कमान के मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमान दुश्मन के योजना के खुलासा कर दे लसी। अजब 6 जुलाई के जर्मन वेरिक सेवाजी को मेले घुस गए तो हमने के कथित तौर पर टूटल मशीनी कोर आफ्रंट एवेशन पर जवाबी हमला कर दे लसी। आगे बढ़ दुश्मन के बा 9वीं 28वीं मशीनी कोर 5वीं सेना के 31वीं राइफल कोर के साथ मिल के नवो ब्रादोलिनस्की और मार्क लेवास के दिशा में हमला के लस। पहला हमला में 298 विवेड़माक पैदल सेना डिवीजन के रेजिमेंट पूरा तरीका से नष्ट हो गयेला। क्लेस पिंक से मशीनी पुचर के संचार रोक दिहल गए। 19वीं मशीनी कोर 43वीं टीवी मोटर यूनिट तोपखाना के एगो समूह नवो रात के दक्षिण में हमला के लसगुल्सकीप के पास वोलिनस की आन नदी पर राजमार्ग जाइटोमायर कीव के साथ चलत जर्मन स्तंभन के रोक दिहलस। रुंडरस्टेट के पार्श्व में झटका लागल। जल्दबाजी में 6वीं रही चे नौसेना के बढ़ल सेना 7 पैदल सेना आडोगो मोटर 40 डिवीजन के उत्तर के उरा मुरे के पर जरना से की दिशा से हत्या दिहल गए। 15वीं मशीनी कोर एसोगुर्त्सो के 10वीं टीवी जर्मन लोग के मिरोपोल से बाहर निकाल दिहलस। आ मोर्चा के आखिरी रिजल्ट चिस्ताकुव के 24वीं मशीनी क्रीत को टेरणपोल रोजगुरो राजमार्ग पर ओलो पर जवाबी हमला खेलस। 19वीं मशीनी कोर के खिलाफ जवन 5 जुलाई के पश्चिमी मोर्चा में भेजल लोग ही समूह के यूनिट के जगह ले लेलस। आ 7वीं राइफल कोर के खिलाफ रुंडरस्टेट 14 गो डिवीजन फेंकले जेमे तिनका मोटर 40 भी शामिल रहले। बाकी जब क्लेस के तिनक नवो ब्रादोलिनस की नवंबर के बीच के खाई में उमड़ गए। मिरोपोल ओ लोग के मुलाकात 4 15वीं मशीनी कोर के संयुक्त टुकड़ी 15वीं के समय के टुकड़ी के उर्त्सो समूह में एकजुट की गयी से मिलल। गदेदार जर्मन PJIC के बा सोवियत इंक तोपखाना से सीधा झट में एक हल्का हथियार बंदा हल्का बख्तर बंगाड़े सब के बीच खास तौर पर नुकसान भय। 30वां जर्मन मोटर 40 कोर 13वीं 14वीं टैंक 25वीं मोटर 40 डिवीजन ओ लोग के खिलाफ आगे बढ़ी लेकिन हमने के सैनिक जवाबी हमला से जर्मन के अग्रिम यूनिट के कुचल दिहलस। 11वीं टीडी के मुख्यालय के हरा दिहलस। हाईवे नवंबर के काट दिहलस। मिरोपोल बर्दी चेवा चुदनोर के उड़ा बढ़ गए। एक साथ ही मोर्चा के विमान बम वर्ष का हमला और रेजिमेंट सब के सामूहिक हमला से क्लेस के तीन को अलम सब के रोक दिहलस। आसपास के जंगल सब में शरण लेवे के मजबूर कर दिहलस। बर्दी चेवाजाय रोमिर के इलाका में लड़ाई एक हफ्ता ले चलला असाधारण रूप से भयंकर चरित्र ले लिहलस। जवना के बारे में डॉचिस मोर्चा से लगभग हिटलर के रिपोर्ट के लिए आ हिटलर के बेहद चिर में डूबा दिहले। हालदर दूगो विशेषता वाला प्रविष्टि कैले बाद 12 जुलाई बेर्दी चेव इलाका में एक मंजर ग्रुप के मोर्चा पर एगो बर लड़ाई शुरू भई। दुश्मन सब नया फार्मेशन सब के लड़ाई में फेंक दिला मुख्य रूप से मोबाइल वाला जे दक्षिण पूर्व दक्षिण आ दक्षिण पश्चिम से इकरा पर हमला करे। 15 जुलाई के बेर्दी चेव इलाका में जवन लड़ाई जगह जगह खूनी जिदी रहे कम हो के लागल बा। 11वीं पैजर डिवीजन के 2000 आदमी के नुकसान भय। आप सिख खंड 3 किताब 1 परिष्ट 121-133 जर्मन जनरल फिलिपी युद्ध के बाद नोट कैले की सेना समूह दक्षिण के खिलाफ सीमा लड़ाई में रूस लगातार रक्षा से जवाबी हमला अवूरी जवाबी हमला में बदलत रहे जवना के नतीजा में हमने के सैनिक के भारी नुकसान भय जवन के 200 लोग तक पहुंच गए। प्रति डिवीजन प्रतिदिन के बाद
लड़ाई सब में महान देशभक्त युद्ध के पहले और सबसे बढ़ टिंक लड़ाई खत्म हो गई। मशीन कोड के कार्यवाही के बारे में बतावल गए। हमने के आरक्षण जरूर देखे हुए डोडेरी होने के लगे टिंक लड़ाई या आप लोग कवरी दुबनू के जोर सकतानी नाम सिर्फ एगो कन्वेशन है। प्रोफुरोव का के लगे 1943 के सुप्रसिद्ध टिंक लड़ाई के विपरीत जवन समय अजगर के हिसाब से काफी को अम्पैक्ट तरीका से भयल 1943 के टिंक लड़ाई समय अजगर में ढेर बिक्राइल निकलल। एकरा में मूल रूप से अलग अलग मशीनी क्रीत कोड के लड़ाई शामिल रहे जवना के चरण बद्ध तरीका से लड़ाई में पेश कैल गए रहे काहे कि उलोग शुरुआती लाइन पर आगे बढ़त रहे। ऐसे 1943 में टिंक लड़ाई के पूरा कोर्स के एक जुट तस्वीर दिहल मुश्किल बा दूसरा और ही तस्वीर अधूरा निकली। अगर मशीनी कोड में से हर कोड के लड़ाकू अभियान कम से कम मुख्य पल में रोशन न हो के गठन आप निशस्त्रीकरण के दौर में रहे वाला ए लोग के संगठनात्मक रूप से बेहतर टिंक दुश्मन के अचानक हमला के अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिस्थिति में लड़ाई में प्रवेश करके पर जवन पहले से तैयारी के लिए में कामयाब हो गई पहले से गणना की गई परिचालन योजना के अनुसार काम किया। योजना बट हड़ताल के पूरा गहराई खाते संसाधन के पूरा इंतजाम कैल गए रहे। हमला के पहला महीने से ही शाब्दिक रूप से लगातार जटिल होके वाला एक परिस्थिति में मशीनी कोर के पूरा कर्मी के असाधारण हिम्मत और सहन शक्ति के जरूरत रही। हमने के टैंक कमांड न खाली दुश्मन के मांच के झेले बलुक ओकरा पर अपना जवाबी प्रहार भी कई लेके उहार के कगार पर पहुंच गए ले अभूरी अंत में दक्षिण में सोवियत सैनिक के घेरे अभूरी हरावे के उनकर रणनीतिक योजना के नाकाम कर दे ले। योजना चार जुलाई 1941 के शुरुआत में टिंक लड़ाई के अंतिम चरण में नोवोब्राडोलिनस की अनोई मेरोपोल के लगे दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी क्रीत कोर के जवाबी हमला। 22वीं मशीनी कोर आपा अल्ला एपीटीबीआर के बा 22वीं मशीनी कोर युद्ध के पहला घंटा में लड़ाई में प्रवेश कैलस और कमांडर एमपी 22-29 जून के कोर पर वाला एप्टवर ब्रिगेड मेजर जनरल के एस ओ लोग के एकीकरण जमाना खाते कुछ असामान्य बाकी विशेष टवाला तरीका से भयल। मुस्कलेम को लाल पैकेज खोला के बाद एगो आदेश देख ले जबरन तरीका से मुजीचियन को के 6वीं सेना के तैनाती क्षेत्र में जाके जवना के बारे में कमांडर पाचन पोतापो के रिपोर्ट कई ले। लेकिन 22 जून के सवेरे की स्थिति बेहद तनावपूर्ण निकलन सेना के डिवीजन के मुर्के व्लादिमीर वोलिनस्की तक आगे बढ़े के समय न मिलन और बहुत दूर बिखराइल 22वीं के जल्दी से इकट्ठा न हो पावल। उनकर डिवीजन देश 41वीं और 19वीं पेजर आ 215वीं एमबी सीमा से 140 किमी दूर रहे। एकरा अलावा 41वीं जवना में 31 किमी टिंक रहे मुख्यालय से संपर्क को दिलस बाद में पता चलल की यही पैकेज के निर्देश के अनुसार उपको वेल गई रहे यानी कि मुख्य जर्मन हमला से दूर पोतापो के एमपी के पुनोस से 23 जून के दुश्मन के पार्श्व में हमला करे के आदेश मिला के बाद मुस्कालेम को के उड़मुरल हमरवा से कतानी के अंत में हम व्लादिमीर वोलिनस्की से बात करे के मांग करतानी अभूरी 22वीं मशीनी कोर के संगे मिल के दुश्मन के नष्ट का देले ब्रिगेड कमांडर अपना के कथित सिटी में पाले ले अभूरी जवाब दे ले के ब्रिगेडार वीज के हिस्सा है राउड मांग भी योजना के उल्टा अभूरी हमकरा के पूरा नहीं की कर सकत पोतापो मास्कोबा की उसी अनुमति लेबे के कोशिश के लन बाकी कौनो संबंध न रहे ओकरा बाद उ ब्रिगेड के 22वीं का साथे मिल के काम करे के आदेश देलन। मोब प्लान में दिहल काम के उल्लंघन के जिम्मेदारी हम लेत बानी आमोस कलेम को हो समझ की उ कवन जिम्मेदारी लेत बार यह आदेश के पालन करे के फैसला किलन एक फैसला से दोनों के महा खर्चा हो सकेला बाकी ऐसी मुद्दा के फायदा भयल बी एस रामरुचि के है ए लड़ाई सबके सामने मौलिकता हिम्मत से अलगा किल गयी। मार्च में ब्रिगेड बिना सैनिक के 22वीं एमके के मुख्यालय के एगो छोट स्तंभ के पकड़ लेलस कमांडर एस 1000 लड़ाकू विमान 276 देशा 85 मिनी बंदूक 70 गो भारी मशीन गन हवे पूरा ब्रिगेड पहिया पर बा आए कर मतलब होला गति गतिशीलता आप अंतराबाजी के क्षमता राष्ट्र में जंकर के ढेर लागल लेकिन हमने के एको विमान ना ब्रिगेड कमांडर एकमात्र सही फैसला ले वेले डिवीजन के तितर बितर होके अभूरी शेष गति से आगे बढ़े के शून्य में बम बरस गयल कौनो नुकसान न भयल। व्लादिमीर वोलिनस्की के आधा रास्ता में उलो जर्मन लो से टकरा गयी ले 13वीं 14वीं पेजर आ 298वीं इन्फैंट्री डिवीजन निकलल सीधे ब्रिगेड के खिलाफ देश 14वीं के बाद बिना पैदल सेना टैंक आ विमान के कवर के मिलन के लड़ाई भयल। आ जर्मन विमान ब्रिगेड के ऊपर लटकल रहे जवनों का चालक दल के जमीन पर दबावे के कोशिश करत रहे जर्मन अधिकारी एगो ध्वस्त तीन मुअब के निरीक्षण करत बाड़े 1940 लाल सेना के बख्तरबंद सेना में इतना ताकतवर टिंक की मौजूदगी वेर मा खातिर पूरा तरीका से आश्चर्य के बात रहे।
कि मुस्कलिम को याद कर ले कि इलराय आकितनाव के मामला में असाधारण रूप से भयानक रहे। जर्मन लोग कुछ देर हवाई अतोप खाना के तैयारी के बाद 203 की तेज गति से हमला में फेंक देहलस ब्रिगेड के घोड़े के समय न मिलल, लेकिन जल्दी से पलट गयी। कुंद्र सेवा मुस्कलिम को एनपी पर एक ऊंच ऊंचाई पर कब्जा कर ली ले। सग्र आदेश जारी हो गयी बा। अब सब कुछ अनुशासन, सहन शक्ति, बंदूक के चालक दल में कौशल, पहला डिवीजन अभी ट्री कमांडरन के आत्मसंयम से तय होला। दुश्मन के टैंक आगे बढ़ गए ले। आग आधुआ के एगो पिछने रख, टैंक में गोला बारूद फटक, गाड़ियां मोटरसाइकिल के उर्तो प्रागुमत रहे। लुक्स चाय वाला राजमार्ग के किनारे घाटी में जर्मन मोटर चालित पैदल सेना के लाश्करिया हो गए। ब्रिगेड के लड़ाकू भी मरहल बाड़े, बंदूक टूटल कुचलल चुप हो जाला। बाकी पीछे हटे के कोनो आदेश नहीं के लुट्स के पीछे। जर्मन 14 ने टीडी के कमांडर जेर से माथे पर हमला कर दी ले। उनका का उम्मीद रहे शायद ये तथ्य कि रूस एकरा के बर्दाश्त ना कर सकल आ पीछे हटे लागल, जिसे कि पश्चिम में अक्सर हो खट रहे भा शायद बाधा के कम जोड़ी। बाकी सोवियत ब्रिगेड कमांडर बेटरी के गहराई से एशियल क्रिय में कामयाब हो गिलन। उनकर कई दिन के लगे भय लड़ाई में ऐसे सिर्फ जानलेवा रूप से घायल हो गयी ले। उनका जगह चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वीएस दामरुचि के नियुक्ति भेल। धीमा गति से चले वाला ट्रैक्टर टीम के साथ न चल पावत रहे, ऐसे दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोर अक्सर बिना तोप खाना के सहारा के मिलत रहे। लड़ाई शाम के खत्म हो गई। जर्मन दर्जनों टीम कवूरी बख्तर बन गाड़ी, दर्जनों बंदूक गाड़ी अवरी सैकड़ों लाश पोजिशन के सोचा छोड़ गए ले। ब्रिगेड के नुकसान, कर्मी के साथ 3 बेहतरी। लुक्स क्राज मार्ग एक वर्क रेखा 22वीं एम के आई के पी टी बी आर के उपयुक्त इकाई जातुर्त से मेट्रो स्टेशन के लगे अपन जगह बना ली लस। जर्मन 14 ने टीडी के कमांडर अब की बेर और सावधानी से काम कई ले। केंद्र में दाहिना पार्श्व में झूठा हमला के प्रदर्शन कई ले। अंत में वो आगे पी जेडाईवी के संगे टीम के पचर बन वाले अवूरी आक्रामकता पर चल गए ले। गठन के मुनाफा ने विवाद बा, शक्तिशाली पी जेडाईवी पूरा लड़ाई के गठन आ पार्श्व भाग के कवच से धम कले। ओकरा बाद पी जेडाईआई हल्का पी जेडाईआई फिर मोटरसाइकिल सवारा मोटर चालित पैदल सेना मोटार आ बंदूक के साथ बख्तर बनकर मीवाहत पर। हालांकि ब्रिगेड कमांडर मुस्कलिम को अपन पैंतराबाजी खुद गई ले। ब्रिगेड खुद के बेस बदल के अंदर घुस गए और जर्मन कमांडर के बिना तो है कई ले के शक न भइल के उसी थे टैंक विरोधी इलाका में भाग गए। बारे लगातार 3 गोलाएं लुट जाए वाला राजमार्ग के धमकल आ सीधा फायरिंग से दोनों ओर 4 से 5 के नीले एकरे लगे पहुँचे ले। दो वो बटालियन रिजर्व में छोड़ दी हल गए। 22वीं एम के धूप खाना रेजिमेंट राइफल कोर के दो गो और बटालियन 122 152 मिमी के हो विजर के। जर्मन पचर सबसे पहले हमने के पोजीशन के केंद्र के काट के निकाले के कोशिश कई लस। मुस्कलिन को लिख ले बार की कालों से बहुत अधिक टैंक अब पैदल सेना रहे। इतना रहे कि लागत रहे कि पुराना जी जर्मनी हमने के उड़बड़ पा। हम कबूल करत बानी की एगो स्पष्ट चिंता हमरा पर कब्जा कर ली लसी। का हमने का अब की बेटी कल बानी जा। का हमने के लड़ाकू के सब कुछ सिखावल गई बा, लेकिन बंदूक के दल ब्रिगेड कमांडर के आदेश के सटीकता से निभाव लस। टैंक के 300 से 400 मीटर जाई देले अवूरी गोलीबारी के झोंका निकल गयी। तब जर्मन लोग घुल मिल गए, टैंक तैनात करे लागल, साइड के जगह ले ली लस। मोटरसाइकिल सवार आ पैदल सेना के साथ अधिकतम गति से दूसरा हमला के बाद 50 तक टैंक बख्तर बन गाड़ी, टूटल बंदूक की गंदगी आ मोटर वाहन युद्ध के मैदान में रह गयी। तब जर्मन 14 ने टीडी के कमांडर मुख्य सेना के पर के बाई और फेंके के फैसला कई ले, लेकिन यहाँ भी उनका से ब्रिगेड रिजर्व अवूरी हो विद जड़ के जानलेवा आग लाग गए। 5वें जर्मन हमने के रुख से आगे निकले के बेकार कोशिश कई ले। लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में जब लागल की जर्मन टैंक लुत्स तक घुसे वाला बारे तब 22वीं एम के 19वीं पैदल और 215वीं मोटर 40 डिवीजन के यूनिट और 135वीं इन्फेंट्री डिवीजन के हमला हो गए। 3 को सोवियत डिवीजन के सामने 5 जर्मन डिवीजन से भयल इन के हमला के भेद देगो उग्र दबाव से भयल। जर्मन लोग भारी उपकरण छोड़ के पीछे हट गए। राजमार्ग के किनारे लुट्स तक सफलता के असंभवता से आश्वस्त जर्मन कमान तो अर्जुन और उसेज के रास्ता से पार्श्व में वर्कराउंड खोजत रहे। ब्रिगेड मशीनी क्रीत कोड के कुछ हिस्सा 135वीं राइफल डिवीजन के साथ मिल के पहला एशियलन के तो अर्जुन में, दूसरा उसेज में आ तीसरा के लुट्स के बाहरी इलाका में तैनात खिलस। जर्मन लोग और सावधान हो गए। अब वो लोग आत्मूल के न चढ़ रहे। लगातार 30 से 40 विमान के समूह में सोवियत ठिकाना पर बमबारी करत रहे। हालांकि ओ लोग के हमला सफल न भेल। हमने के जानकारी के मुताबिक दुश्मन के ओर से तो अर्जुन के लगे 19 टैंक, उसे के लगे अवूरी 20 टैंक के नुकसान भेल।
ओकराबाद जर्मन कमांड उत्तर और दक्षिण से लुट्स के बाईपास लेके कोशिश कई जवना के चलते नदी के मजबूरी हो गई स्टायर के बाद इस समय तक व्लादिमीर वोलिनस्की पर जवाबी हमला में 22वां MK के भारी नुकसान भी होकर 19वां TD लगभग सजीती दर आ गई गो कमांडरन के गवा दिलस कुर 43वां TD के 73 मीटर हो गई और राइफल डिवीजन और अलग अलग यूनिट के हमला के समर्थन खातिर बटालियन दर बटालियन के इस्तेमाल होके लागल 50 मिमी के तोप से लैस जर्मन PZII के नष्ट कर दिलस 1943 में जर्मन बख्तर बंदी कायन के मुख्य तिंक 25 जून के ब्रिगेड पोतापो के आदेश पर रुजिश इलाका में चल गए नदी के ऊपर से पार करने के इंतजाम के लस 22वीं MK आ 27वीं राइफल के स्टायर यूनिट 28 से 30 जून के रुजिश इलाका में जर्मन ब्रिगेड के परिसमापन में भाग ली लस ब्रिगेड बी शतिन की लड़ाई में एगो शक्तिशाली स्ट्राइक फोर्स के प्रतिनिधित्व करत रहे गनलो के हरकत में हिम्मत अधिकता के भेद रहे अकेले रह गए बंदूक कमांडर पी टुकिन आखिरी गोला से करीब से 5वां टीम के खटखटा दिले छतवा पर कुछ होना मारल गैला बंदूक के साथ ही तुगिन उपरा पटरी के नीचे मर गए साजेंट एन मोस्कालेव कई को तिंग जुड़ा दी ने आ जानला हुआ घाव मिला के बाद डोरी खींच के एक और टंकी के बाहर निकाले में कामयाब हो गए लेफ्टिनेंट एलो अभिनन को के बेटी के पोजीशन पर भैला हो जा एगो जिज्ञासु घटना भी दर्ज भैल जब बच्चे वाला जर्मन टिंग पीछे मुड़ तब बटालियन के कमांडर एगो मेजर ध्वस्त से उत्तर के झूलत खड़ा हो गिलन लागत रहे कि स्तब्ध स्तब्ध हो गए रहले अब फिर हमने के पोजीशन का उड़ बढ़ गिलन उनका के मोस्कालेम को ले जाए गई लम्हा चुपी साधला के बाद जर्मन अफसर कहले कि उनका रूसियन से अपना ठुकावे के उम्मीद न रहे मोस्कालेम को उनका के जवाब दिलन आरोरा अभियों जीत के भरोसा करत बानी देश नायर फूरन उकरा के ना देख पाई निजी तौर पर अगवाई बात देख चुका बानी ब्रिगेड के जिदौरी ताकत के जर्मन 14वीं TD के कमांडर भी पहचान ले रहे अपना आदेश में उल्लेख ले की तोपखाना के गोलीबारी से डिवीजन के भयानक नुकसान भयल जर्मन लोग ब्रिगेड में पर्चा फेंकल जवना में धमकी दिहल गयल की दया के उम्मीद मत करी आयशारा किल की बात ओ लोग पर भी लागू होला जिकरा की कैदी बनावल जाये 29 जून के पास में सेना नंबर 9 के ऑपरेशनल सारांश में इनोट कई गई रहे कि 23 से 27 जून की अवधि में एक एंटी टैंक ब्रिगेड दुश्मन के मोटर चालित पैदल सेना तोपखाना अवरी टीम के संगे बार बार लड़ाई लड़लस कुल मिला के इस दौरान दुश्मन के 150 टैंक नष्ट हो गए लवरी नो आउट हो गए सोवियत संघ के रक्षा मंत्रालय के अभिलेखागार एस 229 आपस 161 पाई 166 एल 16 यहां तक कि इस तथ्य के ध्यान में रखकर कि में आमतौर पर ओलोक के रिपोर्ट में दुश्मन के नुकसान के 2 से 3 गुना बढ़ा चढ़ा के देखावल जाला ये कोनो खराब परिणाम ना होला नष्ट सोवियत टैंक मध्यम टी नल अग्रभूमि में हल्का बीती 1943 के गर्मी में भयल 15वीं मशीनी कोर के बाद मेजर जनरल आई कारपजो के 15वीं मशीनी कोर दक्षिणी समूह के हिस्सा रहे जो दक्षिण से क्लिस्टिन के पचर पर हमला कई लस एकरा के अपेक्षा कई पूरा मानल गए एमे 933 गो टैंक रहले जिनमें 64 गो केवी टैंक 72 गो टीधन भी शामिल रहले लेकिन इमारत में व्यावहारिक रूप से कोनो गाड़ी न रहे 212वीं मोटर 40 डिवीजन कोर पैदल निकलल राज्य के 8 रेडियो स्टेशन में से सिर्फ 2 रेडियो स्टेशन रहे 22 जून के घबराहट में पल कोर के MP हमला की तैयारी खातिर कुछ घंटा के समय रिहल गैला कोर कमांडर जंगल आदल दली इलाका के 70 किलोमीटर के पति में बिखराई डिवीजन के आगे बढ़ावे लगले 10वीं देखो 37वीं आ 212वीं अन्य खंडन के गैर परिवहन 212वीं तमाम फोर्सिंग के संगे शुरुआती इलाका में 2 दिन बाद ही पहुँच सकत रहे यही बीच जर्मन 48वीं मोटर 40 कोर के एडवांस यूनिट बमवर्षक विमान के सहयोग से रादेपुर के नजदीक आवत रहे और वहां पैरात्र पर गिरावत रहे जर्मन लोग मार्च में बेरहमी से कारपेजो के कुछ हिस्सा पर बमबारी किया कारपेजो एह मोर्चा के मुख्यालय पर बमबारी किले आ गोला बारूद ईंधन आभूजन के परिवहन खातिर कम से कम 20 से 30 गाड़ी आवंटित लेके निहोरा किले मुख्यालय के मदद न मिलल सब परिवहन राइफल कोर के मोर्चा में स्थानांतरित करने में व्यस्त रहे कारपजो के आतभियो कारपजो 48वीं के कमांडर से आगे निकल गिलन 22 तारीख के सोवियत कमांडर दुगो बटालियन के एक अग्रिम टुकड़ी के रादेपो में स्थानांतरित करे में कामयाब हो गिलन जवन सवेरे 8 बजे लड़ाई में प्रवेश किलस लैंडिंग फोर्स के नष्ट कर दिलस आरा देखो क्षेत्र में रक्षा के आयोजन किलस
टेस्टून के सभी जर्मन लोग एगो भारी श्रेष्ठता पैदा करके हमने के टुकड़ी पर हमला कई लस बटालियन के कमांडर लोग पेंगे इलाका के सिल्वत में छिपा के मुख्य रूप से उही जगह से को अलंग के गोली मारत रहे। और जब गोला बारूद खत्म हो गयी तो लोग कुछ दक्षिण ओरा पीछे हट गये। हमने के आंकड़ा के मुताबिक जर्मनी के नुकसान 20 टैंक, 16 एंट्री टैंक बंदूक मोटर 40 पैदल सेना के संगे लगभग 20 गाड़ी। टुकड़ी के नुकसान 6 टैंक, 20 बख्तर बंद वाहन, 7 लोग के मौत। टुकड़ी के लड़ाई में पैदल सेना अबूरी तुपखाना के समर्थन न मिलल जवन की अभी तक मार्च पर रहे। कार पे जो 60 हमला की स्थिति पर डिवीजन के केंद्रित न कर पवला के चलते वो लोग के कुछ हिस्सा में लड़ाई में ले आवे के पड़ी। जमुना से कौनो निर्णायक मोर न आये दुश्मन के बारे में उनकर मुख्य सेना के बारे में औली हमला के दिशा के बारे में सहयोगता के कमी के वजह से भी ऑपरेशन जटिल हो गयी। लेकर वजह से पहला घंटा में 37वां अदामा इलाका में जर्मन टीम के एगो समूह के नष्ट करे के काम मिलल। जहां जई से के बाद में पता चलल की टैंक नार्वे डिवीजन के 6 घंटा के लड़ाकू समय बेकार में गंवा दिहल गई। और मार्च में व्यवजा नुकसान भई मोर्चा के मुख्यालय कमांडर के 2-3 गो जर्मन डिवीजन के बारे में जानकारी देते रहे असलियत में 2 गुना ज्यादा रहे। जर्मन 48वीं मोटर 40 कोर के कमांडर 15वीं मशीनी कोर के डिवीजन के 2 गुना श्रेष्ठता से कुचल देवे के कोशिश कई। लेजी टैंक की लड़ाई दिन रात चलत रहे। मशीनी कोर दुश्मन के टैंक हमला के न खाली रोक लस बुलुक साहसी जवाबी हमला से वापस फेंक दे लस। लड़ाई 25 जून के चरम पर पहुंचल रहे। 10वीं टैंक एस ओगुर्त्सो व तीसरा दिन बिना नींदा आराम के लड़ाई लड़। 20वीं टैंक आ 10वीं मोटर 40 राइफल कर्नल टेलियनस की आपशेनित सेन के रेजिमेंट के कमांडर लोग 10वीं होविटर रेजिमेंट के समर्थन से सवेरे जवाबी हमला के ला दुश्मन के रक्षात्मक रूप से जाए खातिर मजबूर कर दे लस। खुद के नुकसान 4 केवी अवूरी 7 बीती जुको और किरपुनोज के आदेश से 15वीं मशीनी कोर के भारी नुकसान भयल। और 4वीं एमके से 8वीं टैंक डिवीजन के ओर से मजबूत कैल गई। टैंक के जवाबी हमला के योजना के मुताबिक 8वीं मशीनी कोर के संगे मिल के बेरेज टेको के दिशा में हमला कई ले। लेकिन एगो विसंगति रहे देशात व पेजर के 26 जून तक नजदीक आवे के समय न मिलल। 8वीं एमके एन पोपल कारपेजो से पहुंचल प्रतिनिधि कहले की कोर दुश्मन से कसके जूझलस। लड़ाई में 3रा दिन नुकसान बहुत बा मोर्चा के क्रम तक पता बा लेकिन मोर्चा के मुख्यालय के जाहिर तौर पर कोर की स्थिति के जानकारी नहीं खे। हड़ताल में खाली एगो 10वीं डिवीजन भाग ले पाई बाकी 2 गो भाग कहल जाओ की ओबे से जवन बाचल बा उ चौड़ा मोर्चा पर शामिल बा। निष्कर्ष निकले की हम ऑपरेशन के मतलब अमूरी एकर डिजाइन समझता नहीं। बहुत खुशी से हम रौरा साथे मिल के फासिस्ट समूह के आह के नीचे माच देती लेकिन डॉट आत भयो 27 से 28 जून के 8वीं एमके के पार्श्व में 8वीं आ 212वीं डिवीजन के नजदीक आवत 10वीं के हमलाए बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभावलस की जर्मन 48वीं मोटर 40 कोर की स्थिति गंभीर रहे। जर्मन 15वीं मशीनी कोर के यूनिट के जवाबी हमला के सामना न कर पवले और ही कुछ इलाका में 8 से 10 किमी पीछे फेंक दिहल गये। एगो बहुबुर्ज वाला 1943 के गर्मी में नोक आउट हो गयी। कुल मिला के एमए से लगभग 120 टैंक दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के 4वीं आ 15वीं मशीनी कोर में रहे। बहुत नकारात्मक रूप से कुर के कार्यवाही कमांड कैसलिंग प्रभावित काम में लगातार बदलाव 24 जून के जी के चुकुव के आदेश से कुर के राधे को के लगी लड़ाई से हटके 8वीं एमके के साथ दुगनों पर हमला खातिर द्रौपदी के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित होके के आदेश दिहल गये। वो लोग पीछे हटे लागल लेकिन 25 तारीख के सवेरे एगो नए आदेश में लल वापस आपके 4 तारीख के सहयोग से रा देखो सोकल्प हमला की तैयारी कैल जाए। टंक के पीछे मुड़ गए कुछ घंटा बाद सैनिकन से मोर्चा के मुख्यालय में लव टर्ल्स को आदेश के रद्द करने के मांग के लिए आज 27 तारीख के सवेरे बदी इलाका में 2 कोर के साथ एगो शक्तिशाली जवाबी हमला करे के गिनती खेले। एकरा बाद वापसी के आदेश आयल की कौनो कठिनाई और 28 जून के उपकरण के तकनीकी स्थिति के बावजूद बेरेज टेको के दिशा में आगे बढ़ी। बाकी जवान चीज लोग के मंगावल जा सकेला उकरा के मटेरियल से मांग ना कल जा सके बसू बेकार हो गयी स्क्रिप मेटल में बदल गयी। एकरा अलावे कोर के अपन कमांडर के मौत हो गयी जवन की बम विस्फोट से गिर गयी। गजब के बाद भयल कमांडर कारपजो के मरल मानल गयी दफना दिहल गयी लेकिन जल्दी एडवांस राजनीतिक अधिकारी आई लुटाई के संगे कमांड पोस्ट पर वापस आ गए ले। एगो दोस्त के मौत से चौके उबौकला गए ले। का कारपेजो मर गए बा हमरा विश्वास न के होत कब्र खोद के निकाल ली उकरा के आश्वस्त गिर गए मनाली हल गए एकरा से कौनो फायदा ना भइल फाड़ देलस। आ अपना दोस्त के अलविदा कहत लुटाई के देह में गर्मी आ कमजोर नारी पकड़ लेलस कमांडर के अस्पताल भेज दी हल गई।
इकराबाद कारपजो और कैलगु सैन्य मामला बनोले 15वें मशीनी क्रीत कोड के लड़ाकू अभियान जुलाई में समय के टुकड़ी में खत्म हो गए। जमुना के खम ककियो गुर्सो समूह में राखल गए। सड़क के किनारे ती दगधूम्र पान करते हुए ए टैंकन के बढ़न संख्या तकनीकी कारण से फेल हो गई। लाओ लोग के अपन चालक दल नष्ट कर दे लसी। 8वीं मशीनी कोर के बाद 8वीं मशीनी क्रीत कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दीप आई प्रियाभिषेक राजनीतिक अधिकारी ब्रिगेड कमिश्नर इन वी गोपल चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल ए वी सिजन को लगभग पूरा तरीका से आदमी से भरल रहे। जमुना में 932 सिंह रहे। जमुना में नवीनतम केवी अवूरी तीधन के 169 द बाकी 763 गोपुर डिजाइन सबके मोटर संसाधन 500 के में से ढेर न रहा। इन्हें से लगभग 200 गो के फैक्ट्री मरम्मत के जरूरत पड़ ली। लड़ाई के दौरान कोड के कार्यवाही सबसे सफल और नाटकीय रहे। डी आई रामबिशेर के है युद्ध के प्रकोप उनका के अचरज में न डालस। 20 जून के ही कोवो मुख्यालय के आदेश से 8वीं एमके के सब टेंट में ईंधन भरला और गोला बारूद मिलल रहे। 045 पर सेना के कमांडर 26 को सिंह को चेतावनी दिले की तैयार रही। आदेश के इंतजार करी 4:30 बजे चीफ ऑफ स्टाफ वरणी को हमला के खबर देलन। अचेत वाले के उकसावे के आगे मत झुकी। बिना आदेश के दुश्मन के विमान पर गोली न चलावे के चाही। इफुन ठीक को ही घड़ी आयल जब दुश्मन के हवाई हमला द्रोह बीच पर भयल रहे। शहर पर मशीनी कोड के बैरक पर रेलवे स्टेशन पर बम बरस गए। रिया बिशेव फोन रखला के बाद आपको सेकेंड के संकोच के बाद आदेश ले लेके विमान विरोधी गनर गोली चलावे। ए चापा मारी से खाली कर्नल गिरासिमोव के साथ विमोतर 40 डिवीजन के रेजिमेंट के नुकसान भेल। 70 लोग मारल गए। 120 लोग घायल भेल। जवडा के समय रहते जाया के आदेश न मिलल। कुल तुरंत 26वीं आ 6वीं सेना के मुख्यालय मोर्चा के परस्पर विरोधी आदेश के क्रोसियर के तहत आ गए। 22 से 25 जून के दौरान भी मतलब जबरन मार्च किलस योजना 5 22 जून के कोस्टिंग को सामबी तेरनुकल पर जर्मनी के हमला मान के कुर के सामबी ड्रोहोविच से 80 किमी में एकाग्रता के आदेश दे ले। रास्ता में 34वीं टीडी के अग्रिम टुकड़ी कर्नल आई वासिले जनरल जी शेरफ ट्यूब के 42वीं डिवीजन के साथ हेमिल के जर्मनी के नदी पार करने की कोशिश के पीछे छोड़ दी ले। सैन अपना तिंका मोटर 40 पैदल सेना के पूरा तरह से नष्ट कर दी ले। 20:00 बजे डिवीजन संबोर पहुंचल। लेकिन 20:00 बजे फ्रंट कमांडर एम पी पूरा भैल 80 किलोमीटर के मार्च के मतलब खत्म हो गए। कोर पीछे मुड़ गए। बाकी निर्धारित इलाका में भी पहुंचे से पहले मुजीचियन को के एगो आदेश मिलल। जमुना के दिशा बदल के 180 हो गए। देश 23 जून के 12 बजे लियावरो में आ 24 तारीख के सवेरे 6वीं राइफल कोर के संगे मिल के जर्मन के राज्य के सीमा के पार धकेल दिले। 17:00 बजे 8वीं एमके के एगो डिवीजन के अग्रिम टुकड़ी यावरो में घुसला। 1 घंटा बाद 18:00 बजे रिया बिशेर के सामने के मुख्यालय से एगो और आदेश मिलल। वो के पूरब में ब्रो इलाका में आ 15वीं एमके के सहयोग से केंद्रित हो जाए। 24 जून 1943 के सवेरे से स्थिति के अनुसार दिशा में दुश्मन के टेंट पर हमला आनष्ट कर दी हल। कोर पीछे मुड़ गई और रात 23:00 बजे तक जर्मन टीम के वो रोग में घुस गए। योजना 5 22 जून से 25 जून 1943 तक 8वीं मशीनी कोर के मार्च 3 दिन तक कोर मंत्र मुद्र त्रिकोण स्त्राई इलवा पजेमिस्ल में इधर उधर तो अस्खिलस। एक झलक उच्च मुख्यालय के फैसला के असंगति से लुकत रहे जवन दुश्मन के अपेक्षित कार्यवाही से निकलल रहे और इस स्थिति के आकलन करे में लगातार देरी हो खत रहे। जब तक कि मोर्चा के कमान कोर के प्रंत स्ट्राइक पर निशाना न बना ले लस बमबारी के तहत टिकाऊ फोर्स मार्च में और दुश्मन से छोट मोट झट में कोर के आदमी और उपकरण के नुकसान हो खत रहे। 23 जून के सवेरे 7वीं एमडी दुगो बटालियन के मदद से एक पैराशूट हमलावर बल के नष्ट कर दे लस। जवान रेलवे आराज मार्ग के जंक्शन स्ट्री पर कब्जा के कोशिश करत रहे। आ मोटर 40 पैदल सेना आ मोटरसाइकिल बटालियन वाला जर्मन टीम के उलेवरोव को अलम 34वीं टीडी से टकरा गए। जर्मन लोग अपना के निशाना के रूप में उजागर करत आत्मविश्वास से हेडलाइट जरा के चलत रहे। डिवीजन कमांडर कर्नल आईवी वासिली सर्क के दोनों ओर बेकरी रखे को अलम पर को पॉइंट ब्लैंक गोली चला दे ले। ब्रो अभी के मार्च से पहले 8वां एम के अपना के मुश्किल सिटी में पा गए। लोग ओर से गिर गए ले। चालक पहिया पास उठ गए ले। मटेरियल के तकनीकी निरीक्षण के जरूरत रहे लेकिन पीछे के हिस्सा पीछे रह गए। ईंधन भरला के काम बचे के बा इरास्थल वो से होके बा जहां दुश्मन के यूनिट पहले ही से काम कर बाड़ी सा कुमकोड़िया विशेष के गार्ड काटे के पर अब 5:00 बा 10:00 बजे बोले खातिर
सब ईंधना चिकनाई आगे के टुकड़ी पीछे से ईंधन भरला के इंतजार करने के मुख्य ताकत शेर से बचल नहीं खे जा सकत। वासिल 34वीं तिथि लिविल से बस नौदी मिशानीन 12वीं तिथि आगे राशि मोह 7वीं एमडी देश दक्षिणी सड़क के किनारे को रोहित सा पड़ जाए वाला बा मोटरसाइकिल बटालियन के लोगों के क्षेत्र से गुजरे के सुनिश्चित करें। दो दिन लेकर मंदर जर्मन सब मशीन गनर के शोरदार रणनीति के माध्यम से देख ले डर घबराहट पर भरोसा करत लिविव में उगलो से लड़ाई भई आई यहाँ तक कि अतारे आता थाना में बसल स्थानीय राष्ट्रवादी लोग से भी बस में जर्मन मोटर 40 डिवीजन के अग्रिम टुकड़ी के हरा बिहल जमुना के रूसी टैंक से मुलाकात के उम्मीद न रहे। नक्शा के ऊपर 8वीं एम के दिरी अभिषेक के कमांडर राजनीतिक अधिकारी एम पुंपल जून 1947 के भेल कोर 25 जून के बौद्धी पहुंचल रहे जमुना में सर पर 50% तक के टिंकवूरी तुपखाना के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा के नुकसान भेल रहे। मौका पर कोर कमांडर के दुश्मन के बारे में कौनो जानकारी न मिलल और स्पष्ट काम स्थिति के दिशा में हमला करे के जाहिर तौर पर खुद गोर द्वारा तो ही के संगठन मान लेलस। एक छोट रात में बहुत कम जानकारी जुट गई। बाई ओर के पड़ोसी देश 15वां के सिर्फ एक डिवीजन के संगे हमला का सकट रहे बाकी डुगो 70 किलोमीटर के चौड़ा मोर्चा पर जर्मन हमला के रोक दे ले रहे। दाहिने ओर के पड़ोसी के उम्मीद न रहे वादा कैल गई डिवीजन न पहुंचल। हमला के मोर्चा जंगलिया दलदली इलाका है जमुना के पार पांच गो नदी बा जमुना के दलदली किनारे 2 से 3 किमी के बाद इन खातिर एक रासे बुरा के बारे में रवा कल्पना ना कर सके ने। लेकिन 7वीं एमडी के रेजिमेंट अचानक रात के हमला के संगे नदी के किनारे एगो पुल के सिर पर कब्जा कर लेलस। हाथी के बा लागत रहे कि दुश्मन के उम्मीद ना रहे कि रूस दलदल के बीच से लापरवाही से आगे बढ़े है बाकी तुहे अपन फायरिंग सिस्टम के खुलासा न कर लसे खाली अलग अलग फायरिंग प्वाइंट देखल गए। ऐसुना में जनरल अभिषेक 26 जून के 9:00 बजे बेरेज कोलायव के दिशा में दुश्मन पर हमला करे के फैसला कर ले योजना चे दुश्मन खातिर झटका अप्रत्याशित रहे लेकिन सोवियत इनके हमला में घना गोलीबारी और 40 से 50 विमान के समूह में हवाई हमला भई कोर के कमांड पोस्ट बम के नीचे गिर गए लवूरी बहुत कमांडर बेकाबू हो गए ले। 34वीं 12वीं पैंजर डिवीजन के हमला सफलता पूर्वक विकसित भई विपक्षी यूनिट के नष्ट कर दिलस ओकरा पर कब्जा कर लीलस उ लोग लेने मुख्य टैंक विरोधी केंद्र की ले लिहल 34वां बेरेज टेको के अप्रोच पर पहुंच गए। जर्मन मोटर 40 कोड 48 के भारी नुकसान भैला के बाद नदी के दाहिना किनारे पीछे हट गयी प्रियाशोव का आरक्षात्मक पर चल गिलन। 34वीं टीडी के कमांडर कर्नल आई वासिलेव लड़ाई के संगठन के आलोचनात्मक आकलन कैले की आक्रमण घिनौना तरीका से संगठित आलोचना की गुड़त बयान देत बानी खास करके ऐसे के घिनौना हमरा पर लागू होला कोर मुख्यालय के ही न तो दुश्मन के बारे में पटा रहे न ही पड़ोसी के बारे में वादा किल गई विमानन कहा हमरा खातिर काम जल्दबाजी में तय हो गई रहे आ हम जल्दी बाजी में सेट कर देनी हमला बिना तो ही के बिना तो ही के बिना तो खाना के तैयारी के शुरू भइल हमार दाहिना पार्श्व खुलल बा लेकिन पता चलल की पास में घुड़सवार आ पैदल सेना के यूनिट रहे उ लोग हमने के हमला के बारे में भी न सुन ले रहे। हमरा वहां से कहबानी की ओ लोग से संपर्क करी ओ लोग के बातचीत खातिर बात करी डिवीजन 40 किमी आगे बढ़ सकेला आधा लोग उत्पीड़न गुवा सकेला लड़ाई कैसे जीतला कितना सफल रहल हमने के जर्मन रेजिमेंट के फ्लैंक से टकरा गई नीजा 11 दिन की पूछा 16वीं के टैंक डिवीजन के प्रमुख से टकरा गई नीजा हम समझ गई नी गति तय करेला ओ लोग के होश में न आवे दी मुर्के न आवे दी फिर से समूह न होके दी कटाई आ कटाई पैदल सेना के आगे बढ़े दिले ओ लोग के कुंवर गिरा दिलसी तुहे कैलसी यह बातचीत है। 26 जून के या विशेष 27 तारीख के सवेरे हमला जारी रखे के आदेश दे ले रिपोर्ट भेज ले इमानत की कमांडर सफलता के आगे बढ़ावे के फैसला करी है लेकिन फिर जवाबी हमला के संगठन में विसंगति पैदा हो गयी। 27 जून के सवेरे 4 बजे एगो आदेश मिलल 8वीं एमके के फ्रंट लाइन रिजर्व में 36वीं कोर के पीछे के उर क्रेमिनेट्स कोड कामैन के लाइन में वापस ले जाया के उलो जल्दबाजी में बंटवारा के लड़ाई से वापस लेवे लगले लेकिन 6 बजे के बाद 40 मिनट के बाद एगो नया आदेश आयल 27वीं के सवेरे से 8वीं एम के बौद्धी इलाका से दुगनों के दिशा में आगे बढ़ के शाम तक दुगनों पर कब्जा कर लेला। दिन के अंत सबसे खराब तरीका से भयल जमुना के दुखद नतीजा कोड खाती भयल तिधन लोगों के सर पर छोड़ दिहल गयल 34 के एको अविश्वसनीय वन चरण से अलग गिल गयल साइटलच वाला स्पेयर गियर वो अक्स जवन अक्सर खराब हो जात रहे टंकी के इंजन डिब्बा में बांधल रहे। जून 1947 के भयल
लगातार विस्तृतण के बाद कुर्ने तीन गो अलग थलग समूह शामिल रहले। फिर से समूहबद्ध तो यहाँ रिप्लेनिशमेंट के जरूरत पड़ेला। मुख्यालय रुद्दंगया को जिनके शुरुआती ठिकाना से दुगनों पर हमला के योजना बनावे लागल। लड़ाई के क्रम दू को स्तर में बा पहला में देश 34वां 12वां टीवी, दूसरा में देश 7वां एमडी। राजमार्ग के किनारे मुख्य झटका दो अड्डी दुगनों। तैयारी में कम से कम एक दिन लागल, लेकिन योजना के विकास के दौरान अप्रत्याशित घटना घटल। सवेरे 9 बजे इन वाशुहीन अभियोजक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष उली लड़ाकू के एगो पलटन के संगे कुड़ के कमांड पोस्ट पर पहुँच ले। एकरा बाद एगो कठिन दृश्य सामने आये। जवन कमांड कंफ्यूजन और लाल सेना के कुछ शीर्ष कमांडरन के नेतृत्व शैली के परिणाम रहे। इन पोपल उनका बारे में एगो गवाही कठिन समय में किताब में छोड़ ले बाड़े। अनिवास भिन्न प्रकार के मालिकन के रहले। जवन की कुख्यात एल मेकलिस के मूर्त रूप देत रहले। सीधा तर्क के संगे स्थिति के जटिलता के ध्यान न देत रहले। अवूरी कौनो संदेह, अवूरी देरी में देशद्रोह, अवूरी तोड़फोड़ के शक करत रहले। वशुगिन सेनापति के रिपोर्ट न सुन ले, लेकिन नजदीक आके खिसिया के एगो मुहावरा फेंक ले। जवन सबके स्तब्ध कर देलस। यहूदा कितना में बेच ले बारूद या विशेष के बोले के कोशिश बंद हो गई। फील कोर तुहार बात सुन ली गद्दार, यहाँ पाइन के पेड़ के नीचे हम सुन के गोले चला दे। वशुगिन पोपल के हस्तक्षेप करे के कोशिश में भी टोक ले। एगो गद्दार वाला स्टाफ वकील, लेकिन पोपल तगो सैन्य परिषद के एगो सदस्य के घेराबंदी करे में कामयाब हो गए ले। अनिवासुगिन के है वो लिख ले बाड़े की हम उनकर खुद के हथियार बिना सबूत के आरोप देश और के इस्तेमाल गई ने ई कौनो सचेत स्वागत न रहे। गुस्सा के प्रेरणा मिलल। अभी तक पता नहीं कि वो लोग कौन विचार के मार्गदर्शन करे ले। जवन की आदेश से लड़ाई से हल इलाका के दुश्मन के देवे खाती मजबूर करे ले। वशुगिन जिसे ठोकर खात रह ले। उन कड़ावाद में उलझन फिसल गिल के आदेश दिहलस के रौरा इलाका छोड़ दे। कापी सतपाड़ू राबिशेर रिपोर्ट कर ले बानी। मुश्किल से रिपोर्ट सुनला के बाद वशुगिन आदेश देत बारे 20 मिनट में आपन फैसला के रिपोर्ट कर दिया। अभिषेक 20 मिनट बाद रिपोर्ट कही ले की कोर्ट काल सवेरे तक ही रिक्रूटिंग पूरा कर सकता। वशुगिन 20 मिनट के बाद फैसला अवूरी आगे। प्रिया अभिषेक आपका हुई। वशुगिन हम रवा के आदेश देत बानी की तुरंत आक्रामकता शुरू कर दी। शुरू ना करब तो हम तोहरा के पद से हत्या दे मुकदमा में डाल दे। आओ खुदे क्रम देखते करेला ऐसा साइन करेला की स्याही के चिंता उड़ जाओ। तो आत्महत्या के फैसला भैल की कोर के तो क्रम में लड़ाई में ले आवल गई। शाब्दिक रूप से एक कदम पर एगो मोबाइल समूह के निर्माण भी। कर्नल वासिल के 34वीं टीवी, लेफ्टिनेंट कर्नल वोल्कोव के 24वीं टीवी, 12वीं टीडी से 27वीं मोटर चालित रेजिमेंट। इस समूह में करीब 203 कवरी 9000 तक के आदमी शामिल रहले। कमांड पोस्ट से निकलत वाशुगिन आदेश दे ले की मोबाइल ग्रुप के कमान पोपल के हुए। उनका उरमुर के उजूरलन सांझ ले दुगनों पर कब्जा कर ले तो इनाम मिल जाये। नालेब तो हम तोहरा के पार्टी से निकाल के गोली मार दे। 8वीं एम के से 3 धन तकनीकी कारण से किनारे पर छोड़ दी हल गए। इधर दिखाई देवे वाला बहु बुर्ज वाला भारी ब्रेकअप टैंक इंजन के नए का बेहद पैंतराबाजी करे लायक युद्ध में व्यावहारिक रूप से बेकार निकलल। इस समूह के व्यावहारिक रूप से कमान आई वासिल के रहे। दुगनों में उनकर सफलता उनकर फैसला के बोल गणेश से अलग बा। अचानक जर्मन के पीछे से टकराया के 27 जून के 14:00 बजे प्रस्तुति भइल। पहला एशेलोन में वोल्कोव के टैंक रेजिमेंट मार्च किलस, दूसरा में स्मिरनोव के टैंक रेजिमेंट रेलवे आराज मार्ग के किनारे मार्च तेलस। टैंक वोल्कोव तीन दुगनों के दक्षिण पश्चिम अपश्चिम के बाईपास के लसा मोटर चालित बटालियन वाला एगो भारी कैवी कंपनी दुगनों के पूरब में रिंग के बंद कर देलस। गणना जायज रहे। मोर्चा लाइन पर मौजूद दुश्मन के अचरज में पर गई। जर्मन लोग धूप से कत रहे आ बहुते लोग अपना टैंक बंदूक आशो अर्थ में खाई में भाग गए। उलो जल्दी से नष्ट हो गए बिना स्तंभ के गठी तथीमा कई ले। कुछ देर बाद दुश्मन के 11वें टीडी के रेजिमेंटल और रियर को अलंग के उड़ते कर देलस। लापरवाह जर्मन हमने के टैंक के अपन टैंक के गलती से समझ लेलस और कुछ मिनट के लड़ाई के बाद वो सब खत्म हो गए। दुश्मन के बेहतरी वर्वा के बाहरी इलाका से टकरा गए, लेकिन डिविजनल कमांडर आदेश दे ले की इनमें शामिल मत होगी आगे जब तक लोग के होश न आवे। जर्मन 11वें टीडी के मुख्य सेना के साथ ही लड़ाई एगो चौड़ा राय के खेत में खुला लड़ाई भयंकर अखूनी रहे। रेजिमेंट के कमांडर आई दी वोल्कोव की मौत हो गई। जवन की अंतिम समय तक जरूरत टैंक से गोली चलावत रहले, लेकिन उनका 34 अवूरी केवी के झटका से लड़ाई के नतीजा तय हो गई।
ग्यारहवीं टीडी के कमांडर जर्मन जनरल मिल्चे मुश्किल से हवाई जहाज से उड़े में कामयाब हो गयी और मुखिया के नेतृत्व में उनका मुख्यालय के बंदी बना ली हल गयी। मुख्यालय के अफ्रेजी में एगो जिज्ञासु दस्तावेज मिलल दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के कमांडर रेजिमेंट से आ ऊपर से खातिर विशेषता वासिलियु के बारे में एगो रिकॉर्ड मिलल। एक तो उत्कृष्ट रूसी कर्नल परिचित होके उ टिप्पणी कई लेकी आज हमनी के उलोक के एगो रोशनी दे विशेषता बात करेला। हमनी के तीन के एगो समूहराट में दुगनो में घुस गये जर्मन लोग पीछे हट गये शहर दुश्मन के लाश से कचार है आदिन ब्रह्म हो गये। सफाई खातिर आबादी के जुटा ली ले योजना ची 25 जून से 30 जून 1943 तक दुगनो के लगे 8वीं मशीनी कोड के लड़ाकू अभियान मुख्य बल के नजदीक आवे के अंदाजा में मोबाइल समूह दुगनो के पास रक्षात्मक स्थिति में आ गयी। लुनकर अपन कोर से न कौनो दूसरा कोर से कौनो संवाद न रहे 30 कैदिन से एगो बटालियन बनावल गयी और 50 बंदूक से बेहतरी जर्मन लोग जल्दी होश में आ गए। समूह के अर्धरहित में घेर लिहल ग्रानो का बोर्ड पर जमा भय अपन 16वां टीडी खींच लिहल हमला के बाखिर कौनो फायदा न भय। लड़ाई के दौरान पकड़ी गयी जर्मन टीम के इस्तेमाल एगो अजीब तरीका से कैल गयी। 29 जून के रात जर्मन 16वें टीडी के को अलम से चुपचाप जुड़ पी जेदाई आई और पी जेदाई वी के एगो कैप्चर बटालियन ओकरा के भीतर से गोली मार दे। लस्कोर के ऑपरेशनल विभाग के प्रमुख कर्नल गुवाही दे ले की जर्मन रात भर अपना टीम कवूरी गाड़ी के गोली मार दे ले डिवीजन के संशोधन में ले जाये गयी। इलराई कमांडर आई गुरुआयुनोविकोव के ले रहे निकाय से संवाद स्थापित न हो सकल। बाद में पता चलल प्रिया विषय ईंधन आचित नई अंगोला वाला काफिला दुगनो भेज ले बाकी घुड़सवार डिवीजन के कोनो कमांडर इकरा के पलब दे ले तू पागल बाड़ू नाजी बहुत पहले से दुगनो में मारे छे वेडिंग पोर्ट रुझा के लगे हमने के विमान गिर गयी लेकिन घायल पायलट रिपोर्ट करे में कामयाब हो गयी ले। मोर्चा के आदेश रौवा के लेके जात रहे मिसल्स हमला कर ले उकरा के नष्ट कर दे ले। हमरा सामग्री याद बा माला मिर्चा बेल्ट मिल्स के लगे जंगल में 300 तक के टीम केंद्रित बा सबसे ज्यादा संभावना बाकी बिना ईंधन अवूरी गोला के मोर्चा के कमांडर ओलोक के नष्ट करे के आदेश दे ले। यह भी जर्मन लो सेना खींच के पोपल वासिलिय समूह के 8वीं एमके के मुख्य सेना से काट दिहल। मिलिनोव पैचाह पुदलुझा में इस समूह रोज 5 से 6 हमला से लड़त रहे रेजिमेंटल को अलम के हरावत रहे 44वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मुख्यालय पर कब्जा कर लेलस लेकिन समूह के घेरा 3 पैदल सेना 44वीं 111वीं और 225वीं तो बुटिंग 14वीं और 16वीं और एगो मोटर चालित 16वीं दुश्मन डिवीजन रहे पोपला वासिलिव एगो सैन्य परिषद जुटा ली ले। चीफ ऑफ स्टाफ मेजर कुरेपिन पूरक के उड़ा घुसे के पेशकश कई ले और रेजिमेंटल कमांडर मेजर सिटनिक सुझाव दे ले की उलोग एक आदेश के पालन करस वासिलिव दर्जन भर विकल्प के खारिज करके फैसला किए रास्ता तय नुकल खातिर 23:00 बजे टीचा के लगे एगो गिप के तोड़ के पीछे के को अलम के आगे बढ़ावे खातिर ओहिजा खाए लोग के साथ भोर में जंगलन में जर्मन लोग के 16वें टैंक डिवीजन पर हमला करके कोजिन के दिशा में अपन रास्ता बना ली। कहीं सिग्नो आवादी के लगे 8वीं मशीनी कोड रहे 50 मिमी बंदूक के साथ जर्मन पी जे आईआईजी टंकी के साइड में क्रॉस वाला एगो छोट सफेद घेरा बतावे ला के गाड़ी वेड़ मार के 13वां पेजर डिवीजन के रहे 1943 के गर्मी में भयल आखिरी लड़ाई रहे एगो संकरी गलियारा से रात के ब्रेक पहला एशेलोन में 80 गो टैंक बा हर टैंक में आखिरी 20 से 25 को गोला बा आधा टंकी ईंधन के बा कवच पर पैरात्र पर लोग के लगे आखिरी मुट्ठी भर कारतूस बा उ लोग दुगो को अलम से मारर बाई ओर वोल को दाई ओर सिपनिक 16वीं टीडी से जर्मन टैंक रेजिमेंट के अचरज भयल उ लोग जंगल में सुतल रहे उ लोग पॉइंट ब्लैंक मारल पक्का प्रोजेक्टाइल एगो टैंक रहे कई गो बेटरी को चल दे लस हैरात पर 3 बेटरी वाला एगो डिवीजन पर कब्जा कर ले ले ओकरा के जर्मन टैंकन का खिलाफ तैनात कर दे ले। सिपनिक रिपोर्ट कैले बार की हिटलर दिने दी के जंगल में कितना टेंचर जाई जब भूल भयल तो जर्मन कमांडर लोग झटका से उबर गए पूरा इलाका के घेर लिहल विमान भेजल लहर पर लहर टैंक सचमुच एगो ठोस देवाल में हमने के टैंक आई नोविकोव के होविट्जर डिवीजन नो लोग के टक्कर मार दे लस गोला खत्म हो गए टैंक राम में चल गए। सिपनिक दुश्मन के 3 को तिनके टक्कर मार दे लस उनकर केवी लोहा के चीथरा के ढेर में बदल गए घायल वोल को मुश्किल से जरत तीधन से बाहर निकले ला बेहोश हो गए। लागत रहे कि लोग के नस खत्म हो गए बा आत्म संरक्षण के वरेटी गायब हो गए बम आगोला पर नजर ना पड़ी टंकी से उतर के खाई से कूद गए ला बिना माथा झोंक वाले आगे बढ़ गए जब ले कौनो गोली भा कौनो तो क्रा नीचे ना गिर गए। यही लड़ाई में सेनापति की मौत हो गई
अगला हमला से पहले उत्कृत टावर से उठ के अपना तिनके उड़ाए इशारा कर अपन हाथ आगे फेंक ले। यही से उत्कृष्ट रूस से कर्नल आई वी वासिलेव अपना जिंदगी के आखिरी मिनट में सब का याद में रह गिलन। ए पल में तिंक पर 88 मिनी के दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट बंदूक लागल जमन के लिए कवच में घुसे में सक्षम एकमात्र जर्मन बंदूक रहे। दी रिया बिशेव के मुताबिक तुबनू के लगे भयल लड़ाई में समूह दुश्मन के 200 तक के तिंक दर्जनों बंदूक अवूरी मोर्टार सैकर्ण मोटर वाहन के नष्ट कर देलस दुधवी जनवूरी कई यूनिट के मुख्यालय के हरा देलस खाली मारल जर्मन लोग के दू गोरे जमीन तक के नुकसान भय लेकिन समूह के खुद भारी नुकसान भय बिना ईंधन आगोला बारूद के छोड़तम की उत्पीड़न के हमने के खुदे नष्ट करे के पड़ लड़ाई में 1000 लोग के मौत हो गयी 5307 लोग लापता हो गए कुछ लोग के पकड़ गए कुछ लोग अलग अलग समूह में अपन रास्ता बना ले ले। 24 जुलाई तक 1700 लोग के समूह में से एगो समूह के निजिन शहर में इनके तोड़ के वहाँ के दूगो मुख्यालय के स्तंभ कई गो मार्किंग यूनिट के हरा दी ली। भारी सोवियत के लिए टैंक जर्मन टैंक विरोधी तुच खाना खाते बहुत कठोर रहे लेकिन टैंक कमजोर अंदर कैर के शिकार रहे अवरी लंबा रास्ता के सामना ना कर पवलस ए तरह के कई गो चेक के छोट मोट खराबी के चलते सड़क पर छोड़े के पड़ ली। तुबनों की सफलता विकसित न भयल और दर्शेक अब से 12 में टी डी मिश्रा ने असाथ वी एम डी के रासीमोव के बाकी तारतन के फिर से मूर्धबद होके में देरी हो गयी। 12वीं के रेजिमेंट नदी के किनारे आ गए सीटैन की आसादवा को जिन प्रयाशेव के दिहल गए साथ भी एमडी के अग्रिम टुकड़ी पो पलवासिले समूह के बाद आगे बढ़ वल्बा के नजदीक पहुंचल लेकिन तब हमने के औरी जर्मन सैनिकन खातिर कुछ अप्रत्याशित हो गई। जर्मन के एगो स्तंभ जवन भी दुगनों पर आगे बढ़ रहे हमने के उनट रेजिमेंट से टकरा गए यूनि घुल मिल गई और एक दूसरा के नष्ट करत नदी के किनारे रक्षात्मक रूप से खड़ा हो गए प्रयाशोव के है एक साथ ही साथ भी एमडी के कुजन में करा प्रतिरोध है जहां जर्मन लोग 75वीं पैदल सेना 16वें टीडी के यूनिट तोपखाना रेजिमेंट विमानन के ऊपर खींच ली हल। दिन भर चल एगो भयंकर लड़ाई में 7वीं एमडी 20 गो टैंक 8 गो बंदूक 188 गाड़ी एगो पैदल सेना के रेजिमेंट के नष्ट कर दे लस लेकिन जर्मन लोग के हाईवे से गिरा के समूह में न घुस पवलस आई वी वासिल के है 28 जून भी अभिषेक के मोर्चा के नया क्रम के बारे में पता चलल शाम के एगो जानला हुआ घायल पायलट सिपनू के ऊपर उतर गए शाब्दिक रूप से आखिरी सांस पर कही में कामयाब हो गई लल हम एगो आदेश लेके चलत रहनी नष्ट हो गई सामान्य हमला रद्द हो गई कमांडर सामग्री नया काम के जानकारी के बिना अपना खतरा पर फैसला किलन अर्धुबनों तक घुसे के जोखिम उठावे के प्रेला बाकी जर्मन लोग तोपखाना से एकाएक कसके बंद कर दिहल अपना पड़ोसी देशन के उजागर पार्श्व भाग से होके घूमत रहे दुश्मन के विमान एंटी एयरक्राफ्ट को दबा दिलस एगो काफिला पर गोला बारूद से बमबारी कैलस रिया बिशेव रेजिमेंट सब के वापस बौद्धी के लगे ले जाए के फैसला किले करा बचाव के लिए आप पैदल सेना के टेंट पर रख के खुद सफलता के नेतृत्व खेले हित सफल भय हालांकि जर्मन उन्मादी गोलीबारी कैले लेकिन कमांडर स्तंभ के रुके ना देले टैंक दुश्मन के बंदूक के कुचल दिले पैदल सेना रास्ता के चौड़ा कर देलस ए लड़ाई में मेजर जनरल दी एमिशान के मौत हो गई उनका जगह लेने वाला कर्नल ने सेरोवे डिवीजन के कमान संभाले में असमर्थ रहले रेजिमेंट सबसे संपर्क टूट गयी निर्धारित लाइन पर कब्जा ना किल गए रात में उलझल राजनीतिक अधिकारी विल्कुव के साथ मिल के उत्तीर्ण होकर के सामने वाला मुख्यालय खातिर भागीलन वहाँ लोग दहशत में कूड़ के मौत के खबर दिले अनिर्वाशुगिन भी मौजूद रहे बिना रिपोर्ट के अंत के इंतजार कैले उपिलर हो गयी ऑफिस से निकल गयी अवरी खुद गोली मार दिले जवन चीज उनका के अटना चरम काम में रखे देहलस सचिव अपराध बोध के गंभीरता सजा के दर अंतरात्मा ए सवाल के जवाब दी हल मुश्किल बा आए घड़ी रिया अभिषेक देर रात आखिरी पलटन के गर्दन से गुजरे दिले निस्तेज रूप के छोर स्तंभन के पकड़ लिहले जवना में अफवाह जनरल आत्मसमर्पण कर दिले पहले ही से चलत रहे आ रेजिमेंटन के नया पर डाल दिले रक्षात्मक लाइन के बा देखते देखते 8वां एमके के फ्रंट रिजर्व में स्थानांतरित कर दी हल गई और ये उसामने के मुख्यालय के साथ प्रोजकुरो जिरोमेन में वापसी करे लगले कजातिन में कुर दुश्मन के साथ एक और लड़ाई के सामना कई लस रेजिमेंट जमीन में बिल बनावत दुश्मन के तिंका मुतर चालित पैदल सेना के रुके कीव में भाग गए कुर के भंग कर दी हल गए एक आधार पर 38वीं सेना के प्रशासन के गठन भेल दी आए रिया बिशेर के एकर कमांडर नियुक्त की गई सैन्य परिषद के सदस्य इन सोवियत के लिए तिनके कवच में घुसे में सक्षम एकमात्र जर्मन बंदूक 88 मिनी फ्लैग 18 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूक रहे 9वीं मशीनी कोर के बाद 9वीं मशीनी क्रीड कोर
मेजर जनरल के रुकोसोस्की में 35वीं तिथि, मेजर जनरल एन नोवी को 20वीं तिथि, कर्नल एम कट को में लगभग 303 जमुना में से 175 बीती, 111 बाकी 33 धरा, 3 खाली मशीन वंशी लेस, 131वीं मोटर चालित, कर्नल एन तेलिनिन भिकुप खाना निहल परिवहन रहित रहे कोर के कई गुतिम सभापन समय साफ साफ पूरा कर चुकल रहले। उदाहरण खातिर 24 गो बी 361 बीती ना रहले आलरा को वाहन सबसे ढेर प्रशिक्षण लेते रहले। 15 जुलाई तक नया टिंक मिल जाए के उम्मीद रहे। अलार्म पर कोर के उठावल प्रत्याशित परिस्थिति से अजुरा गयल। सेनापति के उप फैसला के जिम्मेदारी लेबे के परिजवन अपना रंग का चलते उकरा कोनो अधिकार ना रहे। 22 जून के सवेरे करीब 4 तार मिलल, लेकिन कोनो कारण से पास में सेना के मुख्यालय से अवूरी को वो सेना गुप्त पैकेज खोली। ये काम खाली जनवरी आयुक्त परिषद के अध्यक्ष रक्षा आयुक्त के आदेश से हो सकत रहे और अब कोनो संबंध न रहे। रोकोसोस की सलाह बतोड़ ले आ पैकेज खोल गये। कार्य लुट्स ने कुवेर के दिशा में चले खातिर कोर बाकी कोर में गाड़ी के संख्या महदहीन रहे। आपास में केंद्रीय गोदाम आ गैरी संबेरा रहे। फिर सेनापति के आदेश गोदाम खोली, परिवहन आ गोला बारूद उठाए। 14:00 कोर निकल गये। रोकोसोवस्की कर वहादा बेचैनी से पुरान बदेश की आखिर डर के उर देख ले काउलो मार चाल राय के सामना करी। टैंक आ गाड़ी ओवरलोड के साथ पर लगावल पैदल सेना राइफल में चलत रहे। पैदल सेना के इंतजार में टैंक जो अब कई ले उतारे के अगला लाइन के सैनिक 50 किमी पैदल लहरात रहे। जवना में हल्का अभूरी भारी मशीन गन 50/82 mm के मोर्टार अभूरी गोला बारूद लेके चलत रहे। आई सब बे हम बमबाड़ी का तहत गर्मी आठकान के चलते हमने के क्रो असिंग की छोट कर के 30-35 किमी लेके पड़ ली। पैकेज निर्देश में पूरा खून से भरल फुल टाइम कोड खातिर एगो काम तय कई गई रहे। गठन और पुनर्शस्त्रीकरण के दौर में अचानक युद्ध शुरू हो के लड़ाई में प्रवेश के विकल्प के कल्पना न कई गई रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मोर्चा के मुख्यालय बुरी पड़ोसी से वनवाट के कमी स्थिति की अनिश्चितता हमारा के सबसे ज्यादा दबावत रहे। दूटन के माध्यम से स्थापित भयल की इन फेट लेंको के 19वीं मशीनी को बाई ओर से आगे बढ़ रहा बा। 131वां एमवे सबसे पहले रोनो पहुंचल रहे। उनकर सेना के कमांडर पांच पोता को तुरंत उकरा के अस्थायी तौर पर अपना वश में करके नदी के किनारे रक्षा करे के आदेश दे ले। लुक्स कुमी नोकंत पर स्थायर के बा ई काम रोकोसोवस्की के माखा के माध्यम से भयल रहे। कोर के मुख्य बल रोगनो के दक्षिण में चल गयी। के रोकोसोवस्की के है बिना कोनो दिक्कत के ना रहे के उलो स्थिति के स्पष्ट कई ले। कबो कबो संदिग्ध स्रोत के भी इस्तेमाल कई ले। 19वां के दोनों पर आगे बढ़ रहे। 22वां लुत्स के उत्तर में लड़ाई लड़ रहे तो 9वीं मशीनी को लड़ाई में प्रवेश कई लस। कालिनिन के 131वीं मोटर 40 डिवीजन नदी पार करे वाला जर्मन टीम का मोटर 40 पैदल सेना के घना तोपखाना के गोलीबारी से नष्ट कर दे लस। हलचल आना अखरो असिंग पर कोशिश के हरा दी हल। नोविको के 35वां टीडी दुश्मन के टीम और पैदल सेना के एक स्तंभ के पीछे फेंक दे लस। जवान रोगनों के उड़ बढ़ रहे। 20वां टीडी के एक्शन बहुत सफल निकलल। आजकल एकर कमान व्यावहारिक रूप से कर्नल बी चिरन्याव के रहे। कहे कि एम कत को 22 जून के ऑपरेशन खातिर अस्पताल में रहले और बिना ठीक भैल सिवनी के साथ मार्च में पहले ही से डिवीजन के पकड़ ले ले रहले। 20वां एगो थकाऊ मार्च का बाद जर्मन 13वां टीडी के यूनिट पर हमला कर दे लसे। जवना से वो लोग रुक गए। मेजर एस रेव के तोप खाना रेजिमेंट के 24 बंदूक जर्मन टीम कवूरी पैदल सेना के सीधा गोलीबारी से गोली मार दे ले। मोटर चालित राइफल रेजिमेंट के हमला हाथ से हाथ मिला के लड़ाई में बदल गए ले। कथकों के अनुसार 60 गो जर्मन टीम नष्ट होगी ले। इंधन में सामान्य पीजेड आई के अलावा चेक्स घोड़ा जाहिर तौर पर PZ-35 TR PZ-38 T भी रह ले। देशोत कॉमर फ्रेंस रेनो अल्ट जाहिर तौर पर R-35 देश सुत श्नाइडर क्रूसर देश सुत आई यहाँ तक की अंग्रेजी ट्रेंकेट कार्डन लो अयत टैरत जिसे की हमने के तिहार देश सुत। लेकिन हमने के 20वां तिथि में भी 33 भी तिहार गए। लड़ाई के परिणाम के विश्लेषण करत एम कत को एक निष्कर्ष पर पहुँच ले कि सीधा हमला में कमजोर बख्तर बंद बदेश की के इस्तेमाल अनुचित बा। टंक की बी 3 के साथ बुर्ज पीछे मुड़ बा। 1947 ले टैंक सब साफ साफ पुरान हो गए रहले। बाकी सब अभिन ले दक्षिण पश्चिम मोर्चा के मशीनी कोर के हिस्सा रहले। करवसा बन बेकार ना रहे। कतको लिखले बान की क्लेवण के लगे यह लड़ाई रहे। जवन सबसे पहले हमरा के टैंक घात लगा के व्यापक इस्तेमाल के मुद्दा पास सोचे के मजबूर कई लस। एकरा बाद रणनीति ओड़ी के पास लड़ाई में हमने की छोट सेना के साथ गुदेलियन के 24वीं कोर के गंभीर नुकसान पहुंचावे में मदद कई लस।
25 जून से पैदल सेना आम उतर 40 यूनिट वाला जर्मन 13वीं आ 14वीं टीडी के मुख्य सेना 9वीं मशीन कोर पर ढेर हो गई बा। रोकोसोस की ओलोक के का विरोध कर सके ले। बाद में यार कई ले की एगो कोर कमांडर बहुत कम संख्या में तीन के संगे सिर्फ तोप खाना पर भरोसा कर सकत रहे। तो हम किनी पहला विश्व युद्ध और गए युद्ध में 7 साल के अनुभव अपना तीन फोर्स के कमजोरी के समझ के रोकोसोस की संयुक्त तोपखाना हमला पर ध्यान दे ले। खास करके 85 मिमी के नए तोप से सामूहिक तोपखाना के गोलीबारी से दुश्मन के तीन की खटखटा दिहल गई और लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में हमने के तीन और पैदल सेना के अचानक हमला से जर्मन पैदल सेना रोनोलुक्स राजमार्ग से दूर हो गई। 27 से 30 जून के मोर्चा के उत्तरी पार्श्व में स्थिति बहुत बढ़ जर्मन लोग दबाव बढ़ा दिया आ पैदल सेना के डिवीजन के आगे बढ़ा के अपना तीन का मुतर 40 डिवीजन के मदद की 22वां एम के लुट्स से दूर हो गई। 19वां डुबनो के लगे रोक दिहल गई। 9वीं की स्थिति सबसे बढ़िया न रही। रोकोसोवस्की के मोर्चा से एगो आदेश मिलल दुश्मन समूह के पार्श्व में जवाबी हमला करे के जवन की टूट गई रहे। बाकी जब 20वां तिथि पर चहु ले तो उनका कुछ ऐसा लुकल जवना चलते वो आक्रामक नव लोग बचाव की तैयारी कर ली हलन। दक्षिण पश्चिम से जर्मन टैंक तोपखाना बख्तर बंद गाड़ी अमूतर 40 पैदल सेना के स्तंभ के बाद एक दुगनों के उड़ रुगनों के उड़ बढ़ ली। एक बेर फिर रोकोसोस की एगो ऐसा फैसला की जिम्मेदारी ली हलन जवन औपचारिक रूप से तुरंत हमला करे के आदेश के विरोध करत रहे। दुश्मन की स्पष्ट श्रेष्ठता के साथ एक परिणाम कोर के मुख्य सेना के नाश हो जाए। ओ दलदली जगहन पर जर्मन लोग अपना टैंक भारी उपकरण के साथ ही अधिकतर बढ़हन आकरा सरकन पर चलत रहे। ऐसे 9वीं एमके के कमांडर 35वीं 9वीं को टीडी के लुत्सक्रिम ने राजमार्ग पर लाइन के कवर कई ले। 20वीं टीडी के भी यहां 85 मिमी बंदूक के तोपखाना रेजिमेंट के संगे स्थानांतरित कर दे ले। चीफ ऑफ स्टाफ मसलोरी चेरनी जल्दी से पैंतराबाजी कई ले बंदूक खाई में रखल गयी रहे अवूरी कुछ के ठीक हाईवे पर रखल गयी रहे। जर्मन लोग रोम बस में नजदीक आवत रहे सामने मोटरसाइकिल पीछे बख्तर बन गाड़ियां पिंक कोर के गनर लोगों लोग के जटना नजदीक हो सके अंदर घुसे दिहल आए के बेग में बिंदु खाली मास दिहल मोटरसाइकिल अवूरी बख्तर बंद गाड़ी के मलबा लाश से हाईवे पर तुरंत राक्षसी जाम बन गए। बाकी स्तंभ के पूछ जड़ता से लुढ़कत रहल अपना के कुछ लता भ्रम के बढ़ गए। जर्मन टैंक साइड में बन गए साइड के जगह तोड़ के गोली बाज गई लस। लड़ाई के अंत में 35वीं टीडी के कमांडर 9वीं को हमने के तीन के हमला में फेंक दे ले और जर्मन के पीछा करत चौराहा से कुछ किमी दूर दबंग ऊंचाई पर कब्जा कर ले ले। जर्मन कमांडर लोग हाईवे के किनारे और आगे बढ़े के जोखिम न उठा के जंगल लोग के फोन किलस लेकिन इरूढ़ीवादी विकल्प पहले से जानत रहे की हमने के सैनिक जंगल आखाई में शरण ले ले। पूछताछ के दौरान एगो कैद जर्मन स्टाफ कर्नल गुवाही दे ले की रौदा तोपखाना बहुत बढ़िया बा अवूरी एगो सैनिक के भावना ऊपर बा तब बचाव और जवाबी हमला करत 9वीं मशीनी कोर कार्यवाही कई साल दर लिख ले बान की 1 जुलाई के रोनो के पश्चिम में पिंस्क दलदल से रूसी फॉर्मेशन सब के घेरा विजन के बाद वाला मेजर ग्रुप के पार्श्व में घुसल गए। लेकिन 9वीं कोर के सेना फीका हो खट रहे पीछे हटत यूनिट जवन के अपना यूनिट से संपर्क को दे ले रहे उकरा के भड़ पाए के स्रोत बन गए। उकरा के संचालन में ले आवल गए सामान्य स्थिति के चलते लोग असामान्य रणनीति के सहारा लेवे पर मजबूर हो गए। कत को गुवाही देत बार की जर्मन हमने के तोपखाना अतिधन टैंक से भयानक देराद रह लिया हमने का रोज बैठी की पोजीशन बदले लगनी जा जवना से एगो बढ़न तोपखाना समूह के आभास पैदा हो गैला प्लाईवुड सिमयान में आ रंगल गार्डन की 34 में बदल गैला जर्मन लोग जा सेना चढ़ जुलाई के शुरुआत में कोर नदी पर लड़ाई लड़लस स्टायर जिप्रोमिक के सड़क के काठी लगावट 5वीं सेना के किला बंदी वाला इलाका के लाइन में वापसी के कबर किले अन्नोलियंस के लगे जवाबी हमला में भाग ली ले। जर्मन सैनिक एगो ध्वस्त सोवियत लड़ाकू प्रशिक्षण टैंक बी 3 के निरीक्षण करत बाड़े जवना में सिर्फ मशीन गन बा पश्चिमी यूक्रेन जून 1943 में भयल। 19वीं मशीनी क्रीत कोर के बा 19वीं मशीनी क्रीत कोर मेजर जनरल फेटलियन को मुख्य रूप से पुरान शैली के टैंक से लैस रहे 40वां टीडी में 19 गोतीधर 139 गोतीधर रहे 45वां टीडी में 5 के वी 9 गोतीधर आ 230 गोतीधर रहे 213वीं एमडी के टैंक रेजिमेंट देश 55 हल्का टैंक 13 बख्तर बन गाड़ी रहे सब मशीनी कोड के तरह 19वीं के भी गाड़ी और तोपखाना खातिर कर्शन के साथ भी यह दिक्कत भई। एनवी फेटलिन को कह 19वीं और 8वीं मशीनी क्रीत कोर के कार्यवाही के उदाहरण पर शायद तीन के जवाबी हमला के आयोजन में मोर्चा के मुख्यालय और सेना के आदेश के बीच की असंगति सबसे ज्यादा साफ रुकत 25 जून के फ्रंट प्लान के अनुसार 19वीं आ 9वीं मशीनी कोर
उत्तरी समूह रोवनो इलाका में पहला झटका दिलस आज 48वीं मोटर चालित कोड के कुछ हिस्सा के वापस भगा दिलस। 9वीं एम के दुमनों के उड़ाबल 19वीं शहर के बावरी इलाका में गए, लेकिन दक्षिणी समूह देश 8वीं और 15वीं मशीनी कोडो दिन आगे न बढ़ पावल और इस सफलता के कायम नारक पवलस 26 जून के 19वीं जर्मन 11वीं टीडी के दाहिना पार्श्व के कुचल दिलस। मोटर यूनिट के संग अपना टेम्प रेजिमेंट के हरा दिलस अवरी फिर से दुमनो चल गए, लेकिन न तो फिर इनको अवरी न उनका मुख्यालय के ये बात पता रहे कि वही दिन जवना के चलते के बाकी डिवीजन के भारी नुकसान भई। जर्मन 48वीं मोटर चालित कोर या विशेष के 8वीं मशीनी कोर 19वीं के उड़बर रहल बा। 27 से 28 जून के 19वीं एम के 36वीं राइफल कोर फिर से दुगना दिशा में आगे बढ़ला, फिर से दुगनों के अप्रोच पर पहुंचल। आ तो ही टुकड़े दुगनों से 8 से 10 किमी पश्चिम में रहे, लेकिन सामने के मुख्यालय देरी से फिर इनको के जानकारी देते रहे। आरिया विशेष के कहना रहे कि पोपल वासिल के एगो समूह 8वां एम के से शहर में घुस चुकल बा। मोर्चा मुख्यालय के निर्देश में आलोचनात्मक रूप से नोट कैल गयी की दुगनों पर हमला के दौरान 36वीं राइफल 8वीं अवरी 19वीं मशीनी क्रीद कोड में रेडियो संचार न रहे, न खाली रेडियो संचार के कमी रहे। 27 से 28 जून के रात फेटलिन को कोड के आपूर्ति के संगे भेल भ्रम, गोला बारूद ईंधन खाना के तीव्र कमी स्पेयर पार्ट्स के पूरा तरीका से न होके अवरी घायलों के बाहर निकाले में असमर्थता के बारे में मोर्चा मुख्यालय में रिपोर्ट कई ले। खराबी के चलते उपकरण के नुकसान वह छोट मोट लड़ाकू नुकसान से ज्यादा रहे। नसोविया टैंक अग्रभूमि में एगो चीदर मुअदबा 1932 दक्षिण पश्चिमी मोर्चा जून 1943 के बाद तमाम कठिनाई के बावजूद वो लड़ाकू लोग के समर्पण कमांडरन के परिचालन साधन संपन्नता से लड़ाई में सफलता हासिल कई लस करल आई। जीत से बिन के 43वां पेजर डिवीजन और उकर उनक टुकड़ी कमांडर के तनवी आर्खीपो खास तौर पर प्रभावी ढंग से काम कई लस। 25 जून के आर्खीपो के बटालियन के रेजिमेंटल मुख्यालय वाला हल्का तीन के एगो को अलम आईंधन आगोला बारूद वाला दूगो को अलम मिललाड़ा में एकरा के पूरा तरह से नष्ट कर दे लस। आगे के रात क्लेस के 11 नहीं आते रहवा पेजर डिवीजन के ईंधन आगोला से वंचित कर दे लसी। 27 जून के उत्तर पश्चिम से दुगनों के बाईपास करत बटालियन के 11वें टीडी के एगो टैंक रेजिमेंट लगभग 120 टैंक मिलल जवना में मोटर चालित पैदल सेना इकाई रहे कि विंग सामने आ पीछे से अचानक झटका से दुश्मन के हरावे के फैसला कई ले। बाकिर ओ लोग के रेजिमेंट खातिर ईंधन आगोला के डिलीवरी के अंदाजा में सवेरे 10 बजे होके वाला हड़ताल के बार बार तारे के पड़े। अंत में शाम 4 बजे जर्मन पर हमने के तीन के दोहरा हमला भई और दुश्मन के डिविजनल ग्रुपिंग के पूरा हार के साथ खत्म हो गई। ओकर शेष वापस रोवनो में लुढ़क गई और हमने के 43वां डिवीजन दुगनो के बावरी इलाका में पहुंच गई। कोर के कार्यवाही नो ब्रादोलिंस उस ट्रोप के लगे आकोरोस तुनस्की यूआर के मोर पर हमला में भागीदारी के साथ खत्म भई। एगो जर्मन सैनिक सोवियत बीती न तीन के निरीक्षण करत बा गाड़ी के कोनो प्रकार के नुकसान नहीं खेलुकत, शायद तकनीकी खराबी के चलते टंकी के चालक दल छोड़ दे ले रहे। अंतिम बात पहला टैंक लड़ाई के परिणाम महत्व के मूल्यांकन कर घड़ी तुरंत सवाल उठत बा की दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोर जवडा के संख्यात्मक श्रेष्ठता प्रभावशाली बा क्लेस रही चेनो स्ट्राइक फोर्स के रूप के नष्ट काहे ना कर सकल। लेकर जवाब हमने के विचार से रणनीति कवरी परिचालन रणनीति प्रकृति के कारण में बा 1943 के गर्मी में सोवियत सैनिकन के हार के सामने कारण के एगो बढ़हन साहित्य समर्पित बा। आई हमने के विषय से जुड़ कुछ बात के चूहल जाओ। 1943 के राज्य सीमा के रक्षा के योजना में युद्ध के शुरुआत के पूरा नजरिया शुरुआत में रखा गयी, जिनमें दुश्मन के एक साथ भारी पहला हमला के प्रावधान न किल गयी, जे पहले से सबके ताकत सबके जुटाना तैनात करी गयी रहे, जिसे की कहल जाला कि वो लोग पिछला युद्ध की तैयारी करत रहे। पहला विश्व युद्ध के मुअदल पर नया युद्ध फूट पड़ अपने न हमने के दुश्मन के नया युद्ध में 2 साल के व्यावहारिक अनुभव पहल ही से रहे। अबूरी हमने के एकरा बारे में सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बात कही नी, जर्मन हमला के अचानक होके के कारण यह बा हमने के कवरिंग आर्मी और मशीनी क्रीद कोड के लगे जवाबी हमला के ग्रुपिंग के तैनाती के खातिर 1 घंटा के समय भी ना रहे। पहल ही से गोलीबारी के तहत बनावल गल रहे। दुश्मन के मोबाइल सैनिक के आगे बढ़ दबाव में कवरिंग आर्मी के ऑपरेशनल तैयारी के साथ इस टांका के देरी के विनाशकारी असर पर लोगों पर सेना समूह दक्षिण के मुख्य हमला के बारे में कोवो के कमान के धारणा गलत रहे, जवना के वजह से सबसे ताकतवर 4 आत्मशीनी क्रीद और दुश्मन के स्ट्राइक फोर्स से दूर रहे। बाकी हमने के परिचालन रणनीतिक असफलता के पहले से तहकरे वाला मुख्य कारण सोवियत इंट फोर्स के पुनर्गठन के तकनीकी आकार में कधुरा रहे।
हालांकि नकदी की स्थिति में भी उलोक दुश्मन के अटना झटका दे ले रहे की उलोक ओकरा के गंभीर स्थिति में डाल दे ले रहे। एक कारण इनके खुलासा 1941 में ही भयल रहे जमुना के प्रमाण सोवियत संघ के एनपीओ के बख्तर बंद निदेशालय एबीटीयू के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र से मिलेला। रो अभिदग्नो रोनो की लड़ाई में कोवो दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोर की असफलता एक तथ्य के जीवंत उदाहरण बाकी जीत सैनिकन में खाली उपकरण के मौजूदगी से न होला ओकर मात्रात्मक श्रेष्ठता से न गुणात्मक सूचक के पूरा से अधिकार महत्वपूर्ण बा। खास तौर पर हथियार सबके रचनात्मक तकनीकी स्तर एक तत्परता अक्सर संसाधन कर्मी लोग द्वारा इन्हें में भारत हासिल करे के डिग्री सामरिक इस्तेमाल के तरीका और साथ ही साथ हथियार सबके नियंत्रण के तरीका असैनिकन के संगठन के रूप सबसे पत्राचार इत्यादि ये सब गुणात्मक सूचकांक खाते युद्ध के शुरुआत में फायदा जर्मन के पक्ष में रहे। कोवो के मशीनी कोड के संगठन और रचना लागू अभियान के जरूरत के पूरा न करत रहे टैंकियों ने अलग अलग प्रकार के गाड़ी से लैस रहे मल्टी तरह ती धन अवूरी ती दगन फैंत्री ती धन अवूरी कैबिल ने बीती फ्लोटिंग ती धगवूरी ट्रैंकेट ती दल। लड़ाई में एक मोटली मास के आवाजाही रख रखाव असंयुक्त इस्तेमाल से कई गोदी कट भयल खत्म हो चुकल संसाधन वाला टीम के अप्रचलित मुअदल एक साथ मौजूद रहे नवीनतम केवी अतिधन के इस्तेमाल के बाहल रहे। एमए से लगभग 700 नए टैंक अलग अलग डिवीजन में बिखराए रहे और लड़ाई के दौरान कोनो मोड़ ना हो पावल एक मुट्ठी में मिला के केवी अवूरी ईंधन के बहुत असरदार तरीका से इस्तेमाल कर जा सकता। ओ लोग के कोड में तकनीकी रूप से सुसज्जित एयर सर्विस के आयोजन करे के समय न रहे। कमांडर लोग के रिपोर्ट के अनुसार 50% से ढेर टैंक बेड़ा तकनीकी कारण से फेल हो गए अक्सर अभिनले मार्च पर। एक अलावे भर्ती करे वाला कर्मचारी के तकनीक में पूरा तरीका से महारत हासिल करे के समय न रहे। मशीन एक्सपोर्ट पूरा तरीका से मशीनी न रहे। एक तरफा परिवहन के कमी अक्सर हमने के टैंकर के बिना मोटर चालित पैदल सेना तोपखाना के सहयोग के हमला पर जाए खातिर बर्बाद कर देते रहे। ईंधन के कमी गोला बारूद के कमी के चलते निष्क्रियता के सामना करे के पड़ रहे। मरम्मत अदा स्पेयर पार्ट्स आतंके खाली करे के साधन के कमी के साथ साथ मैदान में छोट मोट खराबियां नुकसान के भी खत्म करे खातिर चालक दल के अप्रस्तुति के कारण लड़ाकू से अधिक गैर लड़ाकू के भारी नुकसान भय। 8 जुलाई 1941 के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के राजनीतिक रिपोर्ट के एक अंश संकेत देवे वाला बा 22वां एमके 6 जुलाई 22 जुलाई 1941 में 46 गाड़ी अवूरे 119 दिन के नुकसान भय। जमुना में से 58 के उरादी हल गई रास्ता में मरम्मत न होके के कारण वापसी के दौरान हमने के यूनिट 41वां तिदी में एचएफ के नुकसान असाधारण रूप से अधिक बा 31 सीवी में से 6 जुलाई के 9 सीवी रह गए। दुश्मन के मारल देश 5 चालक दल द्वारा उरादी हल देश 12 मरम्मत खातिर भेजल देश 5 केवी के बढ़न नुकसान मुख्य रूप से चालक दल के खराब तकनीकी प्रशिक्षण सामग्री की कम जानकारी साथ ही स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण होला। टंकी बी तिल बनाई जवन मरम्मत के काम चल रहे बा 22 जून 1941 के दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मशीनी कोड में लड़ाई खातिर तैयार टीम की संख्या कुल के लगभग 85% रहे। ऐसो मामले आये जब चालक दल टीम के खराबी ठीक ना कर पवलसिया ओकरा के कमजोर कर दे लसी केस भइल बा एगो खिंचाव है। जब 5 लोग के लड़ाई में नॉक आउट कर दी हल गए और 12 लोग के आत्मनष्ट कर दी हल गए तो पहले ही से एगो दुखद प्रथा बा। जमुना की पुष्टि दूसरा कोड के ऐसने आंकड़ा से हो खत बा 2 महीना तक 316 टैंक में से 4 वां एमके के 8वां तिदी में लड़ाकू नुकसान 85 टैंक के रहे। अवूरी मुकाबला में न देश 138 अवूरी 107 स्वनष्ट हो गए। 15वां एमके के 10वां तिदी के मुताबिक 44 ती में से 28 एसएस 4 वर्नाकैट आवापसी के दौरान छोड़ दी हल गए यानी सबसे बड़ा चालक दल द्वारा अनुपयोगी बना दी हल गए। देश 37 147 बीती में से क्रमशः देश 54 और 46 दुश्मनी के महीना के दौरान हजारों हमने के पूर्ण युद्ध के टैंक स्क्रैप मेटल में बदल गए। जुलाई में मशीनी कोड के सेना खत्म हो गए रहे। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मुख्यालय से मिलल जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 1941 के सब टैंक डिवीजन में आधा में 1 से 2 हजार लोग रहे 40% देश 3 से 5 हजार 3 से 5 हजार लोग 10% देश 10 से 16 हजार लोग खातिर 12 डिवीजन में से मात्र डुगो में 118 भवूरी 87 से 87 टंकी रहे बाकी में बस कुछ टंकी। ऊपर के तथ्य से जर्मन कोर से हमने के मशीनी कोर के कई गुटिंग श्रेष्ठता के सुधारल संभव हो जाला। 22 जून के 6 कोर में लगभग 3894 टिंक रहे 10% कम के अलर्ट कैल गए।
लगभग 3,500 कॉम 50% पोजीशन पर पहुंच गए। ऐसे लगभग 1,750 दिन सीधे लड़ाई में प्रवेश कई लिया, लेकिन पहला लड़ाई के दौरान भी संख्या हमले के अंक के सोचा पिघलत रहता है कि बख्तर बंद गाड़ी के खाली कई लवूरी मरम्मत कई संभव रहे। ऐसे सोवियत बख्तर बंद सेना के मात्रात्मक श्रेष्ठता बहुत क्षण भंग निकले और दुश्मन के और संकेतक में श्रेष्ठता रहे। जर्मन जल्दी से रिजर्व टैंक मोटर चालित उपकरण अप्रशिक्षित चालक दल के साथ अपन टूटल अपिटाइल डिवीजन के बहाल कर देहला, जबकि हमने के मशीनी को बिना सुदृढ़ीकरण के अपना डिवीजन के समय के टुकड़ी में बदल देहलस। हमने के असफलता के एक और समूह के कारण माल राकू अभियान के संगठन और प्रबंधन में कमी, मशीनी कोड के सेना के अधीनता तीन के पोजिशनल वो अर्फेयर के मेढा के रूप में इस्तेमाल करे के पुरान रणनीति से भरे। ऐसा नजरिया संगठन के परिचालन स्वतंत्रता से वंचित कर देहला। सेना मुख्यालय बढ़हन स्वतंत्र मशीनी फार्मेशन सब के प्रबंधन करे खाते बिल्कुल प्रस्तुत रहला। इन्हन के इस्तेमाल विशुद्ध रूप से सेना के हित में के पैदल सेना के समर्थन करे खातिर, लैंडिंग के खत्म करे खातिर, प्लग हॉल करे खातिर ई लोग इन्हन के तैयार रक्षा पर फ्रंटल हमला में फेंक दिहल। टैंक सैनिकन के हित में तो ही बिल्कुल न भैल, मशीनी कोड के उपकरण के क्षमता और ओलो के रणनीति के विशिष्टता के ध्यान में न रखल गए। लेकर एगो सचित्र उदाहरण 22वीं MKK 41वां 3D जवन 22 जून के प्लान के अनुसार जर्मन के मुख्य हमला के दिशा से कोवेल गए रहे। ओकरा बाद 15वीं राइफल कोड के अधीन हो गए रहे और यूनिट के द्वारा बिखराइल रहे डिवीजन रेजिमेंट के पार पैदल सेना के समर्थन करे मुख्यालय और लोग के रक्षा करे खातिर न कि टैंक के काम। एक साथ ही मशीनी क्रीत कोड के कमांड के ही बरौरी स्वतंत्र टैंक फॉर्मेशन के नेतृत्व करे के पर्याप्त अनुभव न रहे। अनुभव वाला काफी कुछ कमांडर शामिल रहे, बाकी बाद वाला लो टैंक में ना संयुक्त हथियार में कम रहे। ऐसे मुख्यालय के तरह लोग के भी मुख्य रूप से संयुक्त हथियार कमांडर लोग रहे, जवन पहले टैंक यूनिट में सेवा न दिले रहे। लोग के लगे टैंक सैनिकन खातिर विशिष्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल क्षितिज पूरा तरीका से न रहे। यही से कमी आ गलती मजबूत निर्बार से मुही घर पर ललाट के हमला के बजाय गहरा गोल चक करके हमला वो लोग के कमजोर बिंदु संचार पीछे के इलाका पर तुरंत सीधे काम करे के इच्छा विवेक पूर्ण गणना पर हावी हो गयी। लपंतराबाजी के नुकसान में चहु गए सड़क के किनारे जिले बीती क्षतिग्रस्त उपकरण के खाली करे में असमर्थता के चलते हमने के टैंकर के ओकरा के स्वयं नष्ट करे के पल ताकि दुश्मन के ना दिहल जा सके। कई गो सेनापति लोग के इच्छा जवन 1947 के विशेषता रहे व्यक्तिगत उदाहरण से प्रेरित करे के भी नकारात्मक प्रभाव पर अपना कमांड पोस्ट से मजबूत नियंत्रण के आयोजन करे के बजाय पड़ोसिया मुख्यालय से संपर्क में रहे के बजाय कमांडर लोग खुद लड़ाई में भाग गए। एडवांस यूनिट में निर्देश देत रहे न जानत रहे की लड़ाई के विकास कई से हो रहल बा, जिसन सोच ले रहे वैसन ही मता निर्णायक तरीका से काम कर अक्सर अपना अपना पड़ोसी के नुकसान चल पावेला। एक अलावा ऐसा नवेग से कमान कर्मी के बहुत संख्या में नुकसान भयल तरह से पता चलल की भले मशीनी क्रीत को हिम्मत से लड़त रहे आ दुश्मन पर निर्णायक हमला करत रहे, बाकी ओलो के मुख्यालय अकुशल रहे आ कमांडर लोग के आपस में कौनो संवाद न रहे आ अक्सर अनहर हमला करत रहे। असफलता की जिम्मेदारी के एगो खास हिसाब मुख्यालय अवरी मोर्चा कमान के हो खेला। लुबलिन के खिलाफ जवाबी हमला के लेके 22 जून 1947 के पीपल्स कमिश्नर नंबर 3 के निर्देश जवन आईवी स्टालिन के सहमति से अपनावल गई रहे। साफ तौर पर अव्यावहारिक रहे जी के चुकू के कहना बाकी एक काम के तय करे में ना तो मुख्यालय के मालूम रहे न फ्रंट कमान के असली स्थिति के जानकारी रहे और सैनिकन के क्षमता के ध्यान में रख ले बिना सक्रिय होके के मात्र इच्छा से आगे बढ़ रहे। फ्रंट कमान अपना पूरा दृढ़ता और मजबूत इरादा से दृढ़ता के साथ इनके जवाबी हमला के आयोजन में कई गलती और गलत गणना कई लस फैसला लेवे में जल्दबाजी स्थिति के बारे में लगभग पूरा जानकारी के कमी के चलते काम में बार बार बदलाव होके परस्पर विरोधी आदेश के भरमार होके अवूरी कोड के कठिन स्थिति में डाल दी गई। कमांड के सबसे बड़ गलत गणना पूरा मोर्चा में बातचीत के कमी रही। एक बेग फेर उसे खराब संगठित संवाद के हाथ से बाहर नोट करे के चाहे 26-27 जून के 8वीं 19वीं मशीनी कोर 36वीं राइफल कोर दो बेर आ बहुत गहराई से देश 30 के नीले आगे के टुकड़ी सदस्य 12 के नीले देश जर्मन 48वीं मोटर चालित कोर के दोनों पार्श्व में टकरा गिले। एक साथ ही 8वीं MK से हमारे 34वां 3D दुगनों में घुस गई और 19वीं और 36वीं कोर के दुगनों तक मिलल सफलता के बारे में न जानत 5 दिन तक वहाँ लड़ाई लड़ौड़ी से गो जर्मन डिवीजन के खींच खेले गई। जर्मन कमान खाते झटका असफलता अप्रत्याशित निकलल वो लोग के टैंक पैदल सेना से बहुत दूर रहे। जर्मन पैदल डिवीजन के काट के घेराबंदी के काफी संभव रहे, बाकी इस अभियान के तार्किक अंत न भयल। दरअसल संचार के कमी के चलते
मोर्चा मुख्यालय के ओर से कमजोर समन्वय, आपसी अज्ञानता के चलते सोवियत मशीनी कोर के कार्यवाही अलग थलग हो गई। सामान्य परिचालन स्थिति के ध्यान में रख ले बिना हमला की उड़ा बढ़ गई। दक्षिण पश्चिमी मोर्चा के मुख्यालय और कमान पर बहुत पहला घंटन में पैमाना और एकाग्रता के मामला में दुश्मन के अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली हमला के सामना करे के पर, लेकिन वो लोग संयम और सक्रिय रूप से विरोध करे के इच्छा शक्ति देखले। मुख्य जर्मन हमला के दिशा तय करके सोवियत कमान हमने के सैनिकन के लक्ष्य सबसे पहले दुश्मन के टैंक मोर्टर से चले वाला समूह के हरावे के रख ले रहे, जवन तेजी से सफलता पावे में सक्षम रहे और अपना पैंतराबाजी और फायर पावर के वजह से रक्षा के बहुत गहराई तक चल दीवे में सक्षम रहे। 23 देश 26 जून के जवाबी हमला के आयोजन में भाग लेवे वाला जनरल स्टाफ के चीफ ही एकमात्र सही हो सकेला। मशीनी कोड के तुरंत जवाबी हमला के परिचालन व्यवहारिकता पर SW1 के कमांड के राय में सर्वसम्मति न रहे, शायद जर्मनी के हमला से बचे के योजना अपूर्ण काय के प्रस्तावित पुरान सीमा के लाइन पर हमने के सैनिकन के वापस ले आवे के योजना बेहतर विकल्प हो सकेला। अब एक निर्विवाद आकलन के शायद संभव बा, जर्मन मोबाइल फॉर्मेशन के व्यवहार में सामना करत आगही रैंक में सफलता चक्कर अकवरेज के रणनीति के सामना करत चवन ओलो के इस्तेमाल किए गए रहे, सोवियत कमान के तुरंत एकर मुकाबला करे के कारगर तरीका न मिल पावल। जिकरा लगे मशीनी क्रीत कोर के गठन और पुनर्शस्त्रीकरण पूरा करे के समय न रहे, उकरा के जवाबी हमला में फेन के सोवियत कमान के जाहिर तौर पर पूरा तरीका से एहसास न रहे के जवाबी हमला ओलो खातिर अपना भारी नुकसान हो सकता। खुलत युद्ध साफ तौर पर एकरा बारे में पुरान विचार में फिट ना रहे, लेकिन कोनो न कोनो तरीका से ठीक है जवाबी हमला के नतीजा में की तक तेजी से सफलता पावे के दुश्मन के योजना नाकाम हो गई। पहला टैंक लड़ाई तमाम गलती अवूरी गलत गणना के बावजूद युद्ध के पूरा शुरुआती दौड़ खाती बहुत महत्व के रहे। हालांकि सोवियत कमान पर वाला मेजर ग्रुप वो अनक्लेस के हरावे में नाकाम रहा, लेकिन दुश्मन के योजना नाकाम हो गई। जर्मन समय पर दाहिना किनारे के दक्षिण पश्चिमी आदक्षिणी मोर्चा के सैनिकन के घेर के नष्ट करे में सफल न भइल। जर्मन जनरल बटलर सेना समूह दक्षिण के कार्यवाही के आकलन निम्नलिखित तरीका से कईले, मोर्टर से चले वाला जर्मन फॉर्मेशन कब ऑपरेशनल स्पेस में प्रवेश करे में कामयाब नहीं के भइल, चाहे दुश्मन के बाईपास करे में कामयाब नहीं के भइल। कोनो महत्वपूर्ण रूसी सेना के घेराबंदी के तबाटे छोड़ दी। आर्मी ग्रुप साउथ योजनाबद्ध सफलता के अंजाम देवे में नाकाम रहल। सेना समूह दक्षिण अकेंद्र के बीच जुलाई में लड़ाई में डूब गई। पहला कीव के लगे दूसरा स्मोलियंस के लगे एगो खतरनाक अंतर बनल, जिकरा से ओलो के पार्श्व में हमला के संभावना खुल गयी। ब्लिट्ज़क्रिग में पहला संकट आई 4 जुलाई के हिटलर केंद्र समूह से मुख्य हड़ताल फॉर्मेशन सब के दक्षिण ओडा मोरे अमास्को पर हमला, मुख्य सैन्य राजनीतिक लक्ष्य के अस्थायी रूप से छोड़े के बाद किले, जबकि ई नोट के लिए कि ए लड़ाई में ये सबसे कठिन फैसला हो की डॉट ए तरीका से ब्रो अभी दोनों रोनो के लगे भयल। महान देशभक्त युद्ध के पहला टैंक लड़ाई के केंद्र के पूरा सामरिक स्थिति सोवियत जर्मन मोर्चा के दक्षिणी विंग पर काफी असर पड़ ली। तीधन के हमला के समर्थन 45 मिमी के एंटी टैंक गन के गणना से मिलता। 1943 के गर्मी में भयल चित्रण के बारे में बतावल गयल बा, सोवियत लाइन टेंटी दरमो अबके बा 1938 वजन देश 10 टल चालक दल देश 3 लोग हथियार देश 9 मिमी तो 7.62 मिमी मशीन गन कवच देश 18 मिमी गति देश 30 किमी घंटा इंजन देश 95 HP क्रूजिंग रेंज देश 200 किमी। सोवियत लाइन टेंटी दरमो अबके बा 1937 वजन देश 13.8 टन चालक दल देश 3 लोग हथियार देश 9 मिमी तो 7.62 मिमी मशीन गन कवच देश 22 मिमी गति देश 52 किमी घंटा इंजन देश 500 HP रिजर्व कोर्स देश 375 किमी। सोवियत मध्यम टैंकी धनमो अबके बा 1941 वजन देश 28 टन चालक दल देश 4 लोग हथियार देश 9 मिमी तुपादो 7.62 मिमी मशीन गन कवच देश 45 मिमी गति देश 55 किमी घंटा इंजन देश 500 HP क्रूजिंग रेंज देश 300 किमी। सोवियत भारी टैंक के वीट मो अबके बा 1941 वजन देश 47 टन चालक दल देश 5 लोग हथियार देश 9 मिमी तुपादो 7.62 मिमी मशीन गन कवच देश 75 मिमी गति देश 34 किमी घंटा इंजन देश 600 HP क्रूजिंग रेंज देश 200 किमी। जर्मन लाइट टैंक PZIB के बा वजन देश 6 टन चालक दल देश 2 लोग हथियार देश 2.79 मिमी मशीन गन कवच देश 13 मिमी गति देश 40 किमी घंटा इंजन देश 100 HP क्रूजिंग रेंज देश 145 किमी। जर्मन लाइट टैंक PZIB के बा मक्का देश 9.5 टन
चालक दल देश 3 लोग हथियार देश 20 मिनी तो पवूरी 7.92 मिनी मशीन गन कवच देश 30 मिनी तक गति देश 40 किमी घंटा इंजन देश 140 एचपी क्रूजिंग रेंज देश 145 किमी जर्मन मध्यम तीन पी जेड आई जमुना पर वर्मा के 13वें पैंजर डिवीजन के निशान बा भजन देश की स्टल चालक दल देश 5 लोग हथियार देश नित मिनी तो पवूरी 2.79 मिनी मशीन गन कवच देश 50 मिनी तक गति देश 40 किमी घंटा इंजन देश 265 एचपी क्रूजिंग रेंज देश 145 किमी जर्मन मध्यम पिंक विजेदाई विधि के बा भजन देश 22 तल चालक दल देश 5 लोग हथियार देश लना मिनी तो पवूरी 2.79 मिनी मशीन गन कवच देश 30 मिनी गति देश 42 किमी घंटा इंजन देश 300 एचपी क्रूजिंग रेंज देश 200 किमी रॉयली काम के मुफ्त ई लाइब्रेरी http://royalib.com से किताब डाउनलोड करने खातिर धन्यवाद। किताब के बारे में एगो समीक्षा छोड़ी http://royalib.com/comment/billing_g/think_score_sg_score_dadam_score_1941_g.html लेखक की सब किताब http://royalib.com/author/billing_g.html